हेलो 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 क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है हेलो 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 बच्चों नमस्कार सत्याकाल आप कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरंभ बैच में जिसका आप सभी को बहुत बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था बच्चों आ गया है वो बैच तो दिवाली की छुट्टियां और वर्ल्ड कप के बाद जो सबसे ज्यादा टेंशन थी देखो एक तो वर्ल्ड कप जाने का दुख उसके बाद सबसे ज्यादा जो दुख दर्द और पीड़ा हमारे जीवन में थी वो थी रिवीजन को लेके इतने मैसेज आए इतने मैसेज आए कि सर रिवीजन कैसे करें रिवीजन कैसे करें पढ़ तो लिया याद नहीं हो पा रहा कैसे रिवाइज करें पूरे पूरे चैप्टर्स पड़े हुए हैं तो पीडब्ल्यू आपके लिए लिया है उसका भी जुगाड़ कर दिया गया है पूरा चैप्टर ही एक बार में रिवाइज कर देंगे पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज कर देंगे तो आ जाओ फटाफट से मुझे आप लोग कई लोग जानते होंगे और जो लोग पहली बार देख रहे हैं बच्चों मेरा नाम है हितेश और मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आरंभ बैच में हर एक चैप्टर जो आपकी नीड के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो मैं आपका पक्का कराऊंगा और इस बात की गारंटी मेरी है कि बिल्कुल बेसिक से फर्श से अर्श तक आपको इन चैप्टर्स में मैं लेकर जाऊंगा मतलब नीट का हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाए बच्चों ये मेरी कोशिश रहेगी सिर्फ और सिर्फ इस एक वीडियो से ठीक है पीरियोडिक टेबल के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस तरीके से अपन पढ़ाई करेंगे तो फटाफट पड़ से सभी लोग आ जाओ और अगर आवाज एकदम क्लियर आ रही है वीडियो एकदम क्लियर चकाचक नजर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आग लगा दो ताकि हम बिल्कुल फायर की तरह शुरू करें एकदम एकदम फायर की तरह है। लो थोड़ा और उजाला कर देते हैं आपके लिए ये और उजाला कर दिया गया है जल्दी से कमेंट सेक्शन एकदम आग बबूला नजर आना चाहिए फिर हम शुरू करेंगे और जो लोग नहीं आए हैं उनको भी पकड़ के ले आओ फटाफट से तो हमारे प्यारे से चैनल यकीन में आपका स्वागत है और यहां पर हमारे प्यारे यकीनियंस होंगे सारे यकीन वाले स्टूडेंट्स भी होंगे और बच्चों आज आपका पीरियोडिक टेबल का वन शॉट रिवीजन होगा बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच चलो बच्चों तो शुरू करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर लंबा होने वाला है तो हम ज्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे बीच बीच में हम थोड़ी वार्तालाप करते रहेंगे हम शुरू करते हैं मैं आपको बताता हूं क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है हमारी पढ़ने की बच्चों पीरियॉडिक टेबल पढ़ना है अपने को तो आपको मालूम है कि पीरियडिक टेबल हमारी केमिस्ट्री का फंडामेंटल टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल अच्छा कई बच्चों के मेरे पास यह भी क्वेश्चन आए कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले नहीं रिवाइज करके सीधे टेबल रिवाइज करें तो चलेगा क्या बिल्कुल चलेगा एकदम चलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का यहां पर आपको कोई लेना देना नहीं है दो छोटी मोटी चीजें होंगी वो मैं खुद आपको बता दूंगा ठीक है तो टेंशन नहीं लेने का सब कुछ समझ में आएगा हम पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी मैं आपको फटाफट से लिखना सिखा दूंगा एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की तो आप वो भी आराम से कर लोगे क्योंकि मुझे पता है आपके जीवन में अभी भी ये दर्द मौजूद है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन कैसे लिखे समझ नहीं आ रहा है ना ठीक है तो बस आप लोग एक्टिव बने रहना बिल्कुल इसी तरीके से सब कुछ कवर कर लेंगे आज हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कुछ एप्लीकेशन की बात करेंगे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं नहीं शुरू नहीं चलिए आरंभ करते हैं आ जाओ तो बेटा पीरियोडिक टेबल ये जो हमारा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल ये दो पार्ट में बेटा ये चैप्टर दो पार्ट में रहने वाला है एक है पीरियोडिक टेबल जिसमें अब आप कहोगे ये क्या फालतू की बात हुई सर पीरियोडिक टेबल में एक पार्ट है पीरियोडिक टेबल यानी कि एक पार्ट में हम जो टेबल आप लोगों ने देखी है ना पीरियोडिक टेबल बनी हुई जब आपने साइंस लिया था इलेवंथ में आए थे तो बहुत जोश में लाए थे टेबल है क्या है क्या पीरियोडिक टेबल और उसे याद भी करेंगे है ना? इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में यानी कि जेंसिस के बारे में बात करेंगे जेंसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल ठीक है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे हम सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं अभी फिलहाल जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम आएंगे वो हम यहां पर लिखेंगे और मैं ये कह रहा हूं बच्चों आरंभ बैच खत्म होते होते जब इनऑर्गेनिक इन केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स हो जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स हो जाएंगे सारे चैप्टर्स के जब यह बैच खत्म होगा तब तक पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हर एक एलिमेंट का कॉन्फिग्रेशन आप लिख लोगे इसकी गारंटी मेरी है <laughs> हा बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है जो दिमाग में मिथ बना रखे ना तुम लोगों ने वो सब निपटा दूंगा इन लेक्चर्स में ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे ये हो गया अपना एक पार्ट दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चों हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं हम ये मान के चलते हैं कि पीरियोडिक टेबल से हर साल दो क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन आता है बच्चों पीरियोडिक टेबल और ये इस वाले पार्ट से कॉन्फ़िगरेशन और जेंसिस ये वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए अपन इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे सबसे लास्ट में ठीक है दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है पीरियोडिक 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 प्रॉपर्टीज 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 से में कौन कौन सी पता है आप सभी को है ना अटोमिक रेडियस जिसमें हम आयनिक रेडियस भी इंक्लूड करके पढ़ते हैं दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको भी इसमें भी इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है आपको वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे टेंशन और चौथा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का तो ज्यादातर ऐसा देखा जाता है एग्जाम में आपके नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आएगा एक क्वेश्चन यहां से आएगा यहां से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत आसान आता है आप बहुत आसानी से कर लोगे है ना लेकिन कैसे एक आसान टॉपिक से टफ क्वेश्चन बनता है उसका भी एक एग्जाम्पल अपन लेंगे दूसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जब अपन पढ़ेंगे बच्चों तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अपन ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो जनरली ऐसा देखा जा रहा है आजकल कि एग्जामिनर क्या करते हैं इन चारों से या इनमें से कोई भी तीन या दो प्रॉपर्टीज से मिला के क्वेश्चन देते हैं मतलब एक ही क्वेश्चन में वो आपसे सारी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है तो इसलिए सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ना जरूरी है तो ये सब हम आज करने वाले हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हम पीरियोडिक टेबल से जो पीरियोडिक टेबल की अगर अपन बात करें तो वो जो चार्ट आपने अपनी स्टडी टेबल के आगे चिपका रखा है ना जिसमें बहुत सारे सिंबल्स लिखे हुए अंग्रेजी में वो ज्यादा तो आज तक समझ में नहीं आए लेकिन हाँ क्योंकि जब साइंस ली थी तो ये कंपलसरी था कि हाँ ये चार्ट तो होना ही चाहिए मतलब वो चार्ट को जिस तरीके से है कि वो सिंबल है ये बताने के लिए कि हाँ आप साइंस के स्टूडेंट हो भैया आगे जाके या तो आप डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे है ना तो वो याद होना जरूरी है हमें वो जो सामने आपने ऐसे मजे मजे में चिपका लिया ना बेटा वो हलवा नहीं है वो पीरियडिक टेबल पूरी याद होनी चाहिए और आप में से कईयों ने याद कर भी ली होगी जो 2.0, 3.0 वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने तो बढ़िया से याद कर ली होगी 1.0 वालों ने भी कर ली होगी है ना तो बच्चों ये आपकी एक पीरियोडिक टेबल है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है ना ये थोड़ा सा उसका अलग डिजाइन वाला वर्जन है आपके पास जो है उससे थोड़ा सा अलग है थोड़ा देखने में सुंदर लगता है इसलिए ये लगा दिया अपन ने तो चलिए ये अपने को पीरियोडिक टेबल है बच्चों और ये पूरी याद होनी चाहिए अरे अब तो बच्चों बॉलीवुड के स्टार्स को भी याद हो गई है बॉलीवुड स्टार किड्स के जो बच्चे हैं ना वो तक याद करने लग गए इसको तो अपना ही उनसे तो है। तो ऊपर है अपने को तो ये याद होनी चाहिए है ना तो बच्चों ये पीरियोडिक टेबल आपको पूरी याद होनी चाहिए इसमें है टोटल एक सौ अट्ठारह एलिमेंट्स और ये पूरे के पूरे एक सौ अट्ठारह एलिमेंट आपको याद होने चाहिए तो सबसे पहले सबसे पहले अपन ये पूरी पीरियोडिक टेबल याद करेंगे थोड़ा सा ये काम अपन बेटा जल्दी करेंगे है है ना क्योंकि ये ये रिवीजन वाला लेक्चर तो इसमें ये याद करने वाला काम अपन थोड़ा जल्दी करेंगे इसको ज्यादा टाइम ना लेकर ज्यादा बोर ना होकर अपन इसको थोड़ा जल्दी निपटाएंगे फिर उसके बाद में आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा ठीक है तो बेटा ये पीरियोडिक टेबल जो अपने को पूरी याद होनी चाहिए मैं आपको इसके निमोनिक्स बताता जाऊंगा अगर आप चाहो तो लिख लेना नहीं तो अगर आपको याद है ऑलरेडी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है है ना ये जो पीरियोडिक टेबल है हमारी इसको बोलते हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल और ये जो सिंबल्स नजर आ रहे हैं जैसे ये आर एच लिखा हुआ है ये सी आर लिखा हुआ है यह एमजी लिखा हुआ है ये सब क्या है बच्चों ये है ये एलिमेंट्स क्या है ये है एलिमेंट्स तो सर इनको ऐसे ऐसे करके कुछ अजीब सी डिजाइन में क्यों लिखा वो भी पढ़ेंगे ये भी पता लगाएंगे कि इसको ऐसे 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 क्यों जमाया तो सबसे पहले आपको जो बेसिक चीजें हैं वो मैं बता देता हूं जैसे कि ये हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियडिट टेबल है इस टेबल को हमने कुछ इस तरीके से बनाया है इसमें अपने को मिलते हैं कुछ वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज पता है ये तो सभी को वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला जाता है पांचवी क्लास के बच्चे को भी पता है ये बात क्या बोला जाता है एक बार कमेंट में जल्दी लिख के बताओ चलो मैं देखता हूं कितने यहां पर सीरियस स्टूडेंट्स हैं और कितने केवल स्पैमर्स हैं चलो जल्दी बताओ हां भैया वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलेंगे जल्दी फटाफट आप लिखनी चाहिए कमेंट सेक्शन में हाँ बिल्कुल इस तरीके से बहुत बढ़िया तो वर्टिकल कॉलम्स को बोलेंगे बच्चों ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोस को क्या बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल रोस को बोला जाएगा पीरियड्स तो बेटा हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं आई डोंट थिंक ये मुझे बताने की जरूरत है और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं चलो जल्दी से बताएंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं 18 और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं सात नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 और पीरियड्स सात ठीक है तो ये जो नजर आ रहे हैं ना ये वर्टिकल कॉलम्स ये हॉरिजॉन्टल रोज़ इनको हम बोलेंगे ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज़ को बोलेंगे अपन पीरियड्स ठीक है अब सुनो मेरी बात ये जो ग्रुप और पीरियड्स है ना इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है इनको भी डिवाइड किया गया है इनको हमने चार पार्ट में डिवाइड किया बच्चों चार अलग अलग पार्ट में पहले के जो दो ग्रुप हैं पहले के जो दो ग्रुप हैं ये अलग रखे हैं ग्रुप नंबर तीन से लेकर ग्रुप नंबर बारह तक ये अलग रखे हैं ग्रुप नंबर तेरह से अठारह तक ये हमने अलग रखे हैं है ना और ये जो अलग अलग अपन करते जा रहे हैं ना इनको हम बोलते बच्चों ब्लॉक्स क्या बोलते हैं ब्लॉक्स तो हमारी जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है इसको हमने मेनली चार ब्लॉक में डिवाइड किया है हैं अरे सर आपने तो तीन ही बताया अरे चौथा ये रहा ना नीचे चौथा ये रहा नीचे ये भी एक ब्लॉक है ये भी एक ब्लॉक है तो बेटा ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल चार पार्ट में डिवाइड किया आप सभी को बताया ये चारों कहलाते हैं ब्लॉक्स कौन कौन से ब्लॉक्स एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तो ये जो शुरुआत वाला है ये हमारा एस ब्लॉक है ये हमारा जो सेकंड नंबर वाला है जो एस के जस्ट बाद है इसको बोला जाता है बच्चों पी डी ब्लॉक और जो डी ब्लॉक के बाद आता है ये कहलाता है पी ब्लॉक और इसके बाद ये जो नीचे है ये कहलाता है हमारा एफ ब्लॉक ठीक है ठीक है तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए ये भी लिख लो फटाफट फड़ से नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए बेटा चार कौन कौन से एस पी डी एफ ये चार ब्लॉक्स हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में और ये एस पी डी एफ नाम क्यों रखा हमने ये एस पी डी एफ नाम क्यों रखा क्या कोई बताएगा एसपीडीएफ हाँ, अरे भैया कितने लोग जिंदा है यहां पे एस पी डी वॉइस वॉइस की कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या हेलो हेलो वॉइस एक बार चेक कर लो <coughs> वॉइस ओके है क्या बच्चों एक बार वॉइस ओके है तो इसको क्लियर कर दो क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक हम हेलो 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 वॉइस क्लियर है बेटा हाँ क्लियर है है ना एक बार फिर भी आप चेक कर लेना ठीक है तो ये हमारे चार ब्लॉक्स है बेटा है ना और इनको हमने चार ही ब्लॉक्स में क्यों डिवाइड किया और इनका नाम एस पी डी एफ ही क्यों रखा तो बेटा इसके लिए बनने क्या पढ़ा था कि ये जो एलिमेंट्स है ना हमारी पीरियोडिक टेबल में ये जो हमने एलिमेंट्स जमाए हैं ये जो इस तरीके से एलिमेंट जमाए हैं ये कैसे जमाए इनके अटोमिक नंबर के इनक्रीजिंग ऑर्डर में जमाए हैं कैसे जमाए हैं एलिमेंट्स आर अरेन्ज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बच्चों जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो आप लिख लेना जरूरी नहीं है सब कुछ जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखना ही है अगर आपको लगता है कि ये पार्ट तो मेरे को बताया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है जो इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करते जाना साथ साथ एलिमेंट आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल इन इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया है ठीक है अभी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमने एलिमेंट्स को जमाया है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम की कोई चीज सुनिए ना जिसने तुमको बहुत ज्यादा दर्द दिया है और अभी भी दे रही है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स लिखे गए बेटा इले, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन लिखे गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन लिखने के बाद यह देखा गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसे कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर कर रहा है जैसे कि सपोज आपने लिखा सोडियम का कॉन्फिगरेशन सोडियम का कॉन्फिगरेशन क्या होगा बेटा यही होगा क्या 1s2 2s2 अच्छा इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है तो हमने क्या करा 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1 अच्छा ये कैसे लिखना होता है ये भी अभी सिखाऊंगा ठीक है ये तो सोडियम एक आसान सा एलिमेंट है मैं आपको कोई भी रैंडम नंबर दूंगा उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख लोगे एकदम चुटकियों में हाँ ठीक है तो वन एस टू टू एस टू टू बी सिक्स थ्री एस वन अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो कौन से सब्शन में एंटर कर रहा है बेटा एस सब्सल में एंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब्सल में एंटर करेगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक को बिलोंग करेगा तो हमने सब्शल्स कौन कौन से पढ़े हैं एस पढ़ा है पी पढ़ा है डी पढ़ा है और एफ पढ़ा है अभी तक जितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उनमें मात्र ये चार सब्शल ही भरने की जरूरत पड़ती है इससे आगे के सब्सल भरने की जरूरत नहीं पड़ती है सप्शल तो इसके आगे भी होते हैं जी भी होता है एच भी होता है आई भी होता है सब होते हैं लेकिन हमें जरूरत कितने की पड़ती है सिर्फ एफ तक की पड़ती है तो हमारी पीरियोडिक टेबल में इसलिए अभी तक सिर्फ चार ब्लॉक हैं इन केस इन फ्यूचर अगर और भी ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुए तो हमें और भी ज्यादा ब्लॉक्स ऐड करने पड़ेंगे तब हमारी पीरियोडिक टेबल में हो सकता है चार से ज्यादा ब्लॉक्स भी हो लेकिन अभी फिलहाल के लिए कितने हैं अभी फिलहाल के लिए कितने बेटा चार ठीक है तो इनमें से जिस भी सब्शन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा कॉन्फिग्रेशन लिखते टाइम उस ब्लॉक को वो एलिमेंट बिलोंग करेगा अरे समझ में आ रहा है क्या सभी को ये तो बहुत बेसिक चीज है ना ये तो बहुत बेसिक चीज है ठीक है तो ये हमने एक एक करके सारे एलिमेंट्स लिखे इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखे फिर देखा कि कौन से एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन ने चार प्रकार के ब्लॉक्स डिसाइड कर दिए तो बेटा ये ब्लॉक्स अपने को याद होने चाहिए सारे के सारे पूरे के पूरे 118 एलिमेंट्स हमें याद होने चाहिए और यही मेरा पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट लेक्चर का सबसे पहला होमवर्क होता है कि पीरियोडिक टेबल याद करो जो मुझसे पढ़े हुए हैं कि पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए पूरी की पूरी पूरी मतलब पूरी है ना तो बेटा पीरियोडिक टेबल पूरी याद करेंगे तो हम इस पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक वाइज याद करने वाले फटाफट से ये याद करने वाला पार्ट निपटाते हैं फिर उसके बाद इसके बारे में जो भी जरूरी चीजें हैं उन पर आते हैं ठीक है अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताओ सबसे पहले मुझे ये बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिनको पीरियोडिक टेबल पूरी याद है एक एलिमेंट एक भी मिस नहीं होना चाहिए है ना तो चलिए एक काम करते हैं पोल करवा के देखते हैं ये तो डाउट वाला सेक्शन है पोल करवा के देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनको पीरियोडिक टेबल पूरी याद है पूरे 118 एलिमेंट्स जल्दी से बताओ जल्दी से और याद नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है याद तो मैं करवाऊंगा मैं बस देखना चाह रहा हूं कि कितनों को याद है पहले से क्योंकि कईयों ने जब पीरियड टेबल चल रहा था यकीन में तो कईयों ने मुझे सिंसियरली वो टेबल पूरी याद करके दिखाई है और उनका यही कहना था कि सर हमें तीस तक ही एलिमेंट्स याद थे क्योंकि हमें यही बोला गया था कि तीस तक याद होने चाहिए तीस तक याद थे नहीं मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको पूरे एक एलिमेंट याद होने चाहिए है ना तो आई होप आपने सभी ने याद कर लिए होंगे पोल स्टॉप हो गया है लेकिन ये अटक गया है तो अब शायद ही पता चले कि कितने लोगों ने यस और कितने लोगों ने नो किया था कोई बात नहीं कोई अच्छा आ गया आ गया आ गया ओ माई गॉड सीरियसली मुझे लगा था ये 91 वन परसेंट वो लोग हैं जिनको याद है अरे नालायकों अभी तक पीरियोडिक टेबल याद नहीं कि तुम लोगों ने और कमेंट्स में भी नो सर नो सर नो सर सब नालायक हो तुम लोग सब कोई बात नहीं इसीलिए तो हम यहां हैं अरे इसीलिए तो पीडब्ल्यू आपके साथ है भैया क्योंकि हमें पता है तुम लोग नालायक हो नहीं करोगे याद लो एक बार फिर से आ गए याद करवाने के लिए तो फटाफट से पीरियोडिक टेबल याद करवाता हूं ये वाला तो सभी को याद होगा जो एस ब्लॉक है बच्चों एस ब्लॉक तो आप सभी को याद होगा आई आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है ये तो बच्चों पांचवी क्लास के बच्चे भी याद करके रखते हैं हैलीना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे याद कर लो ठीक है कैसा याद किया इस ब्लॉग हैलीना की रब से फरियाद बेटा मांगे कन्या सुंदर या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी ओके ठीक है ना ये तो इतना तो सबको याद होता है और नहीं याद होता ना बेटा कर लेना क्योंकि छोटे छोटे बच्चे याद करके घूम रहे हैं आज के लिए चीजें ठीक है कर लेना बेस्तियां करवा देंगे छोटे बच्चे तुम्हारी तो अब आ रहे हैं अपन पी ब्लॉक पे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम ऐसे ग्रुप वाइज याद करते हैं और अपना जो एफ ब्लॉक है इसको अपन पीरियड वाइज याद करते हैं और डी ब्लॉक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम पीरियड वाइज भी याद करते हैं और ग्रुप वाइज भी याद करते हैं ठीक है तो बेटा इसके लिए पी ब्लॉक के लिए आपको ये सेवेंथ पीरियड वाले भी याद रखने सेवन पीरियड वाले भी याद करेंगे अपन कैसे जैसे जो थर्टींथ ग्रुप है इसको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली इसको कैसे याद करते हैं भारत के ऑल गंजे इंडाना तेल से नहाए भारत के ऑल गंजे इंडाना तेल से नहाए कोई ऑफेंस मत होना भाई बस सीधे सीधे याद करवा रहा हूं मैं याद करने में हेल्प करवा रहा हूं इसलिए ऑफेंस मत होना कोई भी पहले बता रहा हूं है ना क्योंकि आजकल लोग तैयार ही बैठे रहते हैं और गंजे भी बहुत हो ही रहे हैं आजकल के लोग है ना मैं खुद मेरे खुद के बाहर झड़ते जा रहे हैं मैं खुद गंजा होता जा रहा हूं तो भारत के ऑल गंजे इंडाना तेल से नहाए नेक्स्ट कहे शिवांगी कहे शिवांगी सुनो प्रभात फुले ठीक है कहे शिवांगी सुनो प्रभात फुले देन उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली को कैसे याँ? बेटा ये वाले एलिमेंट्स याद करने जरूरी है मुझे पता है आपको ये तो याद है बैंगन आलू गाजर इन थेला मुझे पता ही आपको याद है पर बेटा ये नेक्स्ट जो सेवंथ पीरियड वाला एलिमेंट है ना नाइहोनियम जो एन एच सिंबल लिखा हुआ है ये भी याद रखना पड़ेगा आप क्योंकि बेटा एग्जामिनर को मालूम है तुम ये एलिमेंट छोड़कर आते हो आपको यही सिखाया जाता है कि ये तो सेवंथ पीरियड वाले हैं जरूरी नहीं है और एग्जामिनर ने बेटा इसी पर क्वेश्चन डाल दिया था एक बार है ना तो अब आप ये मान के चलो कि एग्जामिनर की मेन नजर होती है इन्हीं एलिमेंट्स पे जो तुम छोड़ के जाते हो तो ये तो याद करने ही करने हैं बहुत ज्यादा जरूरी है तो भारत के ऑलगंजे ना तेल नहाए या फिर बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं है ठीक है कहे शिवांगी सुनो प्रभात फुले नेक्स्ट न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पे तो वैसे गुस्सा आ रखा है अभी है ना पाकिस्तान का तो अपन कंसिडर भी नहीं करते न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में मैच में ये जो सिंबल है बच्चों है मॉस्कोवियम एलिमेंट का फ्लेरोवियम फ्लेरोवियम मॉस्कोवियम याद रखना है ठीक है नेक्स्ट ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली क्या बोल रहे हैं हम लवली को ओल्ड स्टाइल से टीपो ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली बेटा जिसको याद नहीं है वो लिख लेना ठीक है जिसको याद नहीं है वो लिख लेना और अभी अगर नहीं लिख पाते हो तो लेक्चर के बाद आराम से लिख लेना ठीक है पर याद तो करना ही है फिर कल बाहर आई आंटी टेनिस या फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में या फिर कल बाहर आई आंटी तनीशा जो आपका मन करे जैसे आपको अच्छा लगे वैसे याद करो ठीक है फिर कल बाहर आई आंटी तनीशा और ये तो आपको पता ही है बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है हमारा ये आपको जरूर याद होना चाहिए क्योंकि इसी की हेल्प से हम ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट्स के हीरा नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल हीरा नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल ऑर्गेनेसॉन आपसे नीट में सिंपली एक आसान सा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है रिसेंटली डिस्कवर्ड नोबल गैस का क्या नाम है हाँ बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल एग्जाम में रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट जो फैमिली को बिलोंग करता है उसका नाम क्या है तो आपको बेटा ये याद रखने हैं सिंबल याद रह जाएंगे तो नाम भी याद रह जाएगा आराम से है ना तो हीरा नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल या हीना नीना और करीना जैसी रानिया ओरिजिनल जो आपको पसंद हो जैसे आपको ठीक लगे वैसे याद करो ठीक है ठीक है चले आगे बढ़े तो बेटा एस और पी ब्लॉक ये दोनों हमने याद कर लिए और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं इनमें अभी तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ ये चीजें थी क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछने वाला ये तो हर कोई याद करके घूमता है इसमें से तो बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला कि बताओ इसके नीचे कौन सा एलिमेंट है ऐसा क्वेश्चन यहां नहीं पूछता है वो कहां पूछता है डी ब्लॉक में एफ ब्लॉक में या फिर ये सेवंथ पीरियड वाले एलिमेंट्स इनमें पूछता है ठीक है तो ये अभी अपन सेवंथ पीरियड वाले अलग से भी याद करेंगे अलग से भी याद करेंगे पहले तो आप यह याद कर लो नाइहोनियम, फ्लेरोवियम, मस्कोवियम लिवरमोरियम टेनिसिन और ऑगेनेसोन ऑगेनेसॉन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से ऑगेनेसॉन ठीक है ठीक है अभी टी भी लेकर आया हूं मैं आपके लिए जगह जगह पर जहां पर मुझे लगता है कि यह बात एनसीआरटी की इंपॉर्टेंट है या आपको यह बात पता होनी चाहिए कि यह एनसीआर से उठाई हुई है वहां अपन ने टी कटआउट डाले हैं तो आपको आज इस चैप्टर के खत्म होते बच्चों यह भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एनसीआरटी पढ़ बाबा पहली बार जीवन में ऐसा लग रहा है कि एनसीआरटी पढ़ लिया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात करेंगे हम डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की डी ब्लॉक वालों को हम ऐसे ऐसे भी याद करेंगे ऐसे ऐसे भी याद करेंगे ठीक है तो कैसे याद करना है चलो पहले पीरियड वाइज याद करेंगे पीरियड वाइज याद करने के लिए बच्चों ये जो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स सबको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स अभी डिस्कस करेंगे इसको और ये जो पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है बेटा ट्रांजिशन सीरीज क्या बोला जाता है ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में जो सबसे पहली सीरीज आपको नजर आ रही है जो scandium से zinc तक है इसको बोला जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या फिर थ्री सीरीज है ना मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं आप चाहो तो यहां पर अलग से लिख सकते हो कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है या इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं थ्री सीरीज है ना तो अगर मैं कभी आपको ऐसे बोलूं कि ये जैसे क्रोमियम है ये थ्री डी सीरीज एलिमेंट है तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि ये डी ब्लॉक का सबसे पहली सीरीज वाला एलिमेंट है थ्री डी सीरीज मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ठीक है तो थ्री डी सीरीज को बिलोंग करता है कौन क्रोमियम इसको थ्री डी सीरीज क्यों बोलते हैं अभी जब अपन कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे ना तो हम ये देखेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो इन एलिमेंट्स के 3D ऑर्बिटल में 3D सबशेल में एंटर कर रहा है इसलिए इसको 3D सीरीज बोल देते हैं ठीक है कहां से कहां तक स्कैंडियम से लेके जिंक तक कहां से कहां तक बेटा स्कैंडियम से लेके जिंक तक तो स्कैंडियम से जिंक तक याद होगा ही आप सभी को आई नो आपको याद है साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाती हो साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाती हो ठीक है तुम्हारी किस्मत खराब है तुम्हें साइंस टीचर मैं मिला हूं विनीता कुमारी नहीं मिली है ठीक है तो उसके लिए मोए मोए <laughs> बाकी बाकी मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि नीट में तुम्हारे साथ मोए मोए नहीं होने दूंगा मतलब वहां क्वेश्चन करते करते तुम्हारे दिमाग में यह कभी नहीं आएगा कि यह तो मोए मोए हो गया हमारे साथ ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना <laughs> चलो आ जाओ तो बेटा साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाती हो Next. ये जो सेकंड वाली सीरीज है इसको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या फिर फोर सीरीज बोलते हैं क्योंकि इनमें फोर डी सप्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं ठीक है तो इसको कैसे याद करना है बेटा यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा इसको सिर्फ एलिमेंट्स याद करने के लिए ही दिमाग में लाना है इस लाइन को सीरियस कहीं कभी भी मत लेना कहीं भी कूदने वूदने की जरूरत नहीं है ठीक है और सिर्फ इसको याद करने के लिए यारी जरा निभा मौत तक मतलब इस सेंटेंस को कभी भी सीरियसली मत लेना ठीक है यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे आगे कूजा ठीक है आगे कूजा नेक्स्ट अच्छा ये जो दो प्लेस खाली नजर आ रहे हैं बेटा यहां पर ये इन दोनों एलिमेंट्स के हैं लेंथेनम और एक्टेनम के किनके हैं ये लेंथनम और एक्टिनम मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं क्योंकि आप कई बार भूल जाते हो या आप ऐसी वाली पीरियोडिक तो मतलब टेबल नहीं बिल्कुल नहीं लेंथेनम और एक्टिनम बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट है मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग लेंथेनम और एक्टिनम कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फटाफट से सभी लोग लेंथेनम और एक्टिनम कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हैं जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे लेंथेनम और एक्टिनम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं लेंथेनम और एक्टिनम याद रख लो ठोक लो दिमाग में अच्छे से लेंथेनम और एक्टिनम कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो इनको लिखा इसलिए है क्योंकि इन सभी की प्रॉपर्टीज बच्चों एक जैसी होती है और ये सारे के सारे एलिमेंट मतलब ये और इसके चौदह बहन भाई और ऐसे ये और इसके चौदह बहन भाई ये सारे के सारे यहां पर इस छोटे से पार्ट में प्रेजेंट है ये सारे के सारे मतलब ये पूरा ब्लॉक यहां पर प्रेजेंट है लेकिन अगर पूरा का पूरा यहां पर ऐसे लिख देते तो हमारी पीरियोडिक टेबल ऐसे बोर्ड के बाहर चली जाती ना इसलिए उसको निकाल के अलग से लिखा गया साइंटिस्ट लोगों को पता था कि तुम लोग जब यकीन चैनल पे क्लास कर रहे होगे पीडब्ल्यू का कोई एक टीचर तुमको पढ़ा रहा होगा तो उसके पास बोर्ड इतना चौड़ा नहीं होगा कि वो इस ब्लॉक को यहां पर लिख के पूरी पीरियोडिक टेबल समझा दे इसलिए उन्होंने पहले से ही निकाल के इसको यहां पर बाहर रख दिया नीचे ठीक है तो क्या पता चला इससे हमको कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है बच्चों इनको ये प्रेजेंट तो यहीं पर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ इधर अंदर ही प्रेजेंट हैं लेकिन इनको अलग से क्यों लिखा गया है क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज अलग है इनको अलग से हम स्टडी कर पाएं और याद रख सकें और हमारी पीरियोडिक टेबल का मॉडल भी खराब ना हो इसलिए इनको निकाल के अलग रख दिया गया ठीक है मजा आ रहा है ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़े तो बेटा ये लेंथेनम और एक्टेन में लिख देता हूं क्योंकि ये ही है और हम इसे के साथ ही याद करेंगे तो बेटा ये थ्री डी सीरीज ये फोर डी सीरीज फाइव डी सीरीज 5D सीरीज हमने यहां पर 3d सीरीज लिख दिया था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ये हम लिख रहे हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को बच्चों 4d सीरीज भी बोला जाता है और 4d सीरीज बेटा कहां से कहां तक है 4d सीरीज कहां से कहां तक है से लेके कैडमियम तक से लेके कैडमियम तक यहां से यहां तक इसको बोला जाएगा फोर सीरीज ऐसे लेंथेनम से लेके मर्क्यूरी तक यह क्या है हमारी लेके ले मर्क्यूरी तक हमारी क्या है 5D सीरीज है तो इसको भी लिख लो इसको भी लिख लो ये हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है इसको 5D सीरीज बोलते हैं हम कहाँ से कहाँ तक लेंथेनम से लेके मर्क्यूरी तक इसको हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं और इसको 5D सीरीज भी बोला जाता है ऐसे ही बच्चों 6D सीरीज हमारी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी एक्टिनम से लेके कॉपर निकियम तक कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी बेटा एक्टिनम से लेके कॉपर निकियम तक वो भी लिख लेते अपन फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज या इसको सिक्स डी सीरीज भी बोला जाता है और ये बेटा एक्टिनम से लेके कॉपर तक होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमने थ्री डी सीरीज फोर डी सीरीज याद कर ली फाइव डी सीरीज फाइव डी सीरीज लेंथिनम से शुरू हो रही है ला हफ्ता हाफनियम और टेंटलम को साथ में कंबाइन कर दिया हमने ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी ठीक है ऐसे सिक्स डी सीरीज जो है बच्चों सिक्स डी सीरीज को अभी अपन अलग से याद करेंगे इसको अपन ऐसे छोड़ रहे हैं अभी फिलहाल के लिए है ना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना इसलिए इसको लास्ट में याद करेंगे सबसे पहले अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स याद कर लेते हैं ये तुमको याद तो हो जाता है ये पता नहीं कितनी बार ही बता दिए मैंने तुम लोगों को लेकिन फिर थोड़े दिन बाद तुम कहते हो अरे वो सर है ना दिमाग से निकल गया ऐसा है एक बार इसको वापस से बता दो तो नालायक लिख लेना अब इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को और अपने ये वाले जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना सेवन पीरियड वाले इनको लिख लेना और इनके निमोनिक्स भी साथ में लिख लेना कुछ नहीं बस एक दो बार पता खुद से लिखना होता है तुम लोगों को लेकिन अगर उतनी भी मेहनत कर लो तो नालायक कैसे कहलाओ है ना सर हिंदी में बेटा हिंदी में ही तो बोल रहा हूं कौन सी भाषा समझ में आ रही है अपने को अरे इसी गोले से हो ना तुम लोग हिंदी में ही तो बोल रहा हूं क्या गजब लोग हो यार तुम लोग हिंदी में ही तो बोल रहा हूं मैं अब संस्कृत में तो देखो उतना मैं फ्लुएंटली नहीं बोल पाऊंगा तो इसलिए हिंदी में ऐसे ही बोलना पड़ेगा जैसे मैं बोल रहा हूं है ना ठीक है ना तो बेटा क्या बोल रहा था मैं भुला दिया यार यारे थ्री डी फोर डी फाइव डी सीरीज हो गई अब सिक्स सीरीज को अपन अलग से याद करेंगे ठीक है ये अपन पहले ये याद कर लेते हैं एफ ब्लॉक वाले तो बेटा ये और तो अपन ने अलग से याद कर लिए हैं यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का सबसे पहला एलिमेंट कौन है सीरियम और उसके जस्ट नीचे आता है थोरियम तो लेंथेनम के आगे वाले सभी के आगे वाले सभी एलिमेंट्स कहलाते हैं बच्चों

और इसके जस्ट बाद जो रदर हमारा देखो एक सौ चार एटॉमिक नंबर है ठीक है ठीक है तो ये नाइनटी से लेके वन जीरो थ्री बाकी सब कहां गए वो सब ये रहे ये सारे एक्टिनोइड्स कहलाते हैं बेटा क्या कहलाते हैं एक्टीनॉइड तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज हैंड्स और एक्टिनोइड्स लेंथेनम के आगे वाले लेंथेनॉइड और एक्टिनम के आगे वाले एक्टिनोइड्स ठीक है और यह भी याद रखो कि सभी लैंथेनॉइड्स 58 से 71 एटॉमिक नंबर तक हैं सभी मेरे साथ बोलेंगे फटाफट 58 से 71 कौन है जल्दी लिखेंगे फटाफट से 58 से 71 कौन है जल्दी लिखो फटाफट जल्दी-जल्दी जल्दी 58 से 71 कौन है बेटा फटाफट से लिखो 58 से 71 कौन है अरे लिखो ना यार हां लैंथेनॉइड्स बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बस ऐसे आप तुम आज अपन आग लगा देंगे फायर ऑन द फ्लोर कर देंगे आज अपन चिंता ही मत करो तुम ठीक है तो ये है बच्चों लेंटेनोइड्स और 90 से 103 एटॉमिक नंबर 90 से 103 इनको क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ एटॉमिक नंबर 90 से 103 क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे एक्टिनोइड्स क्या कहलाएंगे एक्टिनोइड्स ठीक है तो चलो बच्चों अब देखो इधर फटाफट से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को याद कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पहले हम सीरियम तो से फर्स्ट एफ ब्लॉक से तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम यादगार लगते हो या और तुम यब्लू मैं ऐसे याद रखता हूं सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम यादगार लगते हो या और तुम यब्लू यबलू, यबलू से मुझे यह याद रह जाता है कि यबलू मतलब यम और लुटेटियम से मिलकर बना है ठीक है तो आप ऐसे याद रख लो या जैसे आपको याद हो वैसे कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बस याद होना चाहिए सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम यब्लू याद हुआ नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिनोइड्स पर आ रहे हैं एक्टिनोइड्स थोड़ा पढ़ाऊं थोड़ा पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, थोड़ा पढ़ाऊं न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर में क्या खबर छपी है कि पुराने आम कम बिके क्या खबर छपी है पुराने आम कम बिके और उसके जस्ट बाद कौन सी खबर आई है ये? कैफे में ऐश फरमाते कैफे में ऐश फरमाते मेडोना लारा कैफे में ऐश फरमाते मेडोना लारा मतलब मेडलीवियम और नोबेलियम को हमने क्लब करके मेडोना बना दिया और लॉरेंशियम को हमने लारा ब्रायन लारा वाला लारा और कोई सवाल नहीं ठीक है ठीक है बेटा तो सीने पर नदियां प्रेम की समय यूं ही गदगद अब दिल हुआ और तुम यादगार लगते हो और थोड़ा पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराने आम के कैफे में ऐस फरमाते मेडोना लारा अब भी अब भी याद कर लो क्योंकि अब ये लास्ट चांस है बेटा इसके बाद कोई भी आपको इतना डिटेल में याद नहीं करवाएगा इतना डिटेल में कोई याद नहीं करवाएगा है ना तो अब भी अब भी याद करके खत्म करो इसको अब भी के अब भी ठीक है अब आ रहे हैं अपन हमारे डी ब्लॉक के सेवेंथ पीरियड एलिमेंट्स पे तो एक्टेनम को तो हमने याद कर ही लिया है बच्चों इसके साथ एक्टेनम को तो हमने याद कर ही लिया है ये सारे रदरफोर्डियम से कॉपर कॉपर निकियम तक के एलिमेंट्स ये मैं आपको याद करवा देता हूं बेटा रदर फोर्डियम से जैसे अपन ने याद किया था एक्टेनॉय सारे के सारे नाइनटी टू वन जीरो तक जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक्टेनोइड हैं और 103 के जस्ट बाद आता है एलिमेंट 104 रदरफोर्डियम इसने बहुत बवाल मचाया था रदरफोर्डियम ने जब ये डिस्कवर हुआ था ना इसने बहुत बवाल मचाया था अभी अपन आगे देखेंगे क्या बवाल हुआ था ठीक है तो रदरफोर्डियम के आगे वाले अटोमिक नंबर एक तक के एलिमेंट्स ये सारे डी ब्लॉक के सेवन पीरियड एलिमेंट्स हैं उधर वाले पीरियड एलिमेंट तो इनके साथ याद कर लिए पी ब्लॉक वालों के है आर डी शर्मा आर डी शर्मा एक किताब चलती थी मैथमेटिक्स की याद है ना तुम लोगों को जिसको पढ़ने के बाद तुमने ये फैसला किया था कि यार मैथ्स तो नहीं पढ़ेंगे मतलब हम डॉक्टर ही बनेंगे आधे से ज्यादा तो इसलिए डॉक्टर बनने के लिए आए गए ताकि मैथ्स ना पढ़ना पड़े है ना यही हुआ था ना तुम्हारे साथ अरे मैच पढ़ने के बाद इलेवेंथ में जब नंबर नहीं आए तो तुमने क्या सोचा अरे डॉक्टर बनेंगे मैच तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा और जैसे ही इलेवेंथ में आए बायो लेंगे बायो मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा तो क्या हुआ फिजिक्स तो पढ़ना पड़ेगा और फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा तो उसमें पहला ही चैप्टर आता है क्या पहला ही चैप्टर क्या था याद करो पहला चैप्टर कौन सा था बेसिक मैथमेटिक्स कौन सा था बेसिक मैथमेटिक्स मतलब मोए मोए हो गया ना तुम्हारा साथ भी ये छोड़ के ये सोच के मैथ छोड़ के आए थे कि मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा और पहला ही चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स मोए मोए हो गया ना तुम्हारा भी कट गया ना प्यार से है ना कोई बात नहीं इतना तो खैर अब तुम लोगों ने पढ़ी लिया है बेसिक मैथमेटिक्स कि अब तुमको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो आती है ठीक है चलो जाओ बच्चों आगे बढ़ते हैं तो रदरफोर्डियम से याद करते हैं आर डी शर्मा रदरफोर्डियम डबनियम सी बोर्गियम आर डी शर्मा बुक में है आर डी शर्मा बुक में है मैथ के डिजाइनर रंगीन कन्फ्यूजन्स जिनके डर से तुमने बायो लिया था आर डी शर्मा बुक में है मैथ के डिजाइनर रंगीन कंफ्यूजन्स याद रहेगा डी शर्मा बुक में है मैथ के डिजाइनर रंगीन कंफ्यूजन ठीक है ठीक है याद हो गया आर डी शर्मा बुक में है मैथ के डिजाइनर रंगीन कंफ्यूजन रदरफोर्डियम डबनियम सी बोहरियम हैजियम मिटनेरियम डाउस्टेटियम रॉइंटगेनियम और कॉपरनिकियम ये सभी एलिमेंट्स हैं हमारे डी ब्लॉक के सेवन पीरियड एलिमेंट तो बेटा आपने बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर से पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर ली है पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो गई है अब इसका फायदा क्या होगा कि सर हमने ये जो आधा पौन घंटा भी वेस्ट किया है क्या ये हमारे काम आएगा जो आपने इतनी अलग अलग प्रकार की निमोनिक्स बताई है जो तरकीबें जो ट्रिक्स जो जुगाड़ आपने बताए हैं क्या ये काम आएंगे बिल्कुल काम आएंगे अभी एक क्वेश्चन आने वाला है आपके पास अभी एक क्वेश्चन आने वाला है इसके रिगार्डिंग ठीक है तो ये हो गई बच्चों हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल ये हो गई हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल अब इसके रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग आपकी NCRD जब आप खोलोगे पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए तो मैं कुछ कटआउट्स आपके लिए पहले ही लेकर आ गया हूं है ना हो सकता है स्क्रीन पे आपको उतना अच्छे से उतना क्लियरली नजर ना आए थोड़ा सा धुंधला नजर आए तो बेटा एनसीआरटी पास में खोल के बैठ जाओ मैं आपको पेज नंबर बताता जाऊंगा ये जो लेटेस्ट अपनी एनसीआरटी है दो हजार और तेईस चौबीस वाली ये उसके कटआउट्स हैं ना लेटेस्ट वाली जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि लेटेस्ट वाली एनसीआरटी आपको कवर करवाएंगे और लेटेस्ट सिलेबस के साथ कवर करवाएंगे ठीक है तो इसमें आपको ये चीजें बताई हुई हैं ये पढ़ना नहीं है ये पढ़ना नहीं है ये मैं सिर्फ इसलिए लेकर आया हूं कि आपको मैं ये बता सकूं कि टेंशन मत लो आपको एनसीआरटी भी पूरी कवर करवाई जाएगी ठीक है तो बेटा इसमें ये हमसे पूछा जा रहा है कि वाई डू वी नीड टू क्लासिफाई दी एलिमेंट्स हमने ये पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई है तो सबसे पहली बात तो पीरियोडिक टेबल है क्या और इसको बनाया क्यों गया है पीरियोडिक टेबल है क्या पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं है एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है एक टेबुलर फॉर्म में जिसमें हमने एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है तो हमने क्यों किया है पता है आपको साइंटिस्ट लोगों को डेढ़ दो सौ साल लग गए ये अपनी जो पीरियोडिक टेबल आपको नजर आ रही है ना ये जो पीरियोडिक टेबल नजर आ रही है ये ऐसे मतलब हलवा नहीं है ये ये ऐसे थोड़ी बन गई साइंटिस्ट लोगों को डेढ़ सौ दो सौ साल लग गए इस टेबल तक पहुंचने में सीरियसली हाँ, देखो जरा देखो जरा क्या बोल रहे हैं कि सन अट्ठारह तक कब तक सन 1800 तक मात्र इकतीस एलिमेंट नोन थे और धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्टडी करते गए नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो अगर एलिमेंट्स कम हैं तो उनके बारे में पता करना उनकी प्रॉपर्टीज याद रखना ये सब आसान था लेकिन जैसे जैसे नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए ना एलिमेंट 60, पैंसठ हुए 90 हुए फिर अब तो टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर कर दिए तो जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते गए इनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना मुश्किल होता गया इनको याद रखना मुश्किल होता गया तो हमें एक सिस्टमेटिक तरीका चाहिए था इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने का उन्हें याद रखने का इसलिए हमने पीरियोडिक टेबल बनाई तो वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट सिंपल सा आंसर है ताकि इनको हम आसानी से याद कर सके समझ सके इनकी स्टडी कर सके ठीक है ये आपका एनसीआरटी ये वाला ये वाला पार्ट खत्म इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ रहे हैं अपन नेक्स्ट पेज नंबर 78 पे एनसीआरटी में आपको क्या दिया हुआ है देखो देर आर ऑल टूगेदर सेवन पीरियड्स ये आप पढ़ चुके हो अभी आपको बता दिया सेवन पीरियड होते हैं द पीरियड नंबर करेस्पॉन्ड टू अब एक इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है सभी लोग ध्यान देंगे भैया ओ भैया एनसीआरटी चल रही है इसमें एकदम फोकस हो जाना जैसे ही आपको ये रेड दिख जाए ना आप एकदम फोकस हो जाना एनसीआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है ठीक है तो हमें बोला जा रहा है द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड टू द हाइएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पता है क्वांटम नंबर चार प्रकार के होते हैं उसमें सबसे पहला जो किसी भी एटम के एटम में क्या होता है सेंटर में न्यूक्लियस और उसके अराउंड ऐसे शेल्स होते हैं जिनको हम प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स बोलते हैं तो इन प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है बेटा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन करता है बेटा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ठीक है तो किसी भी एलिमेंट का क्या बोल रहा है ये? द पीरियड नंबर ऑफ द करेस्पॉन्ड टू द हाइएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड किसी भी एलिमेंट का

सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, तो आपको इतना तो पता है ना बेटा ये में जो आगे ये लिखी हुई है उसकी वैल्यू है तो ये जो शेल नंबर लिखे हुए हैं ना ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो हाइएस्ट वैल्यू क्या नजर आ रही है थ्री इसका मतलब सोडियम कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा पीरियड को अरे समझ में आ गई क्या बात आसान एकदम है ना तो ये बोला जा रहा है बेटा कि जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यानी कि जो एन की वैल्यू है वो पीरियड नंबर को डिनोट करेगी द फर्स्ट पीरियड कंटेन टू एलिमेंट्स द सब्सिक्वेंट पीरियड कंसिस्ट ऑफ एट एट एटीन एटीन एंड थर्टी टू एलिमेंट्स ये हमने यहां पर हमारी पीरियोडिक टेबल में देखा कि ये जो फर्स्ट पीरियड है देखो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम मात्र ये दो एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड में लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये आठ एलिमेंट हैं ऐसे थर्ड में सोडियम से लेकर आर्गन तक आठ एलिमेंट है पहले में दो दूसरे में आठ तीसरे में आठ चौथे में अठारह टोटल काउंट कर लो ये अठारह ही है फिर चौथे में अठारह पांच में अठारह फिर छठे पीरियड में देखो छठे पीरियड में यहां से काउंट करना चालू करो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं लेकिन इन अठारह एलिमेंट्स के साथ अंदर ये भी छुपे हुए हैं कौन सीरियम से लेके लुटेशियम या लुटेटियम तक के एलिमेंट्स तो ये चौदह एलिमेंट्स भी यहां पर इसी पीरियड में प्रेजेंट है बेटा तो अठारह प्लस ये चौदह टोटल कितने एलिमेंट हो गए सिक्स पीरियड में बेटा कितने एलिमेंट हो गए थर्टी टू बढ़िया बिल्कुल सही शिवानी बहुत अच्छे और ये आपको जो नजर आ रहे हैं ना बेटा ये दो आठ आठ अठारह अठारह बत्तीस इनको मैजिक नंबर्स बोला जाता है क्या बोला जाता है बेटा इनको मैजिक नंबर्स ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन ने लिखे हुए ना दो आठ आठ अठारह अठारह बत्तीस इनको बोलते हैं अपन मैजिक नंबर ठीक है द सेवंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट अच्छा ये इन्फॉर्मेशन ना पुरानी इन्फॉर्मेशन है हमारी नई जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम सेवंथ पीरियड को भी कंप्लीट पीरियड बोलते हैं लेकिन क्योंकि पुरानी एनसीआर चली आ रही है अपनी तो उसमें तब की बात है ये जब पीरियड में अपने बाकी के जो नए एलिमेंट है वो डिस्कवर नहीं हुए थे जैसे वो पी ब्लॉक के नीचे पीरियड वाले ना वो ऐड नहीं हुए थे सारे तो इसको इनकम्प्लीट पीरियड बोला जा रहा था लेकिन अब एनसीआरटी में लिखा हुआ है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा मतलब नीट में अगर कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें लिखा हुआ है कि सेवंथ पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं तो हम उसको सही मानेंगे क्योंकि एनसीआरटी अभी भी ऐसा बोलती है ठीक है

या लार्जेस्ट पीरियड बोलते हैं और सेवंथ पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी भाई ये बात है आपको पता है लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के लेकर आया क्यों क्योंकि आपको पता होना चाहिए एनसीआर में ऐसा लिखा हुआ है ताकि दिमाग में लास्ट में कोई कंफ्यूजन ना रहे ठीक है आगे बढ़ रहे बेटा इन दिस फॉर्म एलिमेंट ऑफ बोथ सिक्स एंड सेवनियड एंड एक्टेडिवलीट पैनल सेलिमेंट रखे हुए चौदह और चौदह टोटल अट्ठाइस एलिमेंट है वो ठीक है ठीक है चमक गया चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है तो इस तरीके से बेटा एनसीआरटी की इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजें बीच में डिस्कस करते जाएंगे आगे बढ़ रहे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा दो और हां जिनके दिमाग में यह डाउट आ रहा है कि सर हिस्ट्री वाला पार्ट तो आपने पढ़ाया ही नहीं बेटा हिस्ट्री वाला पार्ट अपन पढ़ेंगे सबसे लास्ट में अब हिस्ट्री वाला पार्ट एक्चुअली में क्या है ना अपने सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है जो सिलेबस आया है लेकिन फिर भी एक सेफ साइड में रहने के लिए मैं आपको शॉर्ट में वो हिस्ट्री वाला पार्ट भी पढ़ा दूंगा पर वो लास्ट में थोड़ा सा बोरिंग है ना वो इसलिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स का सीक्वेंशियल उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ठीक है जैसे कि सोडियम का लिखा था वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस अरेंजमेंट में भरे हैं हमने उस एटम में और एटम में इलेक्ट्रॉन्स भरने का मतलब उसमें जो सेल्स सबसेल्स और ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं उनमें हमने किस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो इसको लेकर बच्चों आपने इसको लेकर आपने कुछ इस प्रकार से एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप प्रिंसिपल पढ़ा था तो आपको वहां पर ऐसे कुछ कुछ डायग्राम बनाकर सिखाए गए होंगे है ना वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव एस सिक्स एस एंड सेवन एस ऐसे ही टू पी थ्री पी है ना ऐसा ऐसा कुछ डायग्राम बना के दिखाया गया होगा ना आपको एट एस भी लिख लो इधर ऐसे ही थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी फोर एफ फाइव एफ सिक्स एफ ऐसे है ना फिर आपने ऐसे देखा होगा कि इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं बाव प्रिंसिपल क्या बोलता है जिस सबसेल की एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे जिस की एनर्जी सबसे कम है ऐसा ऐसा कुछ डायग्राम आपको सिखाया गया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बस यहीं पर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है बेटा तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर समझ में आएगा या नहीं अरे बिल्कुल आएगा मक्खन तरीके से समझ में आएगा एकदम मक्खन अभी देखो यहां पर आव वाव प्रिंसिपल में अपने को ये सिखाया जाता है कि ये सीक्वेंस है इनकी एनर्जी का सीक्वेंस कैसे कि भाई जो सबसे number, L, उसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी और अगर ये वैल्यू बराबर आ जाए तो जिसके लिए एन की वैल्यू कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम कंसिडर की जाएगी ठीक है ये तो अरे दसवीं ग्यारहवीं क्लास में पढ़ लिया होगा ये नालायकों है ना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बच्चों इन्हीं की हेल्प से लिखे जाते हैं अभी एक सीक्वेंस है कि पहले इलेक्ट्रॉन वन एस में जाते हैं इसीलिए हमेशा हर कॉन्फिग्रेशन वन एस से चालू होता है वन एस में इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर टू एस में फिर टू पी में फिर थ्री एस में फिर थ्री पी में फिर फोर एस में थ्री पी के बाद थ्री डी में जाना चाहिए था लेकिन फोर एस में गया क्यों गया अरे भैया थ्री एस थ्री पी तो थ्री डी आना चाहिए था लेकिन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग थ्री एस के बाद भरेगा थ्री पी और उसके बाद आ रहा है फोर एस तो थ्री पी के बाद थ्री डी नहीं आया पहले फोर एस आया फिर थ्री डी आया ऐसा क्यों हुआ क्योंकि फोर एस की एनर्जी कम है थ्री डी की ज्यादा है कैसे पता लगा कि फोर एस की एनर्जी कम है एन प्लस एल रूल लगा के ठीक है तो एन प्लस एल रूल लगाना नहीं भी आता याद नहीं भी है कि एन प्लस रूल या प्रिंसिपल क्या है तो आप तो बस ये सीक्वेंस याद रख लो बोले सर एकदम से कैसे याद रख लें इतना बड़ा सा सीक्वेंस आसान ही तो है देखो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो बेटा इसमें इस सीक्वेंस में आपको इस तरीके से मिलेगा दो बार एस दो बार पी एस दो बार डी पी एस और दो बार एफ डी पी एस है ना यही ट्रिक से याद किया होगा आपने ऐसी ट्रिक लगाई होगी मैं जब छोटा था ना तो मुझे मेरे गुरुजी ने इलेवंथ क्लास में ऐसे याद करवाया था शाम शाम पंडित श्याम पंडित श्याम दाता पंडित श्याम दाता पंडित श्याम फादर दाता पंडित श्याम फादर दाता पंडित श्याम है ना उस टाइम पे हमको ये ट्रिक बहुत वैसी लगती थी वाह यार गुरु ने क्या एक नंबर चीज याद करवाई है है ना फिर वो इलेवंथ क्लास निकलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इसको मैं ऐसे भी तो याद कर सकता था कि दो बार एस दो बार पी दो बार डीपीएस दो बार एफ हम वहां पे अलग ही लगे हुए हैं शाम श्याम पंडित श्याम पंडित श्याम ऐसे कर रहे हैं है ना तो शाम श्याम पंडित श्याम पंडित श्याम दाता पंडित श्याम दाता पंडित श्याम फादर दाता पंडित श्याम फादर दाता पंडित श्याम ठीक है अब देखो ये सीक्वेंस आ गया आपका ये जो पूरा अपन ने चित्र ऐसा बनाया ना ये सीक्वेंस लिख लिया आपने अब इसके आगे बस नंबरिंग कर दो जैसे ये वन एस टू एस टू पी ये सब लिखा हुआ है ना ये नंबरिंग कर दो तो जैसा कि अपन देख पा रहे हैं बेटा यहां पर एस सब शैल जो है फर्स्ट शैल से ही चालू हो जाता है ये सभी फर्स्ट शेल के शेल्स हैं ये सभी सेकंड शेल के शेल्स हैं, ये सभी थर्ड शेल के इतना पता है ना आपको थर्ड शेल में थ्री एस थ्री बी थ्री डी तीन सप्शन होते हैं जो शेल का नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ शेल उस शेल में पाए जाते हैं है ना क्लियर है क्लियर है एन इक्वल टू फोर देखो चार सप्शन है एन इक्वल टू फाइव पांच होते हैं बोले सर आपने तो चार ही लिखे अरे बेटा होते है पांच हैं पर जरूरत चार की पड़ती है इसलिए चार लिखे एन इक्वल टू फाइव पर फाइव जी भी अवेलेबल होता है पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है तो दो बार एस दो बार पी एस दो बार डीपीएस दो बार एफ डीपीएस एन इक्वल टू सिक्स है बेटा ये एन इक्वल टू सेवन है ऐसे नीचे एन इक्वल टू एट आ जाएगा ठीक है तो ये हमें मालूम है कि एस जो है ये फर्स्ट शेल से चालू हो जाता है तो इसकी नंबरिंग वन से करो पहले सारे एस की नंबरिंग कर दो वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना सीख रहे हैं ध्यान दो अभी के अभी सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिख लोगे कोई सा भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाए कोई सा भी ठीक है तो ये S की नंबरिंग हो गई अब P की नंबरिंग बेटा कहां से चालू होती है P कहां से चालू होता है टू से तो जो भी पी दिख रहा है ना उसकी टू से नंबरिंग चालू कर दो टू पी थ्री पी फोर फाइव सिक्स सेवन बेटा D की numbering कहां से चालू होती है three से तो एफ की नंबरिंग फोर से, से, से शुरू होती है तो एफ के आगे फोर और फाइव से नंबरिंग फोर से नंबरिंग चालू कर दो ये पूरा सीक्वेंस आपने लिख लिया बेटा अब आपको इस चित्र की जरूरत नहीं है अब एग्जाम में सपोज आपको ऐसे बोल दिया कि अटोमिक नंबर एटी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ तो आप चित्र बनाने थोड़ी बैठोगे अरे भैया वहां चित्रकारी करने बैठ गए तो उधर क्वेश्चन छूट जाएंगे नीट में आपको क्वेश्चन सही तो करना ही है लेकिन स्पीड में करना है नीट में आपको कितनी नॉलेज है यह फैक्टर उतना काम नहीं करता है जितना ये दो फैक्टर काम करते हैं कि आप क्वेश्चन कितने सही करते हो और कितना ज्यादा जल्दी सही करते हो आपको कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और वो भी एफिशिएंसी के साथ सही सही वरना मोए मोए हो जाएगा अरे कई बार ऐसा हुआ है ना कि बायो का पेपर इतना लंबा आ गया सर कि केमिस्ट्री और फिजिक्स पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए फिजिक्स छोड़ना पड़ गया या फिजिक्स का पेपर इतना लंबा आ गया कि मैं बायो पूरा नहीं कर पाया मैं बायो में बहुत अच्छे से तैयारी करके गया था तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जानबूझ के एग्जामिनर आपको देता है ऐसा लंबा पेपर क्योंकि ऐसे ही तो कॉम्पिटिशन डिसाइड होगा भाई नीट के पेपर में बच्चों कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे एक या दो को छोड़ के कभी भी हार्ड या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको वो डायरेक्ट क्वेश्चन एफिशिएंसी के साथ जल्दी से सही करने स्पीड और एफिशिएंसी इन दोनों की जरूरत है आपको नीट क्रैक करने के लिए है ना तो जितना आपको बच्चों पढ़ाया जा रहा है ये नीट के लिए सफिशियंट है बस जितना पढ़ा दिया उसको इतना पक्का कर लो कि देखते ही क्वेश्चन आंसर नजर आ जाए हां क्वेश्चन देखते ही आंसर नजर आना चाहिए इनऑर्गेनिक का तो यही सीन है बच्चों आपने इधर क्वेश्चन पढ़ा इधर आपने आंसर लगाया जैसे बायो में करते हो आप इनऑर्गेनिक और कैलकुलेशन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ठीक है चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों अब जैसे आपको 82 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोल दिया तो आपके पास ये सीक्वेंस है क्या कर लिया आपने दो बार एस दो बार पी एस दो बार डीपीएस दो बार एफ डीपीएस और उनके आगे ऐसे नंबरिंग कर दी एस की वन से पी की टू से डी की थ्री से एफ की फोर से बस ये सीक्वेंस तैयार उसके बाद कोई भी 120 तक का कॉन्फ़िगरेशन तो तुम अपने आप लिख लोगे मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको 120 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम अपने आप लिख लोगे मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये जो सीक्वेंस अभी आपने लिखा है ना और उससे बड़ा कोई कॉन्फिगरेशन एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा उसकी गारंटी मेरी है हां 120 से बड़ा तो नहीं पूछ सकता 120 पूछ सकता है क्यों पूछ सकता है अभी बताऊंगा <laughs> तो ये लिख लिया ना अब 82 इलेक्ट्रॉन्स भर दो बेटा और ये तो आपको पता ही है कि एस सबशेल में दो इलेक्ट्रॉन पी में डी में दस और एफ में चौदह इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ठीक है तो कैसे अब आपको 82 भरने बच्चों 82 भरने तो 82 भर दो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 भरते जाओ और काउंट करते जाओ ठीक है काउंट करते जाना मेरी तो गणित तो वैसे ही कमजोर है तो तुम लोग काउंट करते जाना ठीक है ना काउंट करो कितने हो गए काउंट करो ये हो गए 10 और दस बीस थर्टी एट फोर्टी एट पचास छप्पन छप्पन और चौदह कितने हो गए सत्तर अस्सी ये लो एटी टू यानी कि एटी टू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख लिया कितनी देर लगी ये तो अभी अपन क्या है पढ़ रहे हैं जब आप खुद से लिखोगे ना सेकेंड्स का टाइम लगेगा सेकेंड्स का सेकेंड्स का अब बताओ इतने बड़े बड़े कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने सेकंड में लिख लिए तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम से कितना ऊपर जाएगा एग्जाम में एग्जाम में क्योंकि जब बाकी के लोग कॉन्फिगुरू थ्री एस टू थ्री सिक्स फोर एस टू थ्री डी टेन और वो भी सीक्वेंस के साथ लिखा आपने ऐसे आड़ा तेड़ा कुछ भी नहीं सीक्वेंस के साथ लिखा बेटा है ना सीक्वेंस के साथ ठीक है तो अब मुझे फटाफट से फटाफट से एक होमवर्क दे रहा हूं अपनी अपनी कॉपी में लिखना फटाफट से है ना कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगा तुम्हें तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मुझे बेटा फटाफट से कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ आप 54 का 54 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ और किसका लिख के बताओगे उसके बाद चलो क्वेश्चन ले लेंगे अपन पहले तो 54 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ मुझे इसी तरीके से इसी तरीके से जल्दी वन का लिखोगे हाँ ठीक है वन का लिख लो ये लो वन ट्वेंटी का लिख लो लिखो बेटा फटाफट से फटाफट से है ना देखो पेन चलाओ जितना ज्यादा अभी पेन चलाओगे एग्जाम में उतना कम चलाना पड़ेगा एग्जाम में बस गोले भरने पड़ेंगे क्या करना पड़ेगा बस गोले भरने पड़ेंगे तो जितना ज्यादा अभी पेन चलाओगे एग्जाम में उतना ही कम चलाना पड़ेगा यह बात मेरी अच्छे से याद रख लेना बेटा देखो आंसर आने चालू हो गए 5p6 तक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जब आप लोगों के ऐसे जवाब आते हैं ना हमको अंदर से बूस्ट अप मिलता है अंदर से एनर्जी निकल के आती है बहुत बढ़िया 54 का कॉन्फ़िगरेशन आ गया भैया सभी लोग लिख लो कैसे लिखे सर कैसे लिखे ऐसे लिखो 54 दिया है ना अरे तो क्या हुआ कितना ही बड़ा नंबर दे दे डरते थोड़ी अपन क्या करें दो बार एस दो बार पी एस दो बार डी पी एस और दो बार एफ डी पी एस है ना फिर धीरे धीरे आपको ना ये भी आइडिया लगने लग जाएगा कि कहां तक लिखनी है सीक्वेंसिंग ये तो पूरे 120 तक के कॉन्फिग्रेशन है, है ना अब इनके नंबरिंग कर दो या पहले 54 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लो आ जाओ 54 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं ये हो गए 10 20 30 36 अड़तीस और 48 और 6 आई थिंक 54 ठीक है अब इसकी नंबरिंग करो बेटा इसकी नंबरिंग करो एस की नंबरिंग वन से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वहां तक जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है इसके आगे वाले हटा दो ये लो इसके आगे वाले हटा दो पी की नंबरिंग करो कहां से चालू होगी टू से टू पी थ्री पी फोर पी फाइव पी थ्री डी फोर डी ये लो बेटा फिफ्टी फोर का कॉन्फ़िगरेशन एकदम चकाचक मथन अरे समझ में आया क्या कॉन्फिग्रेशन कैसे लिखना है समझ में आया क्या कॉन्फिग्रेशन कैसे लिखना है एकदम आसान 120 का भी लिख दो फटाफट से 120 का भी लिख दो जल्दी से जल्दी जल्दी टाइम नहीं अपने पास जल्दी इस पर मैं इतना टाइम इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि बेटा ये आपके लिए जरूरी है ये बहुत जरूरी चीज है आपके लिए क्योंकि ये अगर आ गया ना तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी बेटा अगर कॉन्फिगरेशन लिखना आ गया ना तुम्हारे जीवन की आदि ही दूर हो जाएंगे तो बिल्कुल वही करना है सीक्वेंस सीक्वेंस लिखना है इस को लिख देना और फिर उसके बाद यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भर देना यहां पर 8s2 तक के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जब 8s2 भर जाए मतलब समझ जाना कि 120 का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया 7p6 8s2 अरे समझ में आ रहा है क्या समझ में आया क्या मेरे भाई वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे थैंक यू सो मच बस ऐसे ही बने रहो तुम लोग साथ में कह रहा हूं ना अपन तुम्हारी जिंदगी मक्खन कर दूंगा मैं इनऑर्गेनिक में तुमको दिक्कत ही नहीं आएगी कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो बोले सर ठीक है ये तो समझ में आया लेकिन मैं कल क्वेश्चन लगा रहा था और उसमें ऐसा ऐसा कुछ करके कॉन्फ़िगरेशन लिखा था Zenon, 6S2, 4F14, तो ये जो ये जो छोटे वाले कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नोबल गैस वाले लिखने होते हैं ना क्या ये भी हम लिख सकते हैं आसानी से बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो बेटा जब ये कर लिया तो वो भी कर लेंगे है ना तो आ जाओ ये नोबल गैस वाले कॉन्फिग्रेशन लिख कर बताते हैं आपको बट इसके लिए आपको इसके लिए आपको नोबल गैसेस वाला ग्रुप याद होना चाहिए कौन सा ग्रुप याद होना चाहिए बेटा नोबल अब अभी से ब्रेक अरे नालायक हो अभी से ब्रेक तू बेटा एक काम कर तू चादर ओढ़ के सो ठंड वैसे भी बहुत है तू चादर ओढ़ के सो अभी से ब्रेक नालायक हो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है ना लाइफ में ये तुमने अभी मिस कर दिया ना आगे पता नहीं तुमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी तो शुरू हुआ है अभी तो शुरू हुआ है ब्रेक में दूंगा तुम लोगों को टेंशन नॉट चाय पानी सुसु बॉडी सबके लिए ब्रेक मिलेगा लेकिन जब मैं कहूंगा तब तब तक के लिए मेरे साथ बने रहो बच्चों बस तब तक के लिए बने रहो हिट्रिक अच्छा थ्री पॉइंटो वाले भी हैं थ्री पॉइंटो वालों और टू पॉइंटो वालों को प्यार भरा नमस्कार है ना चलो आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं तो बेटा हम ये देख रहे हैं कि सर वो नोबल गैस वाले जो कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं क्या वो भी हम फटाफट से जल्दी से लिख सकते हैं क्या किसी भी एलिमेंट का हम नोबल गैस वाला वो छोटे तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो लिख सकते हैं क्या बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा लेकिन उसके लिए अपने को क्या याद रखना है उसके लिए अपने को याद रखना है सबसे पहले तो नोबल गैसेस वाला ग्रुप कौन कौन से एलिमेंट थे हीरा नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल और सिर्फ ये याद नहीं रखना है इनके एटॉमिक नंबर्स भी याद करने हैं इनके एटॉमिक नंबर कितने हैं याद है ना दो दस अठारह छत्तीस फिफ्टी फोर एटी सिक्स और एक सौ अठारह कितने हो गए बेटा दो दस अठारह छत्तीस फिफ्टी फोर एटी सिक्स अठारह नहीं याद है अभी के अभी याद करो अभी के अभी हीरा नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ऑरिजिनल दो दस अठारह छत्तीस चौवन हाँ भैया वो वाले भी जो प्रॉपर वो इंग्लिश वाली काउंटिंग करते हैं है ना एंड ठीक है कई तुम में से ऐसे होंगे जिनको अगर मैंने चौरासी या छियासी बोल दिया ना तो समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल दिया सर ने यह है? है ना सच बोलो सच बोलो छियासी का मतलब नहीं पता ना कई लोगों को है ना शर्म की बात है हंसने वाली बात नहीं है कि तुम्हें हिंदी में काउंटिंग याद नहीं हंस रहे तुम लोग नालायक हो दो दस अट्ठारह छत्तीस चौवन छियासी और एक सौ अट्ठारह टू टेन एटीन थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर एटी सिक्स एंड वन हंड्रेड एंड एटीन ठीक है बेटा अभी के अभी याद करो क्योंकि क्योंकि यही ग्रुप है जो हमारी हेल्प करेगा वो कॉन्फिग्रेशन लिखने में और एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में भी अभी अपन जब ग्रुप एंड पीरियड आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे ना तब भी बेटा यही ग्रुप काम आएगा अपने ठीक है आगे बढ़े कर लिया याद कर लिया चलो अब देखो तो आपको बेटा ये जब ग्रुप याद हो गया ना तो हर एक पीरियड में एक नोबल गैस प्रेजेंट होती है कोई भी पीरियड हो एक नोबल गैस पे जाके खत्म होता है जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं देखो कोई भी पीरियड हो लास्ट में कौन प्रेजेंट है एक नोबल गैस तो हर पीरियड में एक नोबल गैस प्रेजेंट है ठीक है तो वो नोबल गैस हमने यहां पर लिख ली है और हीलियम सबसे ऊपर लिखी इसका मतलब इसका पीरियड नंबर क्या है वन है है ना और पीरियड नंबर किससे डिनोट किया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तो मैं यहां पर ऊपर सेन लिख रहा हूं मतलब हम यहां पर पीरियड नंबर की वैल्यू लिख रहे हैं इनके ये फर्स्ट पीरियड का ये सेकंड पीरियड का ये थर्ड पीरियड का ये फोर्थ पीरियड का ये फिफ्थ पीरियड का यह सिक्स और ये सेवन पीरियड का नोबल गैस है अब आपको यह याद है कि कौन सा नोबल गैस कौन से पीरियड को बिलोंग करता है ठीक है? कौन सा नोबल गैस कौन से भी? तो जैसे अगर मैं आपसे पूछू जिनॉन कौन से पीरियड की नोबल गैस है, की नोबल गैस है। आपको अगर जैसे भी अपन ने 82 का कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिखा हुआ है 82 का अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे शॉर्ट में करके लिखना है जैसे सोडियम का जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो बेटा 1s2 2s2 टू पी सिक्स थ्री एस वन ऐसे करके लिखते हो है ना तो किसी भी एलिमेंट के कॉन्फिग्रेशन में अंदर एक नोबल गैस का छुपा हुआ होता है क्या बोला मैंने किसी भी एलिमेंट के कॉन्फिग्रेशन में अंदर एक नोबल गैस का कॉन्फिग्रेशन छुपा हुआ होता है कैसे देखो जरा ध्यान से वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स किसका कॉन्फिग्रेशन है क्या ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है जब आप नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या नियोन का कॉन्फ़िगरेशन बेटा यही होता है है ना तो यहां पर देखो सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन में अंदर नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन छुपा हुआ है तो ये इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना सीधे नियॉन और आगे का कॉन्फिगुरेशन ऐसा का ऐसा थ्री लिख दूंगा तो नियॉन थ्री लिख देने का मतलब है कि मैंने सोडियम का कॉन्फिगुरेशन लिख दिया है क्या लिख दिया मैंने सोडियम का कॉन्फिगुरेशन लिख दिया है तो सर ये तो छोटा एलिमेंट है आप खुद तो आसान एग्जाम्पल कर देते हो और हमको मुश्किल वाला दे देते हो तो बेटा अभी अपन एटी टू लिखा अभी अपन ने एटी लिखा ये तो बड़ा कॉन्फिग्रेशन था इसका कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होता है इसके लिए बेटा आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है किसी भी पीरियड में सबसेल्स जो फिल होते हैं उसका सीक्वेंस क्या होता है किसी भी पीरियड में जो सबसेल्स फिल होते हैं सीक्वेंस ऑफ सबसेल्स वो सीक्वेंस क्या होता है याद है पढ़ा था अपन ने क्या कि किसी भी पीरियड में बच्चों सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है एस ब्लॉक एलिमेंट से यानी कि किसी भी पीरियड में जब सब्शेल्स फिल करेंगे तो एक एस सब्सल भरा जाएगा और जो सबसे लास्ट में भरा जाता है वो पी सब्सल भरा जाता है अपना एफ ब्लॉक ठीक है तो इनका जो सीक्वेंस होता है सब्शेल की फिलिंग का वो कुछ इस तरीके से होता है कि कोई भी पीरियड की जो शुरुआत होती है वो एन एस सब्शेल की फिलिंग से होती है एन एस मतलब शेल का सब्शेल और जो खत्म होता है ये ये खत्म होता है कहां पर एनपी पर कि वैलेंस शेल के पी पर किसी भी पीरियड में सबसे पहले एनएसल भरता है और सबसे लास्ट में एनपी भरता है और इनके बीच में इनके बीच में भरते हैं कौन एन माइनस वन डी और एन माइनस टू एफ ठीक है ये एक पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पीरियड क्या बोलते हैं बेटा अपन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पीरियड ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है एक पीरियड का ठीक है और इस कॉन्फिग्रेशन से जस्ट पहले लिखी हुई होती है इस कॉन्फ़िगरेशन से जस्ट पहले लिखी हुई होती है एक नोबल गैस जो कि जो एलिमेंट है हमारा उसकी प्रीवियस नोबल गैस होती है ये हम लिख रहे हैं प्रीवियस नोबल गैस क्या मतलब है इसका क्या मतलब बेटा इसका प्रीवियस नोबल गैस अब हम इन कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का आसान तरीका देख रहे हैं जैसे कि मैंने बेटा सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था क्या वन एस टू टू सोडियम मुझे मालूम है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो बेटा इसकी प्रीवियस एटॉमिक नंबर वाली प्रीवियस नोबल गैस का एटॉमिक नंबर क्या था 11 से पहले वाली नोबल गैस कौन है आप इसका आइडिया यहां से लगा सकते हो 11 अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 के बाद जो नेक्स्ट नोबल गैस आ रही है वो आ रही है 18 तो 11 के पहले कौन सी आएगी 10 यानी कि नियॉन यानी कि जब हम सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले लिखेंगे उसकी प्रीवियस नोबल गैस यानी कि नियॉन फिर उसके बाद यह सीक्वेंस फिल करेंगे क्या करेंगे ये सीक्वेंस फिल करेंगे तो सर ये एन एस एन माइनस टू एफ एन माइनस वन डी और एनपी ये क्या है ये यह हैं जिनमें आगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होने वाली है तो सर ये एन क्या है ये एन है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू यानी कि पीरियड नंबर क्या है क्या है ये एन क्या है ये पीरियड नंबर है बेटा। ये एन क्या है पीरियड नंबर है अरे बेटा अभी तो पढ़ाया ही नहीं पूरा मैंने अभी से ही लिख दिया कि सर ये समझ में नहीं आया मतलब देखो किस लेवल का है तुम्हारा दिमाग ये टॉपिक अभी शुरू हुआ है और उधर एक लिख रहा है कि सर ये वाला समझ में नहीं आया अब कद इसको ध्यान से देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि अगर छोटा करके कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वो नोबल गैस वाला तो वो कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली या तो आप ऐसे करो कि पूरा ये सीक्वेंस लिख लो फिर इसमें देख लो कौन सा नोबल गैस का कॉन्फिग्रेशन आ रहा है फिर वो नोबल गैस लिख लो और उसके आगे के सब्शन लिख दो या फिर डायरेक्टली लिखो कैसे उसके लिए आप ये याद रखो कि बेटा ये एक पीरियड का जनरल कॉन्फिगुरेशन है किसी भी पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इसी सीक्वेंस में होती है और इनसे पहले लिखी हुई होती है प्रीवियस नोबल गैस प्रीवियस नोबल गैस का आइडिया कैसे लगाते हैं हमने ये ग्रुप याद किया हुआ है अगर मुझे एटोमिक नंबर ग्यारह दिया है इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा इसकी प्रीवियस

और ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये सब क्या है? इनके पीरियड्स हैं तो आर्गन का पीरियड नंबर थ्री है तो सोडियम का भी क्या होगा थ्री होगा इधर देखो अरे नालायक हो इधर देखो कोई भी पीरियड कोई भी पीरियड हो आपको अगर किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर निकालना है तो उसकी नेक्स्ट नोबल गैस देख लो जैसे आपको अटोमिक नंबर फोर्टी फोर दे दिया अब बोला कि बताओ इसकी ये कौन से पीरियड का है तो आप कैसे निकालोगे ये देख लो इसकी नेक्स्ट नोबल गैस कौन है वो आपने याद कर रखी है अब इसकी नेक्स्ट नोबल गैस आ रही है इसका मतलब नंबर 44 कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा फिफ्थ पीरियड को बिलोंग करेगा एकदम आसान एकदम आसान ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो आपने यह पता लगा लिया है कि सोडियम थर्ड पीरियड का है मतलब एन का वैल्यू क्या है यहां पर थ्री माइनस टू बोले तो वन एफ क्या ऐसा कुछ कभी सुना है आपने एफ सब्शन वन से चालू होता हो वन एफ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता काट दो इधर क्या आ जाएगा टू डी क्या टू डी एग्जिस्ट करता है बिल्कुल नहीं थ्री पी क्या थ्री पी एग्जिस्ट करता है हाँ थ्री पी करता है थ्री एस करता है तो वन एफ और टू डी ये तो एग्जिस्ट नहीं करते इनको हटा दो इसको इधर खिसका दो इसके पास ठीक है तो थर्ड पीरियड में भरने वाले सब्शल कौन कौन से होंगे थ्री एस और थ्री पी ठीक है तो यहां पर आपने नियॉन लिख दिया और नियॉन का अटोमिक नंबर दस है यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन आप भर चुके हो और आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 11 तो एक इलेक्ट्रॉन भरना है बस अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दो ये 3s1 तो नियॉन 3s1 अरे यही तो कॉन्फ़िगरेशन लिखा था हमने सोडियम का नियॉन 3s1 एस वन नियॉन थ्री एस हां बिल्कुल रिपीट करेंगे ना बेटा इसको एक और एग्जाम्पल के साथ रिपीट करते हैं आ जाओ एक और एग्जाम्पल के साथ रिपीट करते हैं अपन ले लेते हैं अटोमिक नंबर कौन सा ले लें

एकदम मखन अब इधर आओ ये वाला कॉन्फिग्रेशन लिखना है इसके लिए आपको थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है तो बेटा नंबर तीस की नेक्स्ट नोबल गैस कौन है क्या ये बता सकते हो तीस की नेक्स्ट नोबल गैस कौन है तीस के बाद क्या आएगा छत्तीस आएगा यानी कि जिंक के बाद वाली नोबल गैस कौन है क्रिप्टॉन और इसके पहले वाली नोबल गैस कौन है आर्गन तो इसके बाद वाली नोबल गैस अगर क्रिप्टॉन है और क्रिप्टॉन फोर्थ पीरियड को बिलोंग करती है तो इसका कॉन्फिग्रेशन लिखना है तो पहले अपन क्या लिखते हैं प्रीवियस नोबल गैस क्या लिखते हैं बेटा प्रीवियस नोबल गैस तो प्रीवियस नोबल गैस कौन है अठारह इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिए 18 तक के इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए अब इसके बाद सीक्वेंस क्या रहता है एन एस एन माइनस टू एफ एन माइनस वन डी एन पी एन एस मतलब फोर एस एन माइनस टू एफ मतलब टू एफ क्या टू एफ एग्जिस्ट करता है बताएंगे मुझे क्या टू एफ एग्जिस्ट करेगा क्या टू एफ एग्जिस्ट करेगा क्या नहीं करेगा फिर उसके बाद उसके बाद क्या जाएगा एन माइनस वन डी तो एन की वैल्यू फोर रखोगे तो क्या आ जाएगा थ्री डी क्या थ्री डी एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल करेगा 3d एग्जिस्ट करेगा और उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा 4p तो ये 2f को हटा देते हैं अपन बीच में से है ना इनको खिसका दो इधर यानी कि फोर्थ पीरियड में भरने वाले सबशेल कौन-कौन से होंगे बेटा 4s 3d 4p कौन-कौन भरेंगे 4s 3d और 4p तो यहां पर आपने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं कितने भरने हैं 30 भरने हैं भर लो आगे 18 के बाद दो फिर दस तो दो बीस और दस तीस फोर पी खाली रहेगा पी जीरो या आगे बेटा आपका जिंक का है अब मुझे आप लोग लिख के बताएंगे एटॉमिक नंबर एटी टू का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से चलो फटाफट से चालू हो जाओ जल्दी लिखो समझ में आया सभी को समझ में आया यह तरीका थोड़ा सा लंबा है लेकिन हाँ कई बच्चों ने मुझसे ये बोला था कि सर ये भी सिखा दो ताकि हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कभी जरूरत पड़े तो हम यूज कर लें तो बेटा फटाफट से मुझे नंबर का ऐसा छोटा वाला लेन लिख के बताओ और बेटा ये जो अंदर आपको नजर आ रहा है ना ये नोबल गैस का कॉन्फिग्रेशन इसे अपन बोलते हैं कोर कॉन्फिगुरेशन क्या बोलते हैं बेटा इसको कोर कॉन्फिगुरेशन किसी भी एलिमेंट में अंदर जो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन छुपा हुआ है उसे ही उसका कोर कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है तो आपसे यह पूछा जाए कि सोडियम में कोर कॉन्फ़िगरेशन किसका है का. 30, कि में किसका है आर्गन का तो मुझे आप यह बताओ एटी में कोर कॉन्फ़िगरेशन किसका है अटोमिक नंबर एटी में कोर कॉन्फिग्रेशन किसका है जल्दी से बताओ साइड दे रहा हूं जल्दी से बताओ अरे बहुत बहुत ही बढ़िया दिल जीत लिया तुम लोगों ने दिल जीत लिया सीरियसली मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा तुम लोगों को देख के कि इतने सारे बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो बेटा इस मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं चिंता मत करो बहुत बढ़िया जिनॉन का कोर कॉन्फ़िगरेशन है इसमें तो जब तुमने ये पता लगा लिया कि जिनोन का कोर कॉन्फ़िगरेशन है तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी तो लिख लिया होगा ना मेरे भाई लिख लिया क्या देखो 82 लिखना है 82 का कौ, अपना कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो 82 के बाद जो नेक्स्ट नोबल गैस आती है वो आती है 86 जो कि है रेडॉन और वो है सिक्स पीरियड की इसका मतलब एटी जो एलिमेंट है यह सिक्स पीरियड का एलिमेंट है है ना और इसकी प्रीवियस नोबल गैस कौन है जिनोन यानी कि इसकी प्रीवियस नोबल गैस तो आ गई जिनॉन इसका कॉन्फिगरेशन मैं जिंक वाला हटा क्या बेटा जिंक वाला हटा दूं क्या या एक काम करते हैं इसको ना इधर खिसका के नीचे ले आते हैं यहां ठीक है और इधर इनके बीच में बना देते हैं दीवार ये लो तो 82 एटॉमिक नंबर है हमने यह पता लगा लिया सिक्स पीरियड का है और यह भी पता लगा लिया कि इसकी प्रीवियस नोबल गैस जो है वो जिनॉन है मतलब इसमें कोर कॉन्फ़िगरेशन है जिनॉन का अब इसके बाद सप्शेल्स की फिलिंग होगी किस ऑर्डर में इस ऑर्डर में तो एन एस एन माइनस टू एफ एन माइनस वन डी और एनपी इनमें एन की वैल्यू क्या रखनी है देख के बताओ जरा इधर एन की वैल्यू क्या रखनी है एन की वैल्यू सिक्स रखनी है मेरे भाई और एन की वैल्यू सिक्स रखते ही एक सुंदर सा कॉन्फ़िगरेशन हमारी आंखों के सामने हमें नजर आएगा सिक्स रखते ही सिक्स एस बन जाएगा एन माइनस टू एफ मतलब फोर एफ एन माइनस वन डी यानी कि फाइव डी और सिक्स पी तो जिनॉन सिक्स एस फोर एफ फाइव डी सिक्स पी ये इन की फिलिंग का ऑर्डर रहेगा अब जिनॉन लिखते ही मुझे ये तो पता चल गया कि मैंने फिफ्टी फोर इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं अब बाकी के कितने इलेक्ट्रॉन भरने एटी टू तक भरने तो काउंट करते जाओ और भरते जाओ 54 के बाद दो भर दिए 56 हो गए फिर इसके बाद F में बेटा कितने आ जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना तो यहां पर छप्पन के बाद 14 कितने हो गए टोटल 60 और 70 हो गए 70 के बाद 80 हो गए और ये दो बयासी हो गए तो जिनको बयासी समझ में नहीं आया एटी ट्यू इलेक्ट्रॉन हो गए हैं बच्चों एटी ट्यू इलेक्ट्रॉन समझ में आई बात है? आसान है इनऑर्गेनिक में सबसे प्यारा सब्जेक्ट है ये जिसको सबसे ज्यादा बदनाम किया हुआ तुम लोगों ने अभी तक भी ऐसा कुछ लगा कि यार ये तो बवासीर है इसको इसको कैसे कैसे याद करेंगे और इसको कैसे समझेंगे अरे सब कुछ आसान है ये सब्जेक्ट जितना आसानी से तैयार हो सकता है ना कोई नहीं हो सकता एक ही चीज को याद करने के एक से ज्यादा तरीके हैं ऐसे नहीं तो ऐसे याद कर लो ऐसे नहीं तो ऐसे याद कर लो फिर भी सबसे ज्यादा बदनाम कर रखा है तुम ही लोगों ने इस सब्जेक्ट को डन वेरी गुड लगभग सभी ने जो भी कमेंट्स कर रहे हैं लगभग सभी ने सही जवाब दिया और बस एक टीचर को यही चाहिए होता है मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया बस अब दिल खुश हो गया आत्मा को शांति मिल गई है ना चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बेटा इस तरीके से आप ना कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लोगे तो बेटा एक होमवर्क दे रहा हूं होमवर्क दे रहा हूं यह होमवर्क जरूर कर लेना बेटा प्लीज है ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बस इसको है ना मजाक मजाक में मत टाल देना अगर आपने अभी प्रैक्टिस की है तो बेटा इसको कर जरूर लेना है ना क्योंकि फिर क्या है ये टॉपिक आपका पक्का हो गया फिर इन फ्यूचर तुम तुम्हारे बच्चों को भी बता सकते हो कि बेटा ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखो सोचो तुम्हारे बच्चों की नजर में तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी वो पापा को मम्मी को अभी तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और मुझे टफ लगता है सोचो मैं तुम्हारे फ्यूचर तक को सिक्योर कर रहा हूं मैं तुम्हारे फ्यूचर तक को सिर्फ नीट ही क्लियर नहीं कर रहा लाइफ सेट कर दूंगा मैं तुम्हारी चिंता मत करो तो बेटा एटॉमिक नंबर थर्टी फोर एटी फाइव फिफ्टी नहीं फिफ्टी चलो ठीक है टू लिख लेना ये लिख लेना और एक एटॉमिक नंबर एटी भी लिख लेना अपना प्यारा सा मरकरी और एक सौ अट्ठारह बेटा ये कॉन्फिगुरेशन है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन और थोड़ा सा ना हैंडराइटिंग को माइंड मत करना हैंडराइटिंग अपनी थोड़ी सी गंदी आती है हा लेकिन क्वेश्चन तुमसे भरपूर होंगे उसकी गारंटी अपनी है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिख लेना इन सभी के दोनों तरीके से फुल सीक्वेंस में भी और छोटे वाले नोबल गैस में भी ठीक है चलो बेटा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर ये एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में डायगोनल रिलेशनशिप डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप बेटा क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप डायगोनल रिलेशनशिप मतलब वो रिलेशनशिप जो डायगोनल में हो सिंपल इनऑर्गेनिक में डेफिनेशन इतनी ही आसान होती है ऐसा रिलेशनशिप जो डायगोनली हो वो डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है है ना अभी तुम आगे देखना जितनी भी डेफिनेशन आएंगी सारी एकदम ऐसे ही होंगी मतलब डेफिनेशन के नाम पे पहले याद है ना टेंथ क्लास तक भी जब अपने को बोर्ड के एग्जाम देने होते तो तो ज्यादा बदनाम किया हुआ इसीलिए इनऑर्गेनिक मैंने जान बूझ तो ने मुझे चूज किया मैंने इस सब्जेक्ट को चूज नहीं किया था मैं तो ऑर्गेनिक इससे भी ज्यादा पसंद करता हूं ऑर्गेनिक पढ़ाना पर इस सब्जेक्ट ने ही मुझे चूज कर लिया तो अब तो मेरे सामने तो इनऑर्गेनिक की बुराई तुम लोग नहीं कर सकते डायगोनल रिलेशनशिप जबरदस्ती डरते हो यार बिना बात। डायगोनल रिलेशनशिप रिलेशनशिप बेटा ऐसा जो डायगोनली हो अब इसका क्या मतलब है समझो चलो वापस आ जाओ फोकस करो डायगोनल रिलेशनशिप में हम यह चीज समझेंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप है क्या और हमें कहां देखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल में तो बेटा एक छोटी सी बात आपको याद भी होगी और अगर नहीं है तो अब आज के बाद से याद रखना कि हमारी ये जो टेबल है ना इसमें जो भी अपने वर्टिकल कॉलम्स हैं जो भी ग्रुप्स हैं ये ग्रुप्स तो एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आते हैं ना ये जनरली एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं फैमिलीज जैसे अगर अब अब जैसे मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में आइडिया लगाना है तो मैं देखूंगा आ, तुमसे बात करूंगा तुमसे इंटरेक्ट करूंगा तुम्हारी प्रॉपर्टीज के बारे में जानूंगा उसी से मैं क्या आइडिया लगाऊंगा अच्छा इसकी फैमिली भी ऐसी ही होगी जैसे तुम आ, अपने से बड़ों को रेस्पेक्ट दे रहे हो तुम बड़ों का कहना मान रहे हो जो कि आइडियल चीजें तुम लोग करते नहीं हो हाँ अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट दे रहे हो ये तो कत्ते ही आइडियल चीज है मतलब इसके बारे में तो हमने अब सोचना भी छोड़ दिया है ना तो मान लो तुम ऐसे हो तो मैं क्या आइडिया लगाऊंगा कि यार किसी अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है कितने अच्छे संस्कार दिए हैं इसके माता पिता ने इसको है ना तो इसीलिए इनको फैमिली बोला जाता है क्योंकि क्योंकि कोई भी एक जो एलिमेंट है ना ये इस फैमिली का मेंबर है मतलब ये प्रॉपर्टीज जो है पूरी फैमिली एक जैसी शो करेगी तो किसी भी ग्रुप में प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होती है सभी एलिमेंट्स की कुछ कुछ जगहों पर अलग जैसे घर में जरूरी थोड़ी ना है कि सब बड़ों का कहना माने जैसे कि तुम लोग नालायक हो तो बेटा एक ग्रुप में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है या सिमिलर वर्ड हम यूज करते हैं सिमिलर होती है ठीक है तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है अपना इसको अपन बोलते हैं अल्कली मेटल याद है सभी को इसको बोलते हैं अपन अल्कली मेटल और इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल अल्कली मेटल वाले सारे एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे अल्कली अर्थ मेटल वाले सभी एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे ऐसे यह ग्रुप थर्टीन जो है ये के है, ये बोरोन फैमिली कहलाता है भी एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे जो कि बाकी ग्रुप से डिफरेंट हो सकती है बाकी ग्रुप से डिफरेंट हो सकती है लेकिन हमें ऐसा देखने को मिलता है लेकिन हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे ये लिथियम है ये लिथियम किसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा अल्कली मेटल्स की तरह ये अल्कली मेटल्स की तरह प्रॉपर्टी तो शो करता ही है यह अल्कली अर्थ मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो करता है मतलब कुछ प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के सिमिलर शो करता है और यह दोनों एलिमेंट कैसे हैं डायगोनली हैं एक दूसरे के तो इनका आपस का जो रिलेशन है जो कि डायगोनली है इसे ही डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है बेटा डायगोनल रिलेशनशिप क्या है कहा गया डायगोनल रिलेशनशिप क्या है जैसे लिथियम है ये मैग्नीशियम के साथ शो करता है बेटा। बेरिलियम जो है, ये एल्युमिनियम के साथ शो कर देता है वैसे तो आपके काम के इतने ही है बट एक और याद रख लेना बोरॉन सिलिकन के साथ शो करता है तो इनका ये जो रिलेशन है ये कहलाता है डायगोनल रिलेशनशिप यानी कि लिथियम मैग्नीशियम की सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है बेरिलियम एल्यूमिनियम से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है बोरॉन सिलिकॉन से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है अलग अलग ग्रुप के होते हुए भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं इसको बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप तो बस ये तीन एग्जाम्पल याद रखने लिथियम का किसके साथ है मैग्नीशियम के साथ बेरिलियम का एल्यूमिनियम बोरॉन का सिलिकन के साथ अच्छा इसका रीजन क्या है ये इस रिलेशनशिप का रीजन क्या है तो बेटा इसका एक आसान सा रीजन है जो कि हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ से पता चला था इसका सिंपल सा रीजन है सिमिलर वैल्यू सिमिलर वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल क्या है सिमिलर वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल बहुत बढ़िया सिमिलर वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल आइनिक पोटेंशियल को बेटा फाइव से भी रिप्रेजेंट करते हैं बोले सर वो तो ठीक है आइनिक पोटेंशियल को फाइव बोलते पर ये आइनिक पोटेंशियल है क्या तो आइनिक पोटेंशियल होता है आइनिक पोटेंशियल होता है यानी कि फाइव होता है ये चार्ज तो साइज का रेशियो होता है बेटा क्या होता है ये चार्ज और साइज का रेशियो चार्ज और साइज का रेशो आयनिक पोटेंशियल चार्ज और साइज का रेशो होता है तो आपसे अगर ऐसे बोला जाए कि लिथियम एंड मैग्नीशियम शो सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू अब इसका रीजन पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे बेटा क्या जवाब दोगे ड्यू टू सिमिलर वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल और ड्यू टू सिमिलर वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ चार्ज एंड साइज चार्ज और साइज का जो रेशियो है जिसको बोला जाता है आइनिक पोटेंशियल ये अगर एलिमेंट्स का सिमिलर एक जैसा है वैल्यू बराबर या लगभग बराबर है तो एलिमेंट प्रॉपर्टीज भी एक जैसी शो करते हैं जैसे कि लिथियम के जो सॉल्ट हैं, अल्कली मेटल्स के सभी सॉल्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते लेकिन लिथियम जो है इसका सॉल्ट अपने को हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा जैसे एल आई सी एल डॉट कुछ ना कुछ एच टू वहां पर लगा हुआ होगा यानी कि Water of Crystallization होगा। क्यों क्योंकि Magnesium की होती है, MgCl2. 6H2O की है। के फॉर्म में करता कैसे? MgCl2. 6H2O, इसको बोलते वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो ये जो मैग्नीशियम का सॉल्ट है ना ये हाइड्रेटेड है बेटा तो लिथियम बाकी के अल्कली अर्थ मेटल हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बना रहे कौन बना रहा है लिथियम क्यों? क्योंकि इसके फाइ का वैल्यू सिमिलर है किसके साथ एम के साथ तो यह बनाएंगा तो मैं भी बनाएंगा इसलिए लिथियम के सोल्ट भी हाइड्रेटेड फॉर्म में एल आई सी एल डॉट फोर एच टू ओ एल आई सी एल डॉट टू एच टू ओ इस फॉर्म में मिलेंगे समझ में आया क्या हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब श्लोक बेटा समझ में आया हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है है ना तो अगर मैग्नीशियम का सॉल्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट के फॉर्म में मिल रहा है तो लिथियम का भी मिलता है मैग्नीशियम के जनरली केनरलीवलेंट करेक्टर ज्यादा रखते हैं तो लिथियम के हेलाइट भी कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा रखते हैं है ना ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं ठीक है समझ में आ रहा है अरे समझ में आएगा डेफिनेटली क्योंकि कुछ मुश्किल ही नहीं है इन ऑर्गेनिक में ये सब्जेक्ट ही इतना प्यारा है ठीक है तो डायगोनल रिलेशनशिप में बस इतना याद रखना है कि किस किस के बीच में होता है और उसका रीजन क्या होता है बस खत्म डायगोनल रिलेशनशिप ठीक है आगे बढ़ रहे हैं बात कर रहे हैं चलिए क्वेश्चन आ गया है सभी के लिए बेटा क्वेश्चन भी जरूरी है तो क्वेश्चन जनरली मैं आपके लिए वही लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट है है ना सिर्फ वही मैं लेकर आया हूं तो चलो अपने से एक आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है यह क्वेश्चन तो तुम लोग सभी कर दोगे पोल लगा रहा हूं फटाफट से जवाब देंगे पोल, पोल 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 सिंगल पोल थर्टी सेकेंड्स आई थिंक थर्टी सेकंड विल बी इनफ क्योंकि इस क्वेश्चन में थर्टी सेकेंड काफी है चलो बेटा कश्मीर से भी जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है तो स्वागत है आप सभी का आरंभ बैच में हमारा ढेर सारा प्यार आप सभी को हाँ भाई नॉर्थ ईस्ट वाले और कश्मीर वाले बहुत याद करते हैं तो टेंशन नॉट हम लोग तुम्हारे साथ हैं चिंता मत करो बस जुड़े रहो तुम लोग अरे एकदम मक्खन कर देंगे तुम्हारी तैयारी को टेंशन नहीं लेने का ठीक है पोल नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं बेटा क्वेश्चन तो सॉल्व अच्छा ओ सॉरी 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 क्वेश्चन सॉल्व करो पोल स्टॉप हो गया तो अच्छा ओहो ओहो हो इसमें तो एक भी आंसर सही नहीं है सभी तुम लोग जो डी लगा रहे हो जो सभी तुम लोग डी लगा रहे हो ठीक है अब लगाओ डी है ना इसमें तो है ही मिस्टेक पोल स्टॉप हो गया ये लो चलो इस क्वेश्चन का छोड़ो इस क्वेश्चन का छोड़ो नेक्स्ट हां तुम सब अच्छे बच्चे हो मुझे पता है मुझे पता है अच्छे बच्चे हो तुम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करो इसके लिए पोल लगा रहा हूं फोर्टी फाइव सेकेंड्स का दे रहा हूं आराम से करो कोई जल्दी नहीं है टाइम भी दे रहा हूं और जगह भी करो क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है बेटा क्वेश्चन नहीं लगाए तो प्रैक्टिस नहीं होगी समझ में तो सब आ जाएगा प्रैक्टिस नहीं होगी तो सभी लोग भले ही गलत आंसर आए लेकिन आंसर सभी को देना है शो नहीं हो रहा कोई बात नहीं बेटा अच्छा किसी को भी नहीं हो रहा क्या किस किस को किसी को पोल शो हो रहा है क्या पहले यह बताओ या सभी को नहीं हो रहा तो फिर अपन फिर पोल ना चालू करके सीधे ऐसे कमेंट्स में आंसर ले लेंगे आपसे पोल किसी को भी नहीं आ रहा क्या अभी तक तो एक का भी जवाब यस नहीं आया किसी को भी नहीं आ रहा छोड़ो तो एक काम कर दें अपन ऐसे ही आंसर ले लेंगे छोड़ो इसको हटाओ हटाओ पोल बोल है ना कोई बात नहीं हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रह गई हो इससे पोल नहीं आ रहा है आ जाओ देखो बेटा अपने को क्या बोल रहा है एफ प्लस टू में डी इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू तो बेटा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करते हो ना जब भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो क्वेश्चन की उसमें वो इंपॉर्टेंट चीज जरूर मार्क कर लो जो उसने पूछी है, है ना तो कई बार नॉट भूल जाते हैं अपन है ना तो इस चीज को अंडरलाइन कर लो ताकि आपको याद रहे टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग अब आपको यह पता लगाना है कि Fe+2 प्लस टू में जितने डी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इनमें से किसमें नहीं है ठीक है तो यह बोल रहा है पी इलेक्ट्रॉन इन सीएल एल एटम के पी सबशेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके लिए बेटा आपको इसका कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा कॉन्फिगरेशन कैसे लिख लेंगे यह तो खैर याद ही होंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये कॉन्फिगरेशन हो गया Cl का अब मुझे बताओ बेटा Cl के पी सबशेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रहा एक पी ये रहा दूसरा पी टोटल मिला के कितने हैं 11 इलेक्ट्रॉन हैं ठीक है 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एफ ई प्लस टू के डी सब्सल में कितने इलेक्ट्रॉन है डी इलेक्ट्रॉन मतलब डी सब्शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन तो एफ प्लस टू का कॉन्फिग्रेशन लिख लेते हैं तो पहले उसके लिए हमें एफ ई का कॉन्फिग्रेशन लिखना होगा जो कि आपने लास्ट क्वेश्चन में लिखा है तो एफी का कॉन्फिग्रेशन चलो पूरा वाला ही लिख लेते हैं पहले तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी सिक्स यह एफ ई का कॉन्फिगुरेशन है ये एफी का कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें नजर आ रहा है क्या बेटा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ यहीं पर है और इसमें टोटल छ इलेक्ट्रॉन हैं। तो अपने को यह पता लग गया के इलेक्ट्रॉन्स हैं छह बस अब अपने को ये देखना है कि इनमें से किसमें छह इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये फर्स्ट वाला आंसर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें सीएल में पी इलेक्ट्रॉन ग्यारह है अपने को कितने चाहिए छी इलेक्ट्रॉन इन एफ

एफ का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी सिक्स तो एफ में यहां पर छह इलेक्ट्रॉन हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स इन एफ आंसर हो जाएगा हमारा बी ठीक है पी इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन बेटा नियॉन के पी में कितने इलेक्ट्रॉन है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स अच्छा आपने से तो नॉट इक्वल टू पूछा है ना वाह 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 बढ़िया बढ़िया तो यहां पर पी में छह इलेक्ट्रॉन है ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है अपने से नॉट इक्वल पूछा है तो ये वाली मिस्टेक ना हो बस इसलिए इसको मार्क कर लेना कि इसने इक्वल पूछा है या नॉट इक्वल पूछा है ठीक है क्योंकि कई बार क्या पेपर करते करते जैसे अभी क्वेश्चन करते करते मैं खुद कंफ्यूज हो गया तो आप पेपर करते करते आपके दिमाग पे बहुत प्रेशर रहता है उस प्रेशर में हम सही को भी गलत कर जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिली मिस्टेक बस ये नहीं करनी है अपने को है ना तो ये आपने मार्क कर लिया फिर एस इलेक्ट्रॉन इन एम जी एम जी के एस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी लिख लेते हैं अपन बेटा वन एस टू टू एस टू टू तो बेटा एस सबसेल कौन कौन से हैं ये है एक वन ये है एक टू और ये एक थ्री इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं छह इलेक्ट्रॉन हैं यहां पर भी छ इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी छह इलेक्ट्रॉन है।, है कि इक्वल टू, यानि कि आंसर हमारा हो जाएगा ठीक है तो आप में से कईयों के आंसर बहुत पहले से ही ए आ रहे हैं तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट करने होंगे ठीक है 4s2 से ही क्यों रिमूव किया बेटा इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट मोश से निकाले जाते हैं यहां पर अगर आपको दो इलेक्ट्रॉन निकालने का बोला है तो आउटर मोस्ट मोशन कौन सा है सबसे बाहर वाला शेल जिसके लिए n की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा वैल्यू फोर नजर आ रही है इसका मतलब ये फोर्थ शेल का सबसेल है और थ्री एस थ्री पी थ्री डी थर्ड शेल के हैं वो तो उसकी एनर्जी ज्यादा है इसलिए उसको बाद में लिखा है इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकाला जाएगा आउटर मोस्ट से कहां से आउटर मोस्ट से तो आउटर मोस्ट जिसके लिए एन की वैल्यू सबसे ज्यादा है एन की वैल्यू सबसे ज्यादा फोर है तो फोरेस्ट से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फिर थ्री डी से निकलेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने थे तो फोरेस्ट से निकाल दिए तीन निकालने होते तो पहले दो फोरेस्ट से निकालता फिर थ्री डी से निकालता तो थ्री डी फाइव कॉन्फिगुरेशन बन जाता चार निकालने होते तो पहले दो फोरेस्ट से निकालता फिर दो थ्री डी से निकालता तो थ्री डी फोर कॉन्फिगुरेशन हो जाता ठीक है समझ में आया चलो मुझे एक काम करो एक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ एक और क्वेश्चन आ गया चलो ये कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन ही आ गया ना यहीं पर लिख लेते हैं अपन कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन इसको ZN को प्लस टू कर लो ताकि सही लगेगा थोड़ा है ना जैसे अभी अपने को कॉन्फिग्रेशन लिखने है है ना पहले एक काम करो तुम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो इसका आंसर दो फिर मैं तुमको बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखने होते हैं एक बार और रिपीट कर दूंगा मैं है ना सर बिना पढ़े नीट कैसे क्लियर करें <laughs> उसको ढोल के ढोल दो उसको क्योंकि बिना पढ़े ऐसी हो सकती है वो क्लियर है ना समझ रहे होंगे तुम क्या कहना चाह रहा हूं मैं बेटा नीट का एग्जाम नीट का एग्जाम नहीं कोई सा भी एग्जाम बिना पढ़े क्लियर नहीं हो सकता मेरी भतीजी है वो फर्स्ट क्लास में अभी है ना पंद्रह तारीख से पंद्रह दिसंबर से उसके एग्जाम्स हैं तो उसको भी पढ़ना पड़ रहा है उसके लिए तो फर्स्ट क्लास के एग्जाम भी आप बिना पढ़े क्लियर नहीं कर सकते इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा तो नीट का एग्जाम पढ़ के ही क्लियर होगा ठीक है पढ़ो नालायकों चलो क्या आंसर आया भैया आंसर बताएंगे सभी लोग ज्यादातर लोगों का आंसर सही आ रहा है पर कुछ लोगों के आंसर गलत भी आ रहे हैं देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर नंबर ऑफ मोर अनपेड डी इलेक्ट्रॉन अनपेड डी इलेक्ट्रॉन बताने कोई बात नहीं हम इनके कॉन्फिग्रेशन लिख लेते हैं तो बेटा पहले जिंक का कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिंक का नंबर थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी टेन ठीक है जिंक प्लस टू अगर दिया हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने जिंक में से दो इलेक्ट्रॉन निकालने इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकाले जाते हैं आउटर मोस्ट शेल से तो यहां पर एन की हाइएस्ट वैल्यू ये है बेटा तो आउटर मोस्ट शेल अपना फोर्थ है तो पहले फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फिर उसके बाद थर्ड शेल के फिर सेकेंड शेल के और फिर फर्स्ट शेल के ठीक है तो फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन निकाल दो कितने निकालने दो निकालने दो निकाल दिए तो फोर खाली हो जाएगा है ना ये फोर एस जीरो बन जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा खाली हो गया तो इसको हटा दो ये हटा दिया हमने है ना तो क्या बचा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी टेन अब थ्री डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा टेन तो D में अगर मैं दस इलेक्ट्रॉन भरूं तो कैसे भरूंगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस क्या कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है D में क्या कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है नहीं आ रहा इसका मतलब इसका मतलब यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने जीरो हैं एफी प्लस टू में देखो कितने

दो इलेक्ट्रॉन निकालने इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलेगा आउटर मोस्ट शेल से आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा तो फोर्थ शेल शेल आउटर मोस्ट है इससे दो इलेक्ट्रॉन निकालो पहले ये दो निकाल दिए हमने दो निकाल दिए तो दो निकाल दिए तो खाली हो गया जीरो हो गया एस के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए इसको मैंने हटा दिया और ओ, ओ, -ओ इसको मैंने हटा दिया और क्या बचा हमारे पास थ्री एस टू थ्री पी सिक्स और थ्री डी सिक्स ये डी सबसेल में बेटा अगर मैं छह इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा तो कैसे करूंगा देखना जरा एक दो तीन चार पांच और एक कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे बेटा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है चार अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। वो डी में पूछ रहा है डी में है ना तो इसके डी में जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें चार अनपेड इलेक्ट्रॉन एन प्लस थ्री नाइट्रोजन प्लस थ्री नाइट्रोजन प्लस थ्री का कॉन्फ़िगरेशन ये तो बच्चों वाली बात है एन एस टू एन पी थ्री मतलब सेकंड वाला उसमें सबसे बाहर वाला सबसेल कौन सा है टू पी तो इसके टू पी में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो 2p में से तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2P 0 हो गया बचा क्या 1s2 2s2 तो इसमें तो d सब्सल ही नहीं भरा तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां से निकालें

तो अभी पढ़ा दूंगा तो भूल जाओगे तुम लोग इसीलिए डी एंड एफ ब्लॉक जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आपको बाकी के एक्सेप्शनल कॉन्फिग्रेशन सारे के सारे वो मैं वहां पर आपको याद करवा दूंगा आप खुद से लिख पाओगे सारे एक्सेप्शनल कॉन्फिग्रेशन हां बिल्कुल ठीक है तो कॉपर प्लस का कॉन्फिग्रेशन वैसे तो कॉपर का कॉन्फिग्रेशन तुमको बचपन में याद करवा दिया गया था है ना वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी नाइन की जगह क्या हो जाता है फोर एस वन थ्री डी टेन फोर एस वन थ्री डी टेन अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे आउटर मोस्ट शेल से आउटर मोस्ट फोर एस इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला ये हो गया जीरो तो इसको यहां से हटा दो ये इसको यहां से हमने हटा दिया ठीक है तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन डी कॉन्फ़िगरेशन ये रहा हमारा डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरते 0 तो जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन चार अनपेड इलेक्ट्रॉन आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर क्या हो जाएगा बी इस तरीके से क्वेश्चन करने आपको ठीक है चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट एक एलिमेंट दिया हुआ है बेटा एक एलिमेंट दिया हुआ है और आपको पता लगाना है इज जस्ट बिलो द द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आपको एक एलिमेंट का दिया हुआ है आपको इस कॉन्फिग्रेशन से वो एलिमेंट पहचानना है और उसके बाद यह पहचानना है कि उसके नीचे कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो ये आप काम एकदम आराम से कर दोगे एकदम आराम से बिना लिखे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा जैसे कि अभी आप यहां पर देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है क्या आप इसको देखकर बता सकते हो ये कौन से एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है चलो जल्दी बताओ बेटा कमेंट्स में मुझे बताओ कौन से एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है ये कौन से एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है बहुत बढ़िया वेरी गुड आंसर ही दे दिया कईयों ने तो अरे आंसर ही आ गया देखो बेटा ये कॉन्फिग्रेशन टू एस टू सिक्स थ्री एस टू थ्री बी थ्री दिया हुआ आपको फर्सफरस का। फर्सफरस बोले तो नाइट्रोजन फैमिली अभी अभी याद किया था याद है न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में ये वाला एलिमेंट आपको दिया हुआ और ऐसे पूछा जा रहा है इसके नीचे कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है तो नीचे रखा हुआ है आर्सेनिक ये आपको पता है और अगर इसका एटॉमिक नंबर पता है पंद्रह

अभी आगे अपन इसको भी लेंगे कर लिया ये क्वेश्चन आगे बढ़े ग्रुप एंड पीरियड आइडेंटिफिकेशन ग्रुप एंड पीरियड आइडेंटिफिकेशन ठीक है चलो आगे बढ़ रहे ग्रुप एंड पीरियड आइडेंटिफिकेशन पे तो ग्रुप और पीरियड बच्चों आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा जैसे कि अभी अपन ने ये पिछला वाला क्वेश्चन किया कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा या तो उसका कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाएगा या फिर उसका अटोमिक नंबर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई करो इसका ग्रुप और पीरियड क्या होगा तो आ जाओ कर लेते आ जाओ ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफिकेशन ये दो तरीके से किया जाता है एक तो जब आपको अटोमिक नंबर गिवन हो दूसरा जब आपको गिवन हो तो वैसे तो बच्चों पता है मेरा ये मानना है कि कि आपको पीरियोडिक टेबल इतने अच्छे से याद होनी चाहिए कि इस टॉपिक की ही जरूरत ना पड़े इस टॉपिक की जरूरत ब्रेक अबे अभी तो तुम्हारी एक क्लास का ही टाइम पूरा नहीं हुआ दो घंटे की एक क्लास लेते तो तुम लोग यकीन में और अभी से ब्रेक ब्रेक कर रहे ना हो नालायकों देखो एक काम करते हैं बेटा अपन दो पार्ट में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को एक पढ़ रहे हैं अपन कौन सा टेबल और एक पढ़ रहे पीरियॉडिक प्रॉपर्टीजिका ज्यादा नहीं है छोटा सा पार्ट बचाए बस छोटा सा पार्ट बचाया बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया बस ऐसे रोते नहीं होने वाला है बस हाँ कंप्लीट होने वाला है हा? कोई बात नहीं बेटा हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ जाएगा बस टर्म्स इंग्लिश में रहेंगी बाकी सब कुछ हिंदी में रहेगा तो अगर आपको टर्म्स इंग्लिश वाली पता है तो आप एक नंबर समझ सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है देखो ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफिकेशन में पहला केस ले रहे हैं जब आपको अटोमिक नंबर गिवन हो वेन अटोमिक नंबर इज गिवन जब एटॉमिक नंबर गिवन हो बेटा तब ग्रुप और पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करना ये आप सीख चुके हो पहले ही याद है कैसे याद है कैसे देखो अभी याद दिलाता हूं अभी सीख चुके हो तुम लोग अभी अभी सीखा तुमने पीरियड नंबर जो होगा वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे जब एटॉमिक नंबर गिवन है तो ये हो जाएगा पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस जो नेक्स्ट नोबल गैस है ना इसका जो पीरियड नंबर होगा वही उस एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा फॉर एग्जाम्पल अभी आपको बोला गया कि एटॉमिक नंबर 33 का पीरियड नंबर बताओ आपको क्या बोला एटॉमिक नंबर 33 का पीरियड नंबर बताओ तो आप क्या कर लो इसकी नेक्स्ट नोबल गैस कौन है वो देख लो नोबल गैसेस अभी अभी याद करी थी क्या हीना नीना और करीना जैसी रानिया ओरिजिनल और टू थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर एटी सिक्स एंड वन हंड्रेड एंड एटीन तो थर्टी थ्री की नेक्स्ट नोबल गैस कौन है थर्टी सिक्स है क्या बोले तो छत्तीस और छत्तीस कौन से पीरियड को बिलोंग करती है वन टू थ्री फोर आसान एकदम मक्खन एकदम मक्खन तो अगर ये फोर्थ पीरियड को बिलोंग करती है दैट ये अटोमिक नंबर थर्टी थ्री भी किसको बिलोंग करेगा फोर्थ पीरियड को बिलोंग करेगा अब मुझे बताओ फटाफट -फड़ से अटोमिक नंबर एटी टू कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा हाँ बेटा दीपक चिंता मत करो मैं पढ़ाऊंगा मैं मेरे हिसाब से ब्रेक दूंगा टेंशन मतलब मैं ये इनकी बातें नहीं सुनने वाला मैं जो लोग यहाँ पर सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको मजा आ रहा होगा समझ में आ रहा होगा वैसे तो सभी लोगों को मजा आ रहा है दिख रहा है बहुत बढ़िया आप सभी का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है इसके लिए थैंक यू सो मच इतना बढ़िया रिस्पॉन्स देने के लिए साथ में मेहनत करके सच में मतलब ये बहुत मेमोर बच्चों मैं कह रहा हूं ना इतिहास रच देंगे इस बार हम आपने लास्ट ईयर पीडब्ल्यू के सिलेक्शन देखे इस बार ताबरतोप सेलेक्शन आएंगे पीडब्ल्यू से लिख के दे रहा हूं याद रखना जब रिजल्ट आ जाए उस दिन मिलेंगे अपन ताबर तोब सेलेक्शन आएंगे ताबरतोप क्योंकि बहुत मेहनती बच्चे हैं बहुत सिंसियर बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सिंसियर देखो अभी जैसे सभी के आंसर आ रहे हैं सभी के आंसर 82 नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है 86 है तो बेटा 86 सिक्स है और मुझे मालूम है है ये पीरियड की है, 86 तो इस तरीके से आप बच्चों एटॉमिक नंबर की हेल्प से किसी का भी पीरियड नंबर निकाल सकते हो एकदम आसान है और बेटा अगर ग्रुप नंबर निकालना है तो ये तो पीरियड नंबर की बात हो गई अगर ग्रुप नंबर निकालना है तो इसके लिए एक किया जाता है जब आपको बोला कि बताओ इसका क्या है। तो या तो आप सीधे, -सीधे कर लो, 33 तो अपना आर्सेनिक और आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का है, है। सपोज ऐसा याद नहीं आ रहा क्योंकि एग्जाम में प्रेशर रहता है यार दिमाग पे है ना तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करने वाला एग्जाम है वो और तुम्हें एकदम से ये बोल दिया कि बताओ 33 कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा तो पीरियड तुमने निकाल दिया कैसे नेक्स्ट नोबल कौन थी 36 उससे फोर्थ पीरियड निकाल दिया अब ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करना है ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करो एटीन प्लस गिवन अटोमिक नंबर हालांकि इसकी जरूरत आपको इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी नीट में इस पर से ज्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं देखे गए हैं तो बस आपको यह पता होना चाहिए इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है गिवन अटोमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस ये फॉर्मूला लगा देना बस यह वाला फॉर्मूला लगा देना आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा कैसे कैसे जैसे कि आपको बेटा अटोमिक नंबर थर्टी थ्री दिया था अटोमिक नंबर थर्टी थ्री दिया तो आपने पीरियड नंबर तो निकाल दिया फटाक से कि ये है. अच्छा ग्रुप नंबर तो क्या है थर्टी थ्री थर्टी थ्री कर लो माइनस नोबल गैस बेटा नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है थर्टी थ्री नोबल गैस थी थर्टी सिक्स ये थर्टी सिक्स लिख दिया थर्टी सिक्स इसको सॉल्व कर लो बेटा ग्रुप नंबर आ जाएगा तो थर्टी थ्री माइनस थर्टी सिक्स माइनस थ्री एटीन माइनस थ्री फिफ्टीन आ जाएगा यानी कि ग्रुप नंबर नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर होगा है ना आसान है ना आसान अरे है कि नहीं यह वाला फॉर्मूला लगाओ सीधे ग्रुप नंबर पाओ ठीक है अच्छा कई बार ऐसा होगा बेटा कई बार ऐसा होगा ध्यान दो कई बार ऐसा होगा कि ये फॉर्मुला आपको नेगेटिव वैल्यू दे देगा क्या दे देगा नेगेटिव दे वैल्यू दे देगा जैसे कि आपने ले 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 लो 56 ले लो ऐसा कोई सा एटॉमिक नंबर लिया लोगे ना तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव में मिलेगी तो जब ये फॉर्मुला नेगेटिव में आंसर दे तब आप इस एटीन की जगह पे बस थर्टी टू वैल्यू यूज कर लेना अगर ये फॉर्मूला नेगेटिव वैल्यू देता है आंसर में तो नेगेटिव में तो ग्रुप नंबर आ नहीं सकता तो आप 18 की जगह पे क्या यूज कर लेंगे बेटा 32 ठीक है जरूरत नहीं पड़ेगी कभी इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा ठीक है आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए है ना क्योंकि बेटा ये है ना आपको मतलब कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं और एग्जाम तक आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी पीरियोडिक टेबल की कि आप इतना टाइम लगाने से अच्छा डायरेक्ट उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लोगे है ना तो इसको हम आगे बढ़ते हैं है ना अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि अपन ने याद की थी बेटा याद है अपना जो ग्रुप थ्री था जो लार्जेस्ट ग्रुप था हमारी पीरियोडिक टेबल का जिसमें टोटल थर्टी टू है थे तो उसमें के बाद वाले जो एलिमेंट्स थे अपना जो ग्रुप थ्री था कौन सा स्कैंडियम यूट्रियम लेंथेनम और एक्टिनम ये लार्जेस्ट ग्रुप था अपना कितने एलिमेंट्स थे थर्टी टू थे इसमें कितने थे बेटा थर्टी टू एलिमेंट्स कैंडियम यूट्रियम लेंथेनम और एक्टिनम चार तो ये लेंथेनम के आगे वाले कितने टोटल चौदह एलिमेंट एक्टिनम के आगे वाले कितने टोटल चौदह एलिमेंट चौदह और चौदह अट्ठाइस अट्ठाईस और चार बत्तीस टोटल बत्तीस एलिमेंट पाए जाते हैं उस छोटे से ग्रुप में इसलिए उसको लार्जेस्ट ग्रुप बोला जाता है ठीक है तो बेटा ये जो ग्रुप थ्री है ना इसको थर्ड बी भी बोलते हैं हम इसको थर्ड भी या फिर थर्ड ग्रुप भी बोलते हैं इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है थर्टी टू हैं। है यहां पर ने एक इंपॉर्टेंट बात सीखी थी क्या कि जो कि जो एटॉमिक नंबर फिफ्टी सेवन है इसके बाद फिफ्टी एट से सेवेंटी वन मतलब सीरियम से लुटेटियम तक के जो एलिमेंट्स हैं, ये सभी कहलाते हैं क्या बेटा लेंथेनॉइट्स क्या कहलाते हैं ये लेंथेनॉइट्स और एक्टिनम एटॉमिक नंबर 89 इसके बाद एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक के जितने भी एलिमेंट हैं यानी कि थोरियम से लेके आ, कहां तक लॉरेंशियम तक ये सभी एलिमेंट्स 90 से लेके 103 ये सभी क्या कहलाते हैं एक्टीनॉइड्स ये सभी क्या कहलाते हैं एक्टीनॉइड्स तो सीरियम से लेके सीरियम से लेके लुटेटियम यानी कि 58 से 71 और 90 से 103, 58 से 71 और 90 से 103 ये सभी elements, से सभी एलिमेंट्स 58 से 103 ये सभी एलिमेंट कौन से ग्रुप में होंगे थर्ड ग्रुप में होंगे तो जैसे मैंने आपको पूछा बेटा जैसे मैंने अगर आपको पूछा कि बताओ एटॉमिक नंबर 69, ये कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा या फिर मैंने आपसे पूछा कि एटॉमिक नंबर 101, 101 ये कौन से ग्रुप कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा तो ग्रुप तो बेटा इनका अपन देखते ही बता देंगे एक झटके में ग्रुप तो देखते ही बता देंगे क्योंकि फिफ्टी से 71, यानी कि 69, 58 से 71 के बीच में इसका मतलब ये एक लेंथेनॉइड है और लेंथेनॉइड सारे के सारे कौन से ग्रुप में है कौन से में है? ग्रुप में है थर्ड ग्रुप में है देखते ही लगाओ सीधा थर्ड ग्रुप और 90 से 103 ये सभी क्या है एक्टीनॉइड और एक्टीनॉइड सारे के सारे थर्ड ग्रुप में है तो ये एक एक्टीनॉइड है 90 से 103 के बीच में आता है ये एक है तो बेटा ये दोनों एलिमेंट्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करेंगे थर्ड ग्रुप को बिलोंग करेंगे और सभी लेंथनॉइड सिक्स पीरियड एलिमेंट है और सभी एक्टीनोइड सेवेंथ पीरियड एलिमेंट हैं। तो कोई भी लेंथनॉइड अगर दिखता है तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है सिक्स पीरियड का तो यहां पर इस एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या आ जाएगा सिक्स इस एलिमेंट का जो कि एक्टेनॉइड है बेटा सेवंथ आ जाएगा पीरियड नंबर क्या आ जाएगा सेवंथ और इन दोनों का ही ग्रुप कौन सा आ जाएगा ऑलवेज थर्ड बी या थर्ड ग्रुप होगा कोई भी एफ ब्लॉक एलिमेंट हमेशा कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा ऑलवेज थर्ड ग्रुप को बिलोंग करेगा और लेंथेनॉइड है तो सिक्स पीरियड एक्टेनॉइड है तो सेवेंथ पीरियड एकदम आसान एकदम आसान ठीक है बहुत बढ़िया बेटा बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे चलो आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं है ना नेक्स्ट रुक जाओ अभी इस पर आते हैं अपन पहले एक और इंपॉर्टेंट बात ऐसे एटॉमिक नंबर जो 104 से बड़े हैं और 118 से छोटे हैं मतलब 104 से लेके 118 तक के जो एटॉमिक नंबर्स हैं इनका भी ग्रुप और पीरियड पता लगाना बहुत आसान है मतलब कौन से वाले ये वाले बेटा कौन से वाले ये वाले 104 सौ रदर से लेके ऑगेनेसोन तक न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं बेटा इनका ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और रुक इनका ग्रुप और पीरियड पता लगाना भी आसान है इनका ग्रुप और पीरियड पता लगाना कैसे पता लगाएंगे तो बेटा ये सभी के सभी पीरियड तो इनका ऑलवेज सेवेंथ होगा ये सेवंथ पीरियड एलिमेंट है ना पीरियड क्या होगा ऑलवेज सेवेंथ होगा पीरियड कैसा होगा बेटा सेवेंथ होगा और अगर ग्रुप नंबर पता लगाना है ग्रुप नंबर होता है इनका लास्ट टू डिजिट्स ऑफ देयर एटॉमिक नंबर लास्ट टू डिजिट्स ऑफ देयर एटॉमिक नंबर मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि 104, 110, 116, 118 मैंने सपोज ये एलिमेंट दे दी, दी, दी आपको आपसे बोला कि बताओ इसका ग्रुप नंबर क्या होगा तो 104 का ग्रुप नंबर क्या है बेटा लास्ट टू डिजिट्स ऑफ एटॉमिक नंबर यानी कि फोर्थ 110 का क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा बेटा लास्ट टू डिजिट्स यानी कि टेन एक सौ सोलह का ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा सिक्सटीन और एक सौ का ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 18 तो 104 से बड़े जितने भी एटॉमिक नंबर है ना 118 तक इन सभी का जो ग्रुप नंबर है वो है इनकी लास्ट टू डिजिट्स ऑफ एटॉमिक नंबर ये निकाल लिए ग्रुप देखते पता लगा लोगे और इन सभी का पीरियड नंबर कौन सा है पीरियड तो देखते ही क्या लगा दो दोथ सौ से बड़े जितने भी एटॉमिक नंबर है सारे सेवन पीरियड को बिलोंग करेंगे ऐसे याद रख लो सौ से बड़े जितने भी एटॉमिक नंबर है सारे सेवेंथ पीरियड को बिलोंग करेंगे तो चार दस सोलह और अट्ठारह देखो चेक कर लेते हैं आओ कहां है हमारी पीरियोडिक टेबल हमारी प्यारी पीरियोडिक टेबल ये रहा बेटा एक सौ चार रदर फोर्डियम ये देखो कौन सा ग्रुप है फोर्थ ग्रुप है एक दो तीन चार एक सौ दस लिया था एक सौ दस ये रहा डामस्ट्रेटियम ये रहा ग्रुप टेन एक सौ सोलह लिया था ये रहा लिवर मोरियम ग्रुप सिक्सटीन ऑक्सीजन फैमिली ऑर्गेनेसोन एटीन ग्रुप है ना तो इस तरीके से बेटा आप किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया है तो अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया है तो ठीक है अंकित अरे बेटा अभी तो और मजा आएगा रुको अरे ये तो अभी झांकी है पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई टेंशन नहीं लेने का ये चैप्टर ऐसा मक्खन करके दूंगा ना तुमको बस ऐसे ऐसे लगाना है और ऐसे खा लेना है ठीक है चलो आ जाओ फटाफट से आगे बढ़ते हैं तो बेटा ये जब एटॉमिक नंबर गिवन हो तब इस तरीके से अपन आइडेंटिफाई करेंगे और अगर एटॉमिक नंबर नहीं गिवन है आपको गिवन है कॉन्फ़िगरेशन दूसरा केस ले रहे हैं पहला केस कौन सा लिया था अपन ने जब अपने को एटॉमिक नंबर दिया है और फिर ग्रुप और पीरियड पूछा है अब अपन क्या ले रहे हैं जब अपने को एटॉमिक नंबर नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन गिवन है तब क्या करेंगे तो इसका एकदम आसान सा उपाय है क्या एकदम आसान सा उपाय है देसी जुगाड़ जुगाड़ क्या है अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो उससे काउंट करके आप एटॉमिक नंबर निकाल लो भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए हैं उससे काउंट करके आप एटॉमिक नंबर निकाल लो और एटॉमिक नंबर से कैसे आइडेंटिफाई करना होता है ग्रुप और पीरियड ये आपको पता ही है अभी अभी सीखा आपने है ना जैसे कि पहले मैं ये तरीका भी बता देता हूं कॉन्फिग्रेशन से कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है तो देखो बेटा पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करने का तरीका तो आपको मालूम है पीरियड नंबर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपके एनसीआरटी खुद आपको सिखाती है पीरियड नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे NCRT में अभी अपन ने एनसीआरटी कॉर्नर में क्या पढ़ा था याद है कि जो हाइएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही उसका पीरियड नंबर होगा हाइएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले तो एन यह उसका पीरियड नंबर होगा फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्फिग्रेशन दिया हुआ है कॉन्फिग्रेशन क्या दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, है ना आपको दिया हुआ है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी वन आपको दिया हुआ है वन एस टू अच्छा आप दूसरे टाइप से अपन वो वाला ले लेते हैं ना आपको दिया हुआ है जिनोन सिक्स एस टू फोर एफ फोर्टीन फाइव डी टेन एंड आपको दिया हुआ है आर्गन फोर एस टू थ्री डी टेन फोर पी थ्री चलो बेटा बताओ फटाफट से ग्रुप नंबर क्या होंगे जल्दी जल्दी आंसर देंगे तीनों चारों के आंसर एक साथ ही लिख दो तीनों चारों के आंसर केमिकल बॉन्डिंग भी आप ही अरे मैं ही पढ़ाऊंगा टेंशन नॉट चिंता मत करो पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा और बिल्कुल मक्खन कर दूंगा तुम्हारी इनऑर्गेनिक इसकी तो गारंटी अपनी पता लगा लोगे ना पीरियड नंबर बेटा पता लगाना बहुत आसान है कॉन्फिग्रेशन दिया है ना देखते ही पीरियड नंबर पता लगा लेंगे क्यों क्योंकि अपने को क्या करना है बस यही तो आइडेंटिफाई करना है कि हाइएस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है तो यहां पर हाइएस्ट वैल्यू ऑफ एन ये नजर आ रही है तो इसके लिए पीरियड नंबर क्या हो जाएगा फोर यहां पर क्या नजर आ रही है थ्री ही नजर आ रही है पीरियड नंबर थ्री यहां पर क्या नजर आ रही है फाइव है क्या नहीं 4 नहीं 6 हाईएस्ट है इसका मतलब इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा मेरे भाई सिक्स्थ हो जाएगा क्या अरे इसको देख के गच्चा खा गए ना नालायकों 5 नहीं 6 हाईएस्ट वैल्यू है तो 6 वो कॉन्फिगरेशन की सीक्वेंस की वजह से उसको 6 को पहले लिखा हुआ है तो बेटा 6 सबसे बाहर वाला सबशेल है आउटर मोस्ट शेल कौन सा है इस एलिमेंट का सिक्स्थ तो एन की वैल्यू सिक्स है बस ऐसे ही प्यार से एग्जामिनर आपका काटेगा मुश्किल सवाल तो दे नहीं सकता तो ऐसे हिरा फिरा के तुम्हारा दिमाग चलाएगा हा बस इस चीज का ध्यान रखना और ये चीज कब नहीं होगी आपके साथ जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चों इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है ठीक है नेक्स्ट इधर हाईएस्ट वैल्यू क्या नजर आ रही है बेटा देखो दोनों जगह पे फोर नजर आ रही है तो पीरियड क्या हो जाएगा बेटा फोर ये इनके पीरियड नंबर है थ्री सिक्स फोर जिसमें मैं देख पा रहा हूं कि कईयों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं कुछ बच्चों ने फाइव दिया था सिक्स की जगह आंसर तो वो सिली मिस्टेक थी उनकी तो बेटा वो सिली मिस्टेक नहीं करनी है बस यही ध्यान रखना है यही ध्यान रखना है है ना सिली मिस्टेक नहीं करोगे तो तुम सेलेक्ट हो हाँ ये तुम्हारा सिलेक्शन जो रोक रहा है वो तुम्हारी सिली मिस्टेक है तो सर सिली मिस्टेक को रोकने के लिए क्या करें सिली मिस्टेक को रोकने के लिए मिस्टेक को रोकने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ ठीक है तो पीरियड आइडेंटिफाई करना तो सीख लिया ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करें देखो एक तो देसी जुगाड़ है क्या कि आप एटॉमिक नंबर निकाल लो जैसे कि आप इसको काउंट कर लो इसको टोटल काउंट कर लो है ना तो ये कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्या दिया हुआ है ये थ्री थ्री वन ये आ जाएंगे टोटल थर्टीन इलेक्ट्रॉन अब थर्टीन इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या आ गया एटॉमिक नंबर आ गया तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लो थर्टीन ग्रुप नंबर निकाल लो ग्रुप नंबर आ जाएगा आपके पास ठीक है या फिर अगर आपको कॉन्फिगरेशन से ही करना है तो मैं फटाफट से बता देता हूं कोई भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है कैसा आईडिया लगाएंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबशेल में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है तो उसका कॉन्फिगरेशन आपको क्या मिल जाएगा के, एस में एक या दो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे तो अगर ऐसा है तो इस केस में बच्चों ग्रुप नंबर निकाला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यानी कि एनएस में अगर एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा एनएस में अगर दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो वो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होगा बात खत्म एकदम आसान ठीक है अगर पी ब्लॉक एलिमेंट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है क्या होता है एन एस टू एन पी वन से लेके सिक्स तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो अगर वो पी ब्लॉक एलिमेंट है तो इस केस में ग्रुप नंबर कैसे निकालना होता है ट्वेल्व प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे कि सपोज आपने देखा यहां पर

थर्टींथ ग्रुप आसान है है ना ऐसे ही अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है ऐसे ही अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है एनएस वन से टू या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको एनएस जीरो से टू एन माइनस वन डी वन टू टेन है ना बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन दोनों सही है आपको एग्जाम में कोई भी एक की मिलेगा ये दोनों एनसीईआरटी ने दिए हुए है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है बेटा और इसमें ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसमें ग्रुप नंबर टोटल एन एस और एन माइनस वन डी के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो क्या कर लो एन माइनस वन डी के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो आ, बेटा रुक जाओ सुसु ब्रेक दूंगा तुमको दो मिनट रुक जाओ बस है ना ये वाला टॉपिक खत्म कर लेने दो तो, चाय भी पी लेना सुसु भी हो के आ जाना और जो भी करना है थोड़ा जल्दी कर लेना ठीक है तो बेटा अभी जैसे अपन यहां पर देख रहे हैं कोई डी ब्लॉक एलिमेंट ये देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता नजर आ रहा है मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसके केस में ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे एनएस और एन माइनस वन डी इनके इलेक्ट्रॉन्स का सम कर दो तो एन एस में दो इलेक्ट्रॉन है एन माइनस वन डी में आठ है इनका सम कर दिया कितना आ जाएगा दस तो इसका ग्रुप नंबर आ जाएगा दस इस तरीके से और अगर कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट है अगर कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका जनरल कॉन्फिग्रेशन तो आपको पता ही होगा एनएस टू एन माइनस वन डी जीरो और वन एन माइनस टू एफ वन से लेके इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है जो मैं आपको डी एंड ब्लॉक चैप्टर में जरूर पढ़ाऊंगा तो 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 देखते ही हम समझ जाएंगे कि कौन सा होगा थर्ड ऑलवेज ग्रुप नंबर कौन सा होगा बेटा ग्रुप नंबर कौन सा होगा थर्ड ऑलवेज और पीरियड तो आप पता लगा लोगे लोग से है ना पीरियड तो हम पता लगा ही लेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो ये था हमारा पीरियड एंड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन जैसे कि एनसीआरटी में बेटा अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीआरटी का क्वेश्चन आ रहा है भाई सभी लोग आ जाओ ध्यान दो इधर एनसीआरटी का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 117 और 120 ये आपको दो एलिमेंट दिए हुए हैं और ऐसा बोल रहा है कि ये अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं जब ये डिस्कवर होंगे इन विच फैमिली ग्रुप और ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट्स एंड ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन ईच केस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था तुम लोगों को 120 का भी लिख सकते हो 117 का भी बहुत आराम से लिख सकते हो जब आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा जब लिखोगे तो आप ये देखोगे कि 120 का अपन ने लिखा था याद है लास्ट में क्या आया था बेटा लास्ट में लास्ट में क्या आया था अरे एट आया था ना 120 में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां कर रहा है एट एस में कर रहा है एट एस में एलिमेंट मतलब हो गया ब्लॉक का। और इसको तो सत्रह हमारा एक ब्लॉक बीस एस ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट है तो एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर निकालने का फॉर्मूला अभी अपन ने क्या लिखा था एन एस के इलेक्ट्रॉन तो एन एस में दो इलेक्ट्रॉन है मतलब सेकेंड ग्रुप हो जाएगा इसका ग्रुप नंबर सेकेंड और एस ब्लॉक इसका ग्रुप नंबर सत्रह और पी ब्लॉक आसान है एकदम आसान है ठीक है है सेल चेंज करने है क्या है वैसे दो डंडे दिखा रहा है अभी थोड़ी देर में ब्रेक दे रहा हूं मैं इनको हाँ उसके बाद कर लेंगे माइक की बैटरी भले डाउन हो जाए हमारी नहीं डाउन होगी क्योंकि अब की बार सिलेक्शन किसी भी कीमत पे चाहिए और याद है ना मेरा तो एक ही नारा है अब की बार 700 पार अब की बार 700 पार नहीं रुकेंगे बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे भले माइक डाउन हो जाए इतनी जोर से चिल्लाऊंगा कि यहीं से तुम तक आवाज पहुंच जाए पर नहीं रुकेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है बेटा एनसीआरटी का क्वेश्चन था तो आपसे है ना नीट में पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीआरटी और एनसीआर टी एग्जाम्पल इन दोनों के क्वेश्चन आते हैं नीट में ठीक है चलो आगे बढ़ रहे हैं बेटा एक और क्वेश्चन है है जो है तो पुराना लेकिन आपको आई थिंक करना चाहिए और मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहता हूं इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33 थ्री इसका ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई करना है बेटा ये होमवर्क है आपका ठीक है इसको होमवर्क में कर लेना वैसे तो तुम लोगों ने क्लास में ही कर लिया है बट एक बार इसको अटेम्प्ट जरूर कर लेना ठीक है कर चुके अपन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफाई करना है बेटा ऐसा एक क्वेश्चन कर लेते हैं चलो चलो इसका आंसर दो आंसर दो इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है मालूम है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी से बताओ कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये बताओ जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा अरे वाह बहुत अच्छे बेटा तुम लोगों के जो आंसर एकदम खटाखट आ जाते हैं ना इतना बढ़िया लगता है इतना बढ़िया लगता है क्या ही बताऊं तो बेटा सोडियम प्लस एम जी प्लस टू देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालने का एकदम आसान तरीका है आपको पता होना चाहिए इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें होते बेटा ग्यारह इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला अरे भैया इसका एटॉमिक नंबर ग्यारह है ना और इसका क्या है बारह तो ग्यारह में से एक गया तो दस बारह में से दो गए तो दस दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है दस इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये दोनों आपस में क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है एम एन प्लस टू और एफी प्लस थ्री बेटा एम एन प्लस टू एम एन पच्चीस और ये है छब्बीस इनका एटॉमिक नंबर पच्चीस और छब्बीस है इसमें से दो गए तो बचे ट्वेंटी थ्री से तीन गए थ्री इलेक्ट्रॉनिको इलेक्ट्रॉनिकलेक्ट्रॉनिक है एफी प्लस टू और एम एन प्लस टू इसमें थे छब्बीस इलेक्ट्रॉन इसमें थे पच्चीस इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन गए तो बचे ट्वेंटी थ्री इसमें से दो इलेक्ट्रॉन गए ट्वेंटी फोर दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक दीज आर नॉट आईसो इलेक्ट्रॉनिक आंसर हो जाएगा हमारा सी और ओ टू माइनस और एफ माइनस दोनों में दस इलेक्ट्रॉन है ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है एकदम आसान है नीट में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है ठीक है आगे बढ़े एकदम आसान था चलिए बच्चों. आगे बढ़ रहे हैं आप सभी का आंसर बहुत पहले ही सी आ गया था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो हमारा अभी का लास्ट टॉपिक ले रहे हम हमारा अभी का लास्ट टॉपिक ले रहे अच्छा एक चीज और ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ना बेटा उसको एक टेबल बना के मैंने समराइज किया है जैसे कि ये जो टेबल आपको नजर आ रही है ये आपको जो पीरियड्स है ना हमारे पीरियड्स पीरियोडिक टेबल के उनका डिस्क्रिप्शन दे रही है क्या जैसे कि जो फर्स्ट पीरियड है हमारी पीरियोडिक टेबल में उसमें कौन सा फिल होता है सिर्फ वन कौन सा सब्सल फिल होता है सिर्फ वन एस और इन में जितने इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो ना टोटल उतने ही एलिमेंट उस पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि 1S में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो आप मात्र दो तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखो आपको दो ही मिलेंगे ठीक है ऐसे सेकेंड पीरियड में बेटा टू एस और टू पी सब्सल फिल होते हैं अभी अभी अपन ने देखा था ना कौन कौन से सब्सल फिल होते हैं वो वो अरे ऐसे नहीं लिखा था क्या अपन ने प्रीवियस नोबल गैस फिर उसके बाद एन एस सबसे लास्ट में कौन एन पी एन माइनस टू एफ एन माइनस वन डी और सबसे लास्ट में np. तो ये एक पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें सबसे पहले ns भरता है सबसे लास्ट में np भरता है तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एन एस भरा था ठीक है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं उस सबसेल में उतने ही एलिमेंट्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे फर्स्ट पीरियड में देखने को मिलेंगे ठीक है ऐसे पीरियड की बात करें तो उसमें 2s और 2p ये दो सब्शियन फिल होंगे ठीक है ये दो सब्शन फिल होंगे तो इनमें टोटल आठ इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसलिए आठ एलिमेंट इस पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं थर्ड में 3s और 3p भरते हैं इसलिए इसमें भी हमें आठ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं ऐसे फोर्थ में फोर एस फोर पी और थ्री डी ये तीनों भरते हैं ये अभी अभी आपने पढ़ा है जस्ट थोड़ी देर पहले एक घंटे पहले ही तो इसमें टोटल ऐसे ही फिफ्थ पीरियड में अपन देखें तो दो दस और छह तो टोटल इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना तो अठारह एलिमेंट्स पाए जाएंगे सिक्स और सेवंथ पीरियड इनमें ये चारों फिल होते हैं तो इनमें टोटल एलिमेंट्स क्या भर सकते हैं अपन थर्टी टू इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट और इसको भी लॉन्गेस्ट अब बोलते हैं अपन है ना और एनसीआर क्या बोलती है इसको इनकम्प्लीट पीरियड क्या बोलती है बेटा इनकंपलीट पीरियड इनकंप्लीट पीरियड अभी एनसीआरटी ऐसा बोलती है पर वो कंप्लीट हो चुका है ना खुद एनसीआरटी ने पूरे एलिमेंट्स अपने को भर के दिए हैं ठीक है ठीके? है ना यहां पर एलिमेंट्स है मतलब यहां पर आपको एलिमेंट्स भरने हैं तो ये आपका होमवर्क है बेटा ये आपका होमवर्क है ये हमेशा होमवर्क देता हूं मैं जब भी पढ़ाता हूं बच्चों को पीरियोडिक टेबल यहां पर आपको एलिमेंट्स लिखने हैं खुद मतलब कौन कौन से एलिमेंट होंगे जैसे कि फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन से लेकर है ना सेकंड पीरियड में कौन कौन आ जाएगा लिथियम से लेके नियॉन तक के एलिमेंट्स आ जाएंगे है ना तो मुश्किल वाले तो मैंने कर दिए आसान वाले तुम लोग कर लेना आगे ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़ रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक कर रहे हैं अच्छा एक और क्वेश्चन चलिए बच्चों एनसीआर का एक और क्वेश्चन आया है इसको करके बताएंगे हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ एटीन एलिमेंट्स इन फिफ्थ पीरियड आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि फिफ्थ पीरियड में अट्ठारह एलिमेंट्स भरे जाते हैं कैसे जस्टिफाई करोगे तो उसके लिए अभी अभी अपन ने देखा बेटा फिफ्थ पीरियड में कौन कौन से सब्सल फिल होंगे फाइव एस फोर डी और फाइव पी सर हमें कैसे पता लगेगा ये रहा सीक्वेंस इसमें एन की वैल्यू फाइव रख दो फिफ्थ पीरियड का निकालना है ना तो एन की वैल्यू फाइव रख दो 5S, 3F हो जाएगा नहीं एग्जिस्ट करेगा काट दो फोर डी एग्जिस्ट करेगा लिख दो फाइव पी तो फाइव एस फोर डी फाइव पी ये तीन फिल होंगे इन तीनों में मिला के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर लोगे अट्ठारह तो इतने ही एलिमेंट इस पीरियड में पाए जाएंगे एकदम आसान है क्या एकदम आसान है क्या तो देखो ये भी यही समझाना चाह रहा है अपने को ये भी स... यही समझाना चाह रहा है कि 5s, 5p और 4d भरेंगे तो इनमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसका मतलब इनमें 18 एलिमेंट होंगे तो एन भी पढ़ते जा रहे हो आप साथ के साथ घबराने की कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे बेटा शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे ये वाले नोट्स भी मिलेंगे पीडब्ल्यू एप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है बस पढ़ाई करनी है आपको आपको बस एक ही काम सीरियसली करना है और वो है पढ़ाई और उसमें भी मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जरूर ध्यान देना ठीक है अरे बस तुम लोगों का प्यार ही तो ये सब करने की हमें एनर्जी देता है हाँ बिल्कुल जितना प्यार पीडब्ल्यू के टीचर्स को मिलता है ना उतना किसी इंस्टीट्यूट के टीचर्स को नहीं मिल पाता है देखो ऐसा है हम टीचर्स के बीच ये बातें जरूर चलती है क्यों क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है टीचर्स को बच्चों के साथ जुड़ने की बाकी इंस्टीट्यूट्स उतना क्योंकि अब जैसे ऑफलाइन की बेटा अगर अपन बात करें तो ऑफलाइन में मैं एक क्लास में ज्यादा बच्चों को थोड़ी पढ़ा सकता हूं तो उतना ज्यादा स्टूडेंट से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है इसलिए पीडब्ल्यू में बच्चे ज्यादा बच्चों का प्यार भी ज्यादा और बच्चों का प्यार ज्यादा तो टीचर्स की एनर्जी ज्यादा और टीचर्स की एनर्जी ज्यादा तो टीचर्स पूरी जान लगा के पढ़ाएंगे आपको नहीं रुकेंगे अब की बार सभी लोग बोलेंगे अब की बार सात सौ पार सात सौ पार जाना है बच्चों हमें नहीं रुकना है तब तक ठीक है आ जाओ फटाफट फड़। बहुत आसान टॉपिक है बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं हर साल हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या फिर हर आप ऐसे बोल रहे हर अल्टरनेटिव साल हमें देखने को मिलते हैं पिछले तीन चार साल में तो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से हां बिल्कुल इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और ये टॉपिक बहुत आसान है बेटा देखो हुआ क्या जैसे मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में याद है कि अटोमिक नंबर एक ने बहुत बवाल मचाया था जब यह डिस्कवर हुआ तो ये अमेरिका और रशिया इन दोनों के साइंटिस्टों ने एक ही टाइम पे पता लगाया कि 104 एक, एक एलिमेंट है इसकी ये ये प्रॉपर्टीज हैं। तो अमेरिका वाले ये बोलने लग गए कि ये एलिमेंट हमने डिस्कवर किया है रशिया वाले ये बोलने लग गए कि नहीं हमने डिस्कवर किया है अमेरिका वाले बोल रहे थे कि हमने डिस्कवर किया तो हम इसका नाम रखेंगे रशिया वाले बोल रहे थे कि हमने डिस्कवर किया तो हम इसका नाम रखेंगे अमेरिका वाले बोल रहे थे कि हम इसको रदर बोलेंगे रशिया वाले बोल रहे थे कि हम कुर्चा टोवियम बोलेंगे रशिया वाले क्या बोल रहे थे कि हम कुर्चा टोवियम बोलेंगे तो ऐसे करके लड़ाई चालू हो गई इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में जब भी लड़ाई चालू होती है ना तो अल्टीमेटली नुकसान बाकी की कंट्रीज का होता है बाकी लोगों का होता है, है ना क्योंकि ये तो इधर उधर परमाणु बम डाल के और निकल लेते हैं बाकी लोग दिक्कत में आ जाते हैं ना हाँ कुर्चा टोवियम सोचो कुर्चा टोवियम है ना तो इसलिए कुछ समझदार देश जैसे कि हमारा भारत देश ऐसे समझदार लोग आगे आए इन्होंने बोला कि देखो लड़ाई लड़ाई माफ करो और उसके आगे नहीं बोलूंगा लड़ाई नहीं करनी चाहिए ऐसा उन्होंने बोला और क्योंकि उसके आगे बोलने पर ना बवाल हो जाता है कई बार तुम कर चुके हो एक बार बवाल तो लड़ाई मत करो और एक सिस्टमेटिक तरीका निकालते हैं ऐसा कुछ समझदार लोगों ने आपस में मिलकर ये डिसाइड किया तो लोगों ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था आई सच सच बताना कितने लोगों को इसकी फुल फॉर्म याद है आई की ठीक है हां तो एक कमेटी बनी बच्चों एक कमेटी बनी जिसमें कुछ समझदार लोगों को रखा गया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम एलिमेंट्स के नाम ऐसे कुछ भी नहीं रखेंगे एलिमेंट्स के नाम एक सीक्वेंस से रखे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर हंड्रेड से सौ से बड़े जितने भी नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे उन सब की नेमिंग का एक सीक्वेंस दे दिया गया और वो कुछ इस तरीके से था कि हम इनके एटॉमिक नंबर के बेस पे इनका नाम लिखेंगे बच्चों ध्यान से पढ़ना एक ही बार में समझ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चन एक ही बार में सही हो जाएंगे कैसे जैसे कि हमें यह बोला गया कि आप ये जो डिजिट्स है ना इनके एब्रिविएशन याद रखो इनके एब्रीविएशन याद रखो और इनको क्या बोला जाएगा ये याद रखो जैसे जो जीरो है एटॉमिक नंबर में जो जीरो है, उसको बोला जाएगा नील वन को बोला जाएगा अन को by, को try, को quad, को बाय ट्राई क्वाड पेंट सिक्स को hex, को सेप्ट ये याद रखना आप ऑर्गेनिक में हेप्ट पढ़ते हो यहां पर सेप्ट बोला जाता है यहां कंफ्यूज मत होना ऑर्गेनिक में आप हेप्ट पढ़ते हो यहां पर हम क्या बोलते हैं उसको सेप्ट ठीक है तो सेवन को सेप्ट ऑक्ट आठ हो गया ऑट और नाइन हो गया अपना एन नाइन को क्या बोला जाता है एन एन। तो इनके ना एब्रीविएशन याद रखने होते हैं ये ऐसे इस तरीके से कि एन यू। या मतलब ये जो फर्स्ट लेटर है ना इसका फर्स्ट अल्फाबेट ये पकड़ लो बस तो आप इस एलिमेंट का नाम भी लिख सकते हो और इसका सिंबल भी लिख सकते हो कैसे जैसे कि 104 से लड़ाई चालू हुई थी तो इसी का नाम लिखते हैं सबसे पहले इसके एटॉमिक नंबर में डिजिट आ रही है 104 तो 1 को क्या बोलेंगे अन जीरो को क्या बोलेंगे निल और फोर को क्या बोला जाएगा क्वाड तो इसको बोल दो अन इसको बोल दो निल और इसको बोल दो क्वाड इनको जोड़ दो और इनके आगे लगा दो एक सफिक्स इम इनके आगे लगा दो एक सफिक्स इम तो बेटा ये कंबाइन हो क्या बन जाएगा अन क्वाडियम क्या बन जाएगा अन क्वाडियम एकदम आसान है अन क्वाडियम ऐसे ही अगर मैं आपको यह कि बेटा 116 का नाम लिख के बताओ या 110 का नाम लिख के बताओ लिख दोगे क्या रुक जाओ पहले इसका सिंबल भी लिख के बताओ

एन क्यू ये इसका सिंबल कहलाएगा इस एलिमेंट को यू एन क्यू लिखकर बोला जाएगा आसान है है ना तो अब इन दोनों के नाम और इन दोनों के सिंबल लिख दो फटाफट से तो बेटा ये क्या हो जाएगा वन से अन फिर वापस से अन और फिर हेग्स और लास्ट में लगा दो ई एम और इसका सिंबल क्या हो जाएगा यू यू एच तो बेटा सिंबल से भी अब अपन एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं क्या जैसे मैंने देखा यू यू एच तो यू मतलब वन और अन और वो वन होता है और यू मतलब अन मतलब वन और हेक्स मतलब सिक्स मतलब एटॉमिक नंबर एक सौ सोलह आसान है अगर इसका नाम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा अन, अन और जीरो क्या बोलते हैं अपन निल तो अन, अन निलियम और सिंबल क्या हो जाएगा यू यू एन ये इसका सिंबल हो जाएगा तो मैं अगर आपको ऐसे लिख के दू बेटा यू एन एस बताओ ये कौन सा एटॉमिक नंबर है कौन सा एटॉमिक नंबर लिखा है मैंने यू एन एस बताओ कौन सा एटॉमिक नंबर है और बताओ इसका ग्रुप कौन सा है और पीरियड कौन सा है ग्रुप कौन सा है और बहुत बढ़िया एकदम जोरदार धमाकेदार मजेदार यू एन एस मतलब वन है ना अन हो गया नील और सेप्टियम वन जीरो सेवन और वन जीरो सेवन है तो ग्रुप नंबर क्या होगा लास्ट की दो डिजिट तो ग्रुप हो गया सेवन पीरियड हो गया कौन सा सौ से बड़े जितने हैं सारे के सारे कहाँ बिलोंग करेंगे पीरियड को बिलोंग करेंगे है ना आसान एकदम एकदम आसान है ना ये टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है लेकिन आपने एकदम आसानी से सॉल्व किया ना क्यों क्योंकि आपने उसको पढ़ाई इसी तरीके से है कि वो चीज आसान लगे है ना बस इसी तरीके से तो तैयार करना होता है सब्जेक्ट तुम लोग जबरदस्ती घबराते हो ये देखो ये सारे एटॉमिक नंबर्स हमें यहां पर दिए हुए हैं ये एनसीईआरटी का कटआउट उठा के लाया हूं मैं ये सारे एटॉमिक नंबर 101 से लेके 118 तक यहां पर दिए हुए हैं और एग्जामिनर ने पता है यहीं से क्वेश्चन डाल दिया था अब देखो ये क्वेश्चन जो अपन ने किए ये क्वेश्चन अपन ने किए कितने आसान क्वेश्चन थे इस पर भी एग्जामिनर ने टफ क्वेश्चन बना दिया कैसे देखो पहले तो ये आसान वाला क्वेश्चन करो ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है चलो फटाफट से इसका आंसर बताओ जल्दी से बताएंगे बेटा जल्दी से बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया 120 दिया है तो वन का हो गया अनू का होगा बाई थ्री और जीरो का होगा अन, तो अन, 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 अन बाई निलियम आंसर हो जाएगा डी आसान है एकदम कहा मुश्किल है ये है वो तगड़ा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये है वो तगड़ा क्वेश्चन जिसने ये प्रूव करके दिया था कि एग्जामिनर को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए एग्जामिनर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने दे रहा है इसलिए आप कर पा रहे हो है ना मतलब देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये एग्जामिनर यहां से हमें ये शो करता है कि बेटा मैं अगर चाहूं तो खुद तुमसे क्वेश्चन गलत करवा सकता हूं या तुमसे नहीं होने दूं ऐसे क्वेश्चन दे सकता हूं है ना देखो आपने को क्या दिया है आईयूपीएससी नेमिंग दी हुई है और आगे एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं पर ये नाम कॉमन वाले सिंबल दिए हुए हैं आईयूपीएससी वाले सिंबल नहीं दिए हुए तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पीरियोडिक टेबल पूरी याद होगी पीरियोडिक टेबल पूरी याद होगी तभी पता लगा पाओगे क्योंकि मैंडलीवियम कौन से एटॉमिक नंबर पे आता है कैसे पता लगाएंगे है ना तो ये पता लगाने के लिए सबसे पहले तो अपन यहां पर एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं तो अननिल अनियम मतलब 101 अननिल ट्रियम मतलब 103 अननिल हेक्जियम मतलब 106 और अन अन अनियम मतलब 111 ठीक है ऐसे कर सकते हैं तो बेटा 101 पे कौन सा एलिमेंट है अब मैं कैसे पता लगाऊं तो याद है 90 से 103 कौन है अरे 90 से 103 कौन है मेरे भाई एक्टिनाइड्स हैं क्या और 103 पे कौन था मेडोना लारा मेडोना लारा तो लारा है 103 और 103 पे अगर लारा है तो 102 और 101 पे कौन होगा ये पता लगा सकते हो क्या मेडोना ये रहे एलिमेंट्स मैंडलीवियम नोबेलियम लॉरेंशियम ये रहा 101 मतलब 101 सौ ये मैंडलीवियम करेक्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है अपने को क्या बताना है इनकरेक्ट बताना है इनमें से कौन सा मैच बेटा इनकरेक्ट होगा ठीक है लॉरेंशियम क्या है 103 देखो 103 के आगे लॉरेंशियम लिखा हुआ मतलब ये भी करेक्ट है ये दोनों करेक्ट है अनिल हेक्सियम 106 पे कौन होगा 106 भैया 104 अपन ने याद किया था याद है आर डी शर्मा बुक में है मैथ के डिजाइनर रंगीन कंफ्यूजन तो रदरफोर्डियम और डब्लियम और सी ये अपना 104 था ये जो 104 था कौन था रदरफोर्डियम 105 और 106 106 आ बेटा? कौन आ रहा है बेटा सी कौन आ रहा है सी बोर्गियम तो सी बोर्गियम लिया हुआ है एक सौ ये भी सही है मतलब आंसर ऑब्वियसली अनियम अन, अपने को डाउन स्ट्रेटियम दिया है बेटा ये 110 होता है अपने को 111 दिया है यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है डी वाला जो अच्छा अपने को ओ हो अच्छा ऐसे मैच करना था क्या तो डी का फोर जिसमें दिया हुआ है वो गलत है तो डी का फोर इसमें दिया हुआ है मतलब आंसर जाएगा बी देख रहे हो क्वेश्चन है क्वेश्चन है मात्र आई नेमिंग का लेकिन अगर आपको ये नहीं याद कितना ही जोर लगा लो कितना ही जोर लगा लो नहीं होगा सही ये क्वेश्चन क्यों पता ही नहीं लगेगा ना कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है इसलिए पूरी पीरियोडिक टेबल याद होना जरूरी है बात समझ में आई मेरे भाई तो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट ये था हमारा टेबल वाला पार्ट ये अभी 2022 में एक क्वेश्चन आया है बच्चों 2022 में एक क्वेश्चन आया है जिसमें हमसे आई नेमिंग पूछिए एक सौ उन्नीस की मुझे नहीं लगता टफ क्वेश्चन होगा यह एकदम आसान है हां बेटा अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं यह क्वेश्चन आप लोग कर लो है ना इसका अगला भी एक और क्वेश्चन है क्या नहीं यह क्वेश्चन आप कर लो वो तो रेडियस का क्वेश्चन है वो अब हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे कितना 10 मिनट का रख लें पक्का क्योंकि फिर वो अपन रात में लेट होंगे अगर अभी नहीं करेंगे तो है ना तो 10 मिनट का ब्रेक ले रहे 10 से 12 मिनट है ना तुम लोग जल्दी से सुजुपाटी करके आ जाओ फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे दस से बारह मिनट का एक ब्रेक लिया जा रहा है फटाफट से जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ मतलब पानी वानी पी लो चाय वाय पी लो थोड़ा बहुत खा पी लो कुछ ठीक है है ना चलिए मिलते हैं क्या ऑप्शन गलत दिया हुआ इसमें मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे जाता हूं फिर उसके बाद अपन ब्रेक स्टार्ट करते एक सौ उन्नीस हो जाएगा अन, अन एनियम अन अन एनियम दिया हुआ तो है सेकंड ऑप्शन होगा ना नालायकों अरे गधों सेकंड ऑप्शन होगा ना आंसर इतने आसान क्वेश्चन को भी गलत करोगे क्या ठीक है बेटा तो मिलते हैं दस मिनट के बाद बने रहना यहीं पे ही हिलना भी मत अपनी जगह से मतलब इस चैनल से अपनी जगह से तो हिल लो लेकिन दस मिनट के बाद वापस से आ रहे हैं और अब हम पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इसको बिल्कुल भी मिस मत करना अभी हो रहे हैं क्या टाइम हो रहा है अभी पौने आठ होने वाले हैं ठीक है बच्चों चलो हम आठ पचपन पे वापस मिल रहे हैं या चलो ठीक है दो तीन मिनट ऊपर नीचे कर लेंगे मैं टाइम देकर जा रहा हूं आपको आठ पचपन बोल रहा हूं मैं सात पचपन चलो जल्दी से भागो और फटाफट से वापस आओ सात पचपन पे वापस मिल रहे हैं हम ठीक है हाँ मोए मोए कर लो तब तक तुम लोग ठीक है बेटा चलो मिलते हैं थोड़ी देर में तब तक मैं बैटरीज भी चेंज कर लेता हूँ जल्दी वापस आना लेकिन हाँ हेलो 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 क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है और अगर मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है तो जल्दी से अंगूठा दिखाओ और कमेंट सेक्शन में आग लगाओ तो फिर हम फिर से आग लगाना शुरू करते हैं हेलो हेलो क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही है हाँ, जल्दी से हाँ और एक चीज और सभी लोग प्यारी सी स्माइल पास करेंगे काफी देर हो गई है है ना मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ना है चाहे किसी भी परिस्थिति में हम आ जाएं हमें मुस्कुराना नहीं छोड़ना है ये बात वेरी गुड बहुत अच्छे चलिए भाई आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक के साथ यह क्वेश्चन तो रेडियस का है अब आ गए बेटा हम हमारे अगले वाले पार्ट पे जल्दी से आ जाओ सभी लोग फटाफट से अब देरी नहीं करनी है अब हम और भी इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पर आ गए हैं पीरियोडिक टेबल में हां बिल्कुल ऐसे दांत दिखाते हुए वेरी गुड देखो एक अच्छा डॉक्टर सपोज आपके पास कोई अगर मरीज आएगा और आप उसको ऐसे सड़े हुए मुंह के साथ अटेंड करोगे हाँ भाई क्या हाल है क्या हो गया तेरे को कुछ नहीं सर सब बढ़िया है तो फिर आया ही को यहाँ पे अगर ऐसे बोलोगे तो मरीज बेचारा अगर ठीक भी होगा ज्यादा खराब नहीं होगी उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी आपका मूड देख के आप कोई भी मरीज आएगा उसको कैसे प्यार से ट्रीट करोगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ तो आधा तो वो आपकी मुस्कान को देख के ही ठीक हो जाएगा वाह यार क्या डॉक्टर साहब थे यार एकदम हंसमुख है ना तो एक बात याद रखना हमेशा जब भी किसी भी पेशेंट को आप रिसीव करो उसे अटेंड करो एक प्यारी सी स्माइल जरूर बना के रखना अपने फेस पे क्योंकि आपकी प्यारी सी स्माइल किसी का दिन बना सकती है।, है ना तो हंसना मुस्कुराना बिल्कुल नहीं छोड़ना है है ना वरना ऐसी शक्ल हो जाएगी इसलिए हंसते मुस्कुराते रहा करो चलिए आगे बढ़े हाँ कुछ बच्चे वापिस से आ गए हैं हमारी वॉचिंग बढ़ गई है अरे भैया वॉचिंग और बढ़ाओ फटाफट से ज्यादा से ज्यादा बच्चे आओ क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है यह मौका बार बार नहीं मिलता है सभी को यह सिर्फ पीडब्ल्यू के बच्चों को मिलता है और इसीलिए पीडब्ल्यू चाहता है यह हर बच्चे को मिले और इसीलिए पीडब्ल्यू फ्री में यूट्यूब पे ये वन शॉट रिवीजन जरूर लेकर आता है आपके लिए खैर आपकी डिमांड है आप जो डिमांड करोगे पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आता है सबसे अच्छी बात है पीडब्ल्यू की है। हाँ, हाँ मेरी जान बिल्कुल कुछ पुराने बच्चे भी जुड़े हुए हैं आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ फटाफट से चलो बच्चों शुरू करते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव बेटा ये जो टॉपिक है ना ये आपकी एनसीईआरटी में ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है मतलब ऐसे हेडिंग डाल के डायरेक्टली आपको नहीं बताया गया है कि स्क्रीनिंग क्या होती है और जेड इफेक्टिव क्या होता है लेकिन इसका जिक्र कई जगहों पर किया गया है जैसे कि हमारे पीरियडिक टेबल में हमारे पी ब्लॉक पी ब्लॉक में पी ब्लॉक में कई ग्रुप्स में इसका जिक्र है जेड इफेक्टिव का ठीक है तो देखो क्योंकि अपन वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं मैं आपको सीधे सीधे आसान आसान शब्दों में बता देता हूं जेड इफेक्टिव और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और जो मेरे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ चुके हैं जेड इफेक्टिव बोलते ही उनको एक चीज याद आ गई होगी मैं चाहता हूं कि वो लोग लिखे यहां पर कि जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है याद आ रहा है कुछ अरे दिमाग में घंटी बचती है जब भी जेड इफेक्टिव हम देखते हैं या लिखते हैं Z इफेक्टिव देखते ही एक चीज याद आती है और वो है एक्चुअल अट्रैक्शन पार ऑफ न्यूक्लियस Z इफेक्टिव का मतलब क्या होता है एक्चुअल अट्रैक्शन पार ऑफ न्यूक्लियस जल्दी आ जाओ फटाफट आ जाओ जल्दी 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 आओ अभी बताता हूं एक्चुअल अट्रैक्शन पावर का मतलब क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है ये सारी चीजें अभी दो मिनट में क्लियर हो जाएंगी टेंशन नहीं एकदम मक्खन सब कुछ और ये Z इफेक्ट बच्चों समझ में आ गया सारी प्रॉपर्टीज एकदम मक्खन तरीके से समझ में आ जाएंगी सारी प्रॉपर्टीज है ना चलो आ जाओ फटाफट से मतलब ये जो वाचिंग बड़ी है अभी इसको देखकर मुझे लग रहा है कि हाँ आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो अभी 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 हमने तीन घंटे का एक लेक्चर खत्म किया है जिसमें हमने सिर्फ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है कईयों को लगा होगा कि यार ये तो बहुत स्लो पढ़ाया सर ने नहीं बेटा वो पार्ट जितनी देर में पढ़ाना चाहिए था उतनी देर में ही पढ़ाया गया है आगे वाला पार्ट भी जितनी देर मांगेगा उतना टाइम उसको देंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता आज के बाद से आपका इस चैप्टर में कोई भी बैकलॉग हो कोई भी डाउट हो ये सारे आज के आज ही खत्म कर देंगे एक भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें जाना है कहा कहाँ कहा जाना है कहाँ जाना है अब की बार सात सौ पार नहीं रुकेंगे अब की बार सात सौ पार तो उसके लिए जेड इफेक्टिव समझते हैं आ जाओ तो बेटा जेड इफेक्टिव क्या होता है जेड इफेक्टिव जैसा कि हमें मालूम है जैसा कि हमें मालूम है एक एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ऐसे बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे कि सपोज ये ये हमारा कोई भी एक हम मान लेते हैं कोई भी एक, एक एटम है, है ना सेंटर में न्यूक्लियस है बेटा और बाहर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ठीक है तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा Obviously, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज क्यों है क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट है पॉजिटिव वाले है ना तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा ठीक है लेकिन कोई भी एक, एक एटम जो है उसमें ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा है ना तो अगर हम बाकी एटम्स की बात करें तो उसमें अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर या मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी इसको बोलते हैं बेटा अगर इस, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की बात करें तो हमें यह तो मालूम है कि यह न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में वो तो इसको रिपल्शन देंगे ना वो तो इसको रिपल्शन देंगे जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर एक और शेल बना दू मैं ऐसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ये एक और शेल बना दिया ठीक है एक और शेल बना अरे, अरे... एक और शेल बना दिया ये लो ठीक है ऐसे ये शेल्स प्रेजेंट है अब इनमें भी इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहां पर सीन थोड़ा अलग है अब हम एक्चुअल पिक्चर में आ गए हैं एक्चुअली में एक एटम ऐसा होता है जिसमें अगर आप इस इलेक्ट्रॉन पर जिसको हम बोलते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन या टारगेट इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं टेस्ट या टारगेट इलेक्ट्रॉन अगर इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की बात करो तो ये तो अभी भी इसको अट्रैक्ट ही कर रहा है लेकिन क्योंकि अब ये बाकी के अंदर वाले बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे क्या करेंगे बेटा रिपेल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्शन देगा ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्शन देगा ये भी इसको रिपल्शन देगा तो ये इसको उस तरफ धकेल रहे न्यूक्लियस इसको इस तरफ खींच रहा है है ना तो एक्चुअली में न्यूक्लियस कितना खींच रहा है उसे देखने के लिए हमें क्या चेक करना होगा एक तो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन दूसरा ये बाकी सभी जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका रिपल्शन तो मुझे एक्चुअली में अगर इस पर फोर्स का पता लगाना है कि एक्चुअली में न्यूक्लियस कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस पर एक्चुअली में ये कितना अट्रैक्शन फील कर रहा है इस न्यूक्लियस के द्वारा तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में से इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन क्या करना पड़ेगा सब्रैक्ट करना पड़ेगा तो जो एक्चुअल अट्रैक्शन होगा बेटा जो एक्चुअल अट्रैक्शन होगा इसको हम कैसे निकालेंगे इस इलेक्ट्रॉन पर एक्चुअल अट्रैक्शन कैसे निकालेंगे इस न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन माइनस इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन उस रिपल्शन को उस रिपल्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है अच्छा ये जो अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस ये किस वजह से कर रहा है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. है ना इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो यहां पर अट्रैक्शन है प्रोटॉन्स की वजह से और किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसे Z यानी कि एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो रिपल्शन दे रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को उस रिपल्शन को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है तो जब मैं इसका अट्रैक्शन माइनस इन इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन करूंगा तब मुझे पता चलेगा एक्चुअल अट्रैक्शन कितना है इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पर और इसी एक्चुअल अट्रैक्शन को बोला जाता है जेड इफेक्टिव क्या बोला जाता है बेटा जेड इफेक्टिव तो ये जो जेड इफेक्टिव है ना इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है यानी कि इफेक्टिवली न्यूक्लियस कितना उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये जेड क्या है ये न्यूक्लियर चार्ज है मतलब न्यूक्लियस पे जितना चार्ज होता है वो न्यूक्लियर चार्ज या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना और ये जो सिग्मा है ये सिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट है असली पिक्चर तो ये सिग्मा ही है ये सिग्मा था रिपल्शन इन इलेक्ट्रॉन्स का और इस रिपल्शन को रिपल्शन ना बोलकर साइंटिस्ट लोगों ने देखो कितना दिमाग से खेला है इसको रिपल्शन ना बोलकर क्या बोला है स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट क्या बोला बेटा स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट तो बेटा यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसको रिपेल कर रहे हैं एक्चुअली में ऐसा माना जा रहा है जैसे कि ये जो न्यूक्लियस है ना और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके इंटरेक्शन को इन बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स ने ब्रेक कर दिया है या कम कर दिया है कैसे इनके बीच में एक स्क्रीन बना ली मतलब घेर लिया न्यूक्लियस को चारों तरफ से जैसे अभी आपका और मेरा इंटरक्शन हो रहा है है ना तो अभी कैमरा और मेरे बीच में यानी कि आपके और मेरे बीच में कोई कोई स्क्रीन या कोई पर्दा वर्दा कुछ नहीं लगा हुआ है लेकिन अगर मैं एक पर्दा लगा दू यहां पर बीच में या इस कैमरा को ढक दू एक पर्दे से तो मैंने एक स्क्रीन लगा दी यहां पर वो स्क्रीन क्या कर देगी हमारा इंट्रैक्शन ब्रेक कर देगी ना तब आप मुझे ठीक से देख पाओगे क्या नहीं देख पाओगे तो इंट्रैक्शन हमारा कम हो गया तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर आप इसको कंसिडर कर सकते हो जैसे न्यूक्लियस और इसके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा था बढ़िया सा लेकिन ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया स्क्रीनिंग कर दी इनके बीच में इनके बीच में क्या कर दी स्क्रीनिंग इसीलिए इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाता है किसको सिग्मा को तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है एक मिनट वापस से ले रहे हैं अपन इसको है ना रुक जाओ बस ये लिख लो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है रिपल्शन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स और यह इनर इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिख रहे हैं अपन इनर इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिख रहे हैं यह इनर इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस एंड टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच वाले इलेक्ट्रॉन के बीच वाले इलेक्ट्रॉन हैं भाई अगर स्क्रीन बनानी है अगर आपका और मेरा इंटरक्शन ब्रेक करना है तो पर्दा कहां पर लगाएंगे कैमरा और मेरे मेरे बीच में लगाएंगे अगर मेरे पीछे पर्दा लगा देंगे तो क्या उससे आपका और मेरा ब्रेक होगा नहीं अगर कैमरा के पीछे पर्दा लगा दूं तो क्या उससे हमारा इंटरक्शन ब्रेक होगा नहीं पर्दा कहां लगाना पड़ेगा बीच में जैसे कि अभी मैंने यहां पर एक छोटा सा पर्दा लगा दिया तो क्या अब आप मेरी शक्ल देख पा रहे हो मैंने एक स्क्रीन लगा दी मेरे फेस और इस कैमरा के बीच में तो अब इस स्क्रीन ने क्या कर दिया इस स्क्रीन ने क्या कर दिया इंट्रैक्शन ब्रेक कर दिया है ना तो वहां पर ये स्क्रीनिंग कौन कर रहे इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं रिपल्शन की फॉर्म में ठीक है तो ये होती है स्क्रीनिंग और इसकी वजह से जो अट्रैक्शन कम हुआ और इफेक्टिवली जितना अट्रैक्शन हमें उस इलेक्ट्रॉन पे देखने को मिला उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो आप बेटा जेड इफेक्टिव को एक आसान भाषा में कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो टिव को आसान भाषा में कैसे याद रख सकते हो इट इज द एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस मतलब एक्चुअली में न्यूक्लियस कितना अट्रैक्ट कर रहा है उस बाहर वाले टेस्ट इलेक्ट्रॉन या टारगेट इलेक्ट्रॉन को ठीक है तो अब जब भी जेड इफेक्टिव सुनाई या दिखाई दे आपके दिमाग में तुरंत ये लाइन याद आनी चाहिए आपको तुरंत घंटी बजनी चाहिए जेड इफेक्टिव क्या होता है एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस और बेटा यहां पर इसकी कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है तो आपसे वैल्यू तो कभी भी नहीं पूछी जाएगी है ना वैल्यू कभी नहीं पूछी जाएगी इसलिए मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा भी नहीं मैं कैलकुलेट करना बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा जेड इफेक्टिव वो बस इंपॉर्टेंट बातें लिखवा दूंगा वो याद रख लेना ठीक है तो देखो एक बार फटाफट से वापस से हम क्या देख रहे थे एक एटम में इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया आउटर मोस्ट शेल में जिसको हम बोलते हैं टेस्ट या टारगेट इलेक्ट्रॉन हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को ये अंदर वाला ये जो न्यूक्लियस है ये कितना अट्रैक्ट कर रहा है तो एक्चुअली में इस पर अट्रैक्शन निकालने के लिए हम इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में से ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है ये जो रिपल्शन दे रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को उसको माइनस कर देते हैं वो करने के बाद जो अपने को एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है उसे हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ये कैसे निकाला जाता है न्यूक्लियर चार्ज में से इस इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग है उसे माइनस करके ठीक है उसे माइनस करके तो बेटा ये आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए आपसे वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं करवाई जाएगी है ना अब मुझे एक आसान सी बात बताओ एक एकदम आसान सी बात बताओ अगर मैं बात करूं जेड इफेक्टिव तो का फॉर्मूला क्या होता है, Z Z sigma. Sigma क्या है? क्या है? तो जेड इफेक्टिव तो क्या हो जाएगा बेटा जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा अगर सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा डिक्रीज होगा घटेगा वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया और अगर मैं Z का वैल्यू बढ़ाऊं यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ाऊं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ा दूं लेट सपोज मैंने प्रोटॉन्स बढ़ा दिए तो फिर क्या होगा अगर Z का वैल्यू बढ़ेगा

फेक्टिव बढ़ेगा एकदम आसान एकदम आसान तो बेटा इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं इनको जरूर याद रखना इनको जरूर याद रखना इन अ पीरियड इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव ऑलवेज इंक्रीजेज एक पीरियड में कोई सा भी पीरियड हो लेफ्ट टू राइट जाओगे जेड इफेक्टिव हमेशा इंक्रीज करेगा ही करेगा क्या बोला मैंने इन अ पीरियड इफेक्टिव ऑलवेज इंक्रीजेज और जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है इफेक्टिव का मतलब होता है एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर क्या होगी अरे एग्जाम्पल भी करवाऊंगा टेंशन मतलब यार तुम लोग मैंने कहा ना टेंशन नॉट एकदम मक्खन कर देंगे इसको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ ही बताएंगे बेटा टेंशन मतलब पहले समझो तो सही एग्जाम्पल तो बाद में लेंगे ना रुको ठीक है Z इफेक्टिव ऑलवेज बढ़ेगा यानी कि अगर आपसे पूछा जाए लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन को भी ले लो तो भी अगर अपन Z इफेक्टिव की बात करें तो Z इफेक्टिव क्या होगा ऑलवेज लेफ्ट टू राइट ऑलवेज Z इफेक्टिव इंक्रीज ही करेगा Z इफेक्टिव ऑलवेज इंक्रीज करता है बेटा ठीक है ऐसे अगर अपन ग्रुप में बात करें ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ले रहे हैं, इन अ ग्रुप जेड इफेक्टिव में इंक्रीज और डिक्रीज एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट अब ये जो स्टेटमेंट है ना ये मैंने आपको क्यूमुलेटिव स्टेटमेंट लिखाया है आपको क्या पढ़ने को मिलेगा कि डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्टिव कॉन्स्टेंट रहता है लेकिन एक्चुअली में बेटा ये सिर्फ एस ब्लॉक में हमें देखने को मिलता है और पी ब्लॉक में कुछ ग्रुप में ऐसा देखने को मिलता है डाउन द ग्रुप जाने पर Z इफेक्टिव कॉन्स्टेंट मिलता है S ब्लॉक में D ब्लॉक में इंक्रीजिंग मिलता है P ब्लॉक में इंक्रीजिंग भी मिल सकता है भी 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 मिल सकता है, constant भी मिल सकता सकता है, है, है ना? तो ये तो ये तो ये ये भूल जाओ, आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि बताओ किस्टेंट होता है या नहीं क्योंकि कई बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी देखने को मिलता है पर ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है ये ऑलवेज वाला स्टेटमेंट है बेटा इनऑर्गेनिक में याद रखना ऑलवेज वाले स्टेटमेंट बहुत कमी देखने को मिलेंगे ये इनऑर्गेनिक है, है ना एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा जो बफरिंग के लिए बोल रहे हैं ना आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लो मैं भी यहां पर बोल देता हूं एक बार रिफ्रेश करने के लिए फिर नहीं होगा लैग ठीक है चलो आगे बढ़ रहे हैं ठीक है तो अभी एक इंपॉर्टेंट बात स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग यह याद रखनी है स्क्रीनिंग स्टेंट या स्क्रीनिंग लिख लेते हैं सीधे स्क्रीनिंग ऑफ ये ऑर्डर याद है क्या सभी को अलग अलग का बेटा साइज और शेप अलग अलग होता है जैसे एस सब्शेल है तो ये स्फेरिकल होता है पी सबसेल ऐसा डंबल शेप का होता है डी डबल डंबल होता है और एफ कॉम्प्लेक्स शेप का होता है मतलब उसमें ऐसे छह छे, -छे लोब्स पाए जाते हैं जैसे इसमें चार नजर आ रहे हैं ना उसमें छह होते हैं तो उसका शेप बनाना टू में पॉसिबल नहीं होता इसलिए हम क्या बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स होता है तो जैसे जैसे अपन एस पी डी एफ सबसे बात कर रहे हैं तो इनका शेप और साइज चेंज होता जाता है और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स होती जाती है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग का ऑर्डर भी अलग अलग होता है इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्क्रीनिंग का ऑर्डर भी अलग अलग होता है तो क्या ऑर्डर लिखा था याद करो एस पी डी एफ की स्क्रीनिंग का ऑर्डर क्या था सबसे ज्यादा अच्छी स्क्रीनिंग कौन करता है एस फिर कौन करता है पी फिर कौन करता है डी एंड देन एफ ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है एस की सबसे अच्छी स्क्रीनिंग होती है बेटा एस की जो स्क्रीनिंग है ये बहुत अच्छी होती है मतलब इनके लिए सिग्मा का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है अच्छा स्क्रीनिंग देते हैं ये वेरी गुड स्क्रीनिंग ठीक है पी वाले जो हैं इनकी भी स्क्रीनिंग अच्छी होती है हम ऐसा बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो है, की वो पुअर हो जाती है तो डी के इलेक्ट्रॉन्स की जो स्क्रीनिंग होती है बेटा वो पुअर होती है और एफ के इलेक्ट्रॉन्स की बेटा स्क्रीनिंग होती है वेरी पुअर ये जरूर याद रखना अभी आगे काम आएगा अपने है ना ये अभी अपने आगे काम आएगा वेरी पुअर सिग्मा एफ की स्क्रीनिंग सबसे पुअर एस की स्क्रीनिंग सबसे अच्छी ठीक है आगे बढ़े तो ये स्क्रीनिंग और जेड इफेक्टिव के रिगार्डिंग कुछ जरूरी पॉइंट्स है जो आपको याद रखने बाकी कुछ जरूरी पॉइंट्स में आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा अभी अभी मैंने आपको बताया क्या कि अगर सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा और अगर जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा फॉर एक्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि मैंने आपको बोला कि सपोज नाइट्रोजन एन माइनस एन टू माइनस एन थ्री माइनस इनमें आपको z इफेक्टिव का ऑर्डर पूछा है क्या ऑर्डर आ जाएगा और ऐसे ही आपको पूछा गया है एम जी में एम जी प्लस में और एम जी प्लस टू में चलो z इफेक्टिव का ऑर्डर बताएंगे बेटा इनमें आपसे पूछा है कि बताओ इनमें z इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा कैसे बताएंगे कैसे बताएंगे अरे बहुत आसान है क्या बहुत आसान है याद करो अभी अभी अपन ने देखा था क्या अगर सिग्मा बढ़ेगा तो सिग्मा कब बढ़ेगा सिग्मा का मतलब क्या है स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन तो यहां पर देखो एक एक करके मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता जा रहा हूं नाइट्रोजन में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उनके बीच में रिपल्शन भी बढ़ेगा क्या और उनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा दैट सिग्मा बढ़ रहा है सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा तो इसका ऑर्डर ऐसा आ जाएगा क्या जैसे जैसे सिग्मा बढ़ेगा सेड इफेक्टिव कम होता जाएगा

z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इसको मैं बेटा सीधे सीधे आसान भाषा में ऐसे बोल सकता हूं क्या कि z इफेक्टिव जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा z इफेक्टिव बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो z इफेक्टिव बढ़ेगा और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो z इफेक्टिव कम होगा तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज समझ में आया क्या समझ में आया क्या भैया आसान चीज है एकदम अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा आसान है ना एकदम है ना <laughs> ये चीज याद रखना बेटा ये बहुत काम आएगी अभी आगे ये बहुत काम आएगी अभी तुम खुद से जवाब दोगे खुद से हाँ ऑर्डर्स तुम खुद बताओगे है ना बस समझते चलो इन चीजों को ऐसे अपन ने बेटा एक और टर्म देखी थी अभी थोड़ी देर पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज।, तो स्पीशीज क्या होती है बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है जिन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सेम हो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक के स्पीशीज के केस में भी बेटा जेड इफेक्टिव ऐसे ही बताना होता है जैसे कि सपोज आपको ऐसे बोला गया F- O2- N3- इनमें Z इफेक्टिव का ऑर्डर बताओ इनमें Z इफेक्टिव का ऑर्डर बताओ सिमिलरली आप Na+ Mg+2 एल प्लस थ्री इनमें जेड इफेक्टिव का ऑर्डर बताओ चलिए जल्दी से बताएंगे बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, में भी सेम ऑर्डर आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी सेम ऑर्डर क्या Z इफेक्टिव पता लगाना है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज खत्म खेल ही खत्म देख लो आपने यहां पर देखा फ्लोरीन, फ्लोरीन पे एक चार्ज है वैसे इसके पास नौ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक आया तो दस हो गए ऑक्सीजन आठ होते हैं दो आए दस नाइट्रोजन सात होते हैं तीन आए दस तीनों में दस दस इलेक्ट्रॉन है मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जेड इफेक्टिव पता लगाने का एकदम आसान सा तरीका जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना कम जेड इफेक्टिव तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव कम होगा ग्यारह होते हैं एक पॉजिटिव चार्ज आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया तो ग्यारह होते हैं एक गया तो दस बचे बारह होते हैं दो गए तो दस बचे तेरा होते हैं तीन गए तो दस बचे ये तीनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में भी सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव एकदम आसान क्या इसमें कोई मुश्किल कोई परेशानी कोई दुख दर्द पीड़ा ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ है ना एकदम आसान है है ना तो इस तरीके से बेटा जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग के रिलेशन आपको याद रखने हैं स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग कब बढ़ेगी जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे स्क्रीनिंग कब बढ़ेगी जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे है ना और जब स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा और जब स्क्रीनिंग कम होगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा बस एकदम आसान सा रिलेशन है, है ना आसान है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एनसीआर क्या बोलती है स्क्रीनिंग और के बारे में जैसा कि मैंने तुमको प्रॉमिस किया था कि एनसीआर भी कवर करते हुए चलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था जेड इफेक्टिव तो एक्चुअल चार्ज में से जब सिग्मा माइनस करते हैं तब जेड इफेक्टिव आता है तो जेड इफेक्टिव कम होता है हमेशा Z से यह बात हमें ऐसे बोली जा रही है कि Z इफेक्टिव हमेशा कम होता है Z से ऑब्वियसली कम होगा भी है ना इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इंटरवीनिंग कोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल द 2s इलेक्ट्रॉन इन लिथियम इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ये ऐसा बोल रहा है कि अगर लिथियम है हमारे पास लिथियम के एटम में कितने शेल्स होते हैं बेटा दो शेल होते हैं एक में 1s जिसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और एक बाहर 2s वाला जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ये लिथियम एटम है ऐसा बोला जा रहा है कि लिथियम का जो 2s का इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये वाला जिसको हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको शील्डिंग कौन दे रहे वनस के इलेक्ट्रॉन यानी कि फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो ये इसको रिपेल कर रहे हैं उधर न्यूक्लियस इसको खींच रहा है अपनी तरफ तो एक्चुअली में कितना खींच रहा है इसका अट्रैक्शन माइनस इनका रिपल्शन दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव ठीक है एज अ रिजल्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ नेट पॉजिटिव चार्ज विच इज लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन लिथियम पे एक्चुअल चार्ज कितना है प्लस थ्री क्योंकि लिथियम में तीन प्रोटोन होते हैं है ना तो जब आप z इफेक्टिव की वैल्यू निकालोगे तो लिथियम के लिए बेटा वो वैल्यू हमेशा कम हमें देखने को मिलती है 3 से और वैसे अगर निकालोगे तो ये वैल्यू आपको मिलती है 1.3 कैलकुलेट करना हमारे सिलेबस में नहीं है पर कभी अगर कोई पूछे तो हम ऐसा बोल सकते हैं रुको यार मैं लैग का कुछ जुगाड़ करवाता हूं बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं लैग का लैग का कुछ करवाते हैं रुको नहीं काफी बच्चों का मैसेज आ रहा है लैग को लेकर तो एक बार देख लेते हैं बच्चे लैग का बोल रहे हैं लैग आ रहा है एक बार चेक कर लो क्योंकि अभी एकदम से काफी बच्चों का मैसेज आया लैग का एक बार चेक कर लेना अभी क्लियर है क्या अभी तो क्लियर है अभी तो क्लियर है ठीक है अरे तुमको लैग लगे तो एक बार रिफ्रेश मार लेना तुम लोग है ना यहां से तो सब कुछ ठीक ही है ठीक है चलो तो ये हो गया शील्डिंग इज इफेक्टिव वेन द ऑर्बिटल इन द इनर सेल आर कंप्लीटली फिल्ड यह ऐसा बोल रहा है कि जब ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तब स्क्रीनिंग इफेक्टिव होती है ऑब्वियस ही बात है जब ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा है मतलब सिग्मा का वैल्यू ज्यादा है सिग्मा ज्यादा तो जेड अपनी स्क्रीनिंग भी ज्यादा दिस सिचुएशन अकर्स इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स विच हैव सिंगल आउटर मोस्ट एन एस इलेक्ट्रॉन जैसे कि अल्कली मेटल हैं इनके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है अंदर वाले जो शेल्स हैं उनमें सब सबसेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, इसलिए वो ज्यादा स्क्रीनिंग देते हैं

इसलिए इनका स्क्रीनिंग ज्यादा होता है ठीक है ऐसा एनसीआरटी हमें लिखकर देती है नेक्स्ट हमारे अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो Z इफेक्टिव मतलब समझ में आया ना Z इफेक्टिव का सिंपल सा मतलब है बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या Z इफेक्टिव जब भी लिखा हुआ दिखाई दे आपको क्या याद आ जाएगा इट इज द एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस ठीक है जेड इफेक्टिव सुनते क्या याद आएगा जेड इफेक्टिव सुनते क्या याद आएगा जल्दी से बोलो एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस ठीक है एक्चुअल पावर ऑफ न्यूक्लियस चलो आगे बढ़ रहे हैं। एटॉमिक रेडियस बेटा एटॉमिक रेडियस होता क्या है पहले ये बताता हूं फिर उसके बाद इसको कैसे पढ़ेंगे अटोमिक रेडियस क्या है अटोमिक रेडियस सिंपली एक एटम का जो रेडियस होता है वो एटॉमिक रेडियस होता है बस इतना ही है एटॉमिक रेडियस क्या है एक एटम का जो रेडियस होता है वो एटॉमिक रेडियस होता है मतलब अरे एटम का रेडियस एटम कैसा होता है अपना स्फेरिकल शेप का होता है ना एटम का रेडियस मतलब सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है कितनी आसान सी डेफिनेशन है एक एटम का जो रेडियस होगा वो एटॉमिक रेडियस कहलाएगा <laughs> है ना बेटा सुनो मेरी बात एक एटम का रेडियस ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि न्यूक्लियस के सेंटर से उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जाता है लेकिन यह काम थोड़ा सा मुश्किल होता है इतना आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है पीकोमीटर एंगस्ट्रॉम में एटम का साइज कैलकुलेट होता है टेन टू दावर माइनस टेन और माइनस ट्वेल्व में तो उतनी आसानी से यह कैलकुलेट नहीं किया जा सकता तो फिर क्या किया जाता है तो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है एटम का रेडियस एक्चुअली में एक सिंगल एटम का रेडियस कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि आइसोलेटेड एटम स्टेबल नहीं होता एक सिंगल एटम कभी भी स्टेबल नहीं होता ये हमेशा टेंडेंसी रखता है क्या करने की बॉन्ड बनाने की अभी जब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे वहां पर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एटम बॉन्ड बनाता क्यों है तो बेटा एक सिंगल एटम स्टेबल नहीं होता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है तो इसलिए ये जब बॉन्डेड स्टेट में होता है तभी इसका रेडियस कैलकुलेट कर लिया जाता है और उसी बेसिस पे हमने अलग अलग टाइप की रेडियस डिफाइन कर रखी है हमने अलग अलग टाइप की रेडियस डिफाइन कर रखी है ठीक है अरे यार आधे लोग बोल रहे हैं तुम में से लैग हो रहा है आधे बोल रहे नहीं हो रहा है एक फाइनल जवाब दो लैग हो रहा है या नहीं ताकि फिर अपन ठीक से काम कर पाए अभी लैग नहीं है ना पक्का ठीक है चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं अब कोई भी फालतू के मैसेज नहीं करेगा प्लीज़ क्योंकि देखो अपनी क्लास बहुत बढ़िया चल रही है इसको डिस्टर्ब ना करें प्लीज़ है ना इसको चलने दें मैं चाहता हूं जो पढ़ रहे हैं अच्छे से उनका ये टॉपिक आज के आज में एकदम अच्छे से तैयार हो जाए ठीक है तो बेटा एटॉमिक रेडियस क्या है ये समझ में आया अब एटॉमिक रेडियस के टाइप्स की अगर अपन बात करें तो वो टाइप्स हमने कैसे डिफाइन कि कि जब ये atom अपने को बॉन्डेड स्टेट में मिलता है जैसे कि अगर ये कोवलेंड बॉन्ड बनाता है तो कोवलेंड रेडियस अगर ये आइनिक बॉन्ड बनाता है तो आइनिक रेडियस अगर ये मेटालिक बॉन्ड बनाता है तो मेटालिक रेडियस और अगर ये इनमें से कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता एक वीक बॉन्ड बनाता है जिसको बोलते हैं वेंडरवॉल बॉन्ड तो उस केस में वेंडरवॉल रेडियस तो बेटा एटॉमिक रेडियस मेनली तीन टाइप की होती है कोवेलेंट रेडियस दूसरी मेटालिक रेडियस और तीसरी वेंडरवाल रेडियस कोवलेंट रेडियस मेटालिक रेडियस और वेंडरवाल रेडियस ठीक है ये मेनली डिफाइन होती है इट इज डिफाइंड फॉर भाई एटम कोवेल बॉन्ड कब बनाएगा कोवेल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी किन की होती है नॉन मेटल्स की होती है तो जब नॉन मेटल्स की रेडियस हम डिफाइन करते हैं तब हम कोवलेंट रेडियस डिफाइन करते हैं लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए ये मेटल्स के लिए भी डिफाइंड होती है क्योंकि मेटल भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं ठीक है तो कोवेलेंट रेडियस बेटा किस किस के लिए डिफाइंड है नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों के लिए लेकिन मेटालिक रेडियस ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए डिफाइंड होती है क्योंकि मेटालिक बॉन्ड सिर्फ मेटल्स बनाते हैं ठीक है और अगर हम बात करें वेंडरवर्ल्ड रेडियस की तो इस वेंडरवर्ल्ड रेडियस को नोबल गैस रेडियस या इनर्ट गैस रेडियस भी बोलते हैं और मेटालिक रेडियस को इसी तरीके से क्रिस्टलाइन रेडियस भी बोलते हैं ये नोबल गैस या इनर्ट गैस रेडियस क्यों बोली जाती है क्योंकि इसको डिफाइन किया गया था सिर्फ किन के लिए नोबल गैसेस के लिए क्योंकि नोबल गैसेस के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है नोबल गैसेस के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा नोबल गैसेस के बीच में प्रेजेंट होता है डरवाल बॉन्ड तो ये डिफाइन की गई थी किसके लिए डिफाइंड फॉर नोबल गैसेस और नॉन मेटल्स के लिए भी डिफाइंड होती है ये एंड नॉन मेटल्स ये नॉन मेटल्स के लिए भी डिफाइंड होती है ठीक है कैसे कैलकुलेट किया जाता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है सिंपल है इसे कैलकुलेट किया जाता है कुछ इस तरीके से अगर दो एटम हैं कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उनको है ना कि भाई ये ओवरलैप कर तो करते हैं, इंटर डिस्टेंस ले लेते हैं बच्चों। दो एटम्स है। इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं और इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम इससे डी से, से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम बोलते बेटा लेंथ क्या बोलते हैं लेंथ मतलब दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोला जाता है बॉन्ड लेंथ क्या बोला जाता है बॉन्ड लेंथ तो ये बॉन्ड लेंथ है तो हमने क्या किया बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर लिया और उसका हाफ कर दिया तो ये जो अपने को डेटा यहां पर मिलेगा इतना ये जो डिस्टेंस मिलाएगा ये कहलाएगा कोवेलेंट रेडियस क्या कहलाएगा बेटा कोवेलेंट रेडियस ऐसे मेटालिक रेडियस कहां देखने को मिलेगी अपने को मेटालिक क्रिस्टल में इसलिए इसको क्रिस्टल रेडियस या क्रिस्टलाइन रेडियस भी बोला जाता है तो ऐसे केस में जब दो मेटल एटम्स में कंबाइन होंगे जब दो मेटल एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो मेटालिक बॉन्ड में जब मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तब वो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड की तरह कंप्लीट ओवरलैप नहीं करते ऑलमोस्ट टच होते हैं एक दूसरे से ऑलमोस्ट ठीक है ऑलमोस्ट तो इस केस में भी यही किया जाता है बेटा इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय टू कर दिया जाता है यानी कि इनकी बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दिया जाता है तो ये जो हमें रेडियस मिलता है ये कहलाता है मेटालिक रेडियस और सिमिलरली वेंडरवर्ल्ड रेडियस कैलकुलेट किया जाता है बच्चों वेंडरवर्ड रेडियस में क्या किया जाता है वेंडरवर्ल्ड रेडियस में जो नोबल गैस के एटम्स है ना नोबल गैस के एटम्स ये मैक्सिमम इतना ही पास आते हैं एक दूसरे के इनके बीच इतना ही अट्रैक्शन होता है कि इतना ही पास आ पाते इससे ज्यादा पास नहीं आते तो जब ये इतना ही पास आ पाते हैं जब ये इतना ही पास आ पाते हैं तो इसी केस में इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लिया जाता है इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लिया जाता है और उसका हाफ किया जाता है जिसे बोला जाता है क्या वेंडरबॉल रेडियस तो एटॉमिक रेडियस तीन टाइप की होती है कोवेलेंट रेडियस मेटालिक रेडियस और वेंडरबॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस मेनली नॉन मेटल्स के लिए डिफाइंड थी बट मेटल्स के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं ठीक है फिर से लैग तो बेटा ये लैग यहां से तो नहीं है देखो है ना ये लैग यहां से तो नहीं है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी डिवाइस अपना इंटरनेट कनेक्शन वापस से सुचारू तो रूप से लेकर आओ हो सकता है तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया हो है ना यहां से तो सब कुछ ठीक है तो कोवेलेंट रेडियस मेनली नॉन मेटल्स और मेटल्स के लिए डिफाइन की जाती है कैसे कैलकुलेट करते हैं जब दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर

इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दो तो रेडियस कैसे निकाली आपने डी बाय टू करके तो 198 बाई टू कर देना कितनी आ जाएगी 99 ऐसे मेटालिक रेडियस में सपोज आपको कोई भी एक मेटल दे दिया और बोला कि ये जो मेटल की बॉन्ड लेंथ है वो 234 है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपको इतना दे दिया सपोज ये जो डी है ये इतना दे दिया आपको 234 तो एक मेटल का रेडियस कैसे निकाल लोगे 234 बाय 2 कर दो एकदम आसान कितना आ जाएगा 117 117 पीकोमीटर आ जाएगा और ऐसे अगर वेंडर वॉल रेडियस आपको निकालनी है तो इसको बोला जाता है वेंडर वॉल डिस्टेंस इसको क्या बोला जाता है वेंडर वॉल डिस्टेंस इस वेंडर वॉल डिस्टेंस का हाफ कर दो तो आ जाएगी आपके पास वेंडर वॉल रेडियस तो ये तीन टाइप की ये तीन टाइप की रेडियस हमने देखी है ना एक चौथे टाइप की रेडियस और होती है बेटा उस पे आने से पहले अपन इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है वो देखना चाह रहे हैं जैसे कि आपने देखा एक कोवलेंट रेडियस के, के केस में एटम्स ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे पर तो इनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ रहा था वो कुछ इस तरीके का आ रहा था ठीक है मेटालिक रेडियस के केस में मेटालिक रेडियस के केस में जो मेटल एटम्स बॉन्ड बना रहे थे वो कुछ इस तरीके से थे है ना मतलब ओवरलैप नहीं कर रहे थे ऑलमोस्ट टच हो रहे थे एक दूसरे से वेंडरवॉल के केस में हमने देखा कि एटम्स टच भी नहीं हो रहे इवन एक दूसरे से दूर दूर है मतलब इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतना है तो यहां जब आप रेडियस निकालोगे तो कैसे निकालोगे इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय टू करके तो ये आ जाएगी आपकी क्या कोवेलेंट रेडियस इधर रेडियस कैसे निकालोगे इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय टू करके ये आपकी मेटालिक रेडियस आ जाएगी और इधर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे निकालोगे इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय टू करके तो इधर आएगी आपके पास वेंडरवॉल रेडियस इधर आएगी मेटालिक इधर आएगी कोवलेंट तो मुझे यह बताओ कि सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होने वाली है सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होगी बेटा सबसे बड़ी रेडियस हो जाएगी वेंडरवॉल कौन सी हो जाएगी वेंडरवॉल तो क्या ऐसे लिख दू क्या रेडियस शॉर्ट में लिख दू समझ जाओगे ना ऐसे आर वेंडरवॉल। है ना ये सबसे बड़ी होगी फिर मेटालिक रेडियस इसको अपन ने ऐसे लिख दिया और फिर कोवेलेंट रेडियस इसको हमने ऐसे लिख दिया आर सी करके ठीक है तो सबसे बड़ी रेडियस रहेगी वेंडरवॉल रेडियस इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि किसी भी पीरियड में जो सबसे बड़ा साइज होता है वो किसका होता है वो किसका होता है नोबल गैसिस क्योंकि उनके लिए होता है. ठीक है? याद रहेगा आगे बढ़ रहे नेक्स्ट एनसीआरटी कॉर्नर एनसीआरटी कॉर्नर एनसीआरटी की लाइन आ गई भैया सभी लोग ध्यान देंगे सभी लोग देखो

एक्चुअली में तो ये मेटालिक रेडियस है लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं एटॉमिक रेडियस क्या बोलते हैं बेटा रेडियस डिनर कर लो आज जब तक पीरियोडिक टेबल खत्म नहीं होगा तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं खाना आप तभी खाएंगे जब पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा और आप भी मेरे साथ बने रहो आप भी तभी खाना जब कंप्लीट कर लेंगे साथ में खाएंगे आज खाना ठीक है साथ में खाएंगे चलो वेदर द the... अरे भैया मेरे चक्कर में भूखे मत रहना तुम्हें भूख लग रही है खा लो है ना गरम गरम खाना खा लो पर वो क्या खाने के बाद ना नींद आएगी इसलिए रुक जाओ थोड़ा सा इसको खत्म करके और फिर ही खाएंगे है ना आ... टू रिफर बोथ कोवलेंट और मेटालिक रेडियस डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट इज नॉन मेटल और मेटल अगर नॉन मेटल है तो उसके लिए कोवलेंट रेडियस डिफाइन होती है उसको अपन अटोमिक रेडियस बोल देते हैं और अगर मेटल है तो उसके लिए मेटालिक रेडियस डिफाइन होती है उसको भी अपन अटामिक रेडियस बोल देते हैं और फिर क्या अटोमिक रेडियस कैन भी मेजर्ड बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मैथड मतलब ये जो एक्सपेरिमेंटली अपन कैलकुलेट करते हैं ना ये एक्सरे डिफ्रेक्शन मैथड से करते हैं उसमें एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड से हम दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं एक्सपेरिमेंटली और उसको हाफ करके हम रेडियस निकाल लेते हैं ठीक है तो बेटा ये लाइन याद रखना स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ठीक है एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। बात कर रहे हैं आयनिक रेडियस की आयनिक रेडियस बोले तो आयंस का रेडियस जो आयन का रेडियस होगा उसको आयनिक रेडियस बोलेंगे कितना आसान है देखो, है <laughs> देखो के, के तो हमारे पास कैटायनिक रेडियस कौन कौन सी बेटा कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस ये दो टाइप की रेडियस होती है हमारे पास आयनिक रेडियस कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की कैटायनिक और जैसे कि जैसे कि आ, आपको ऐसे दिया ए एल प्लस ए एल प्लस टू ए एल प्लस थ्री एल्यूमिनियम पे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री चार्ज है ये एक कैटायन है ये एक है, ये तीनों एल्यूमिनियम के ही कैटायन है पर इनपे चार्जेस अलग अलग हैं, है ना तो इनके लिए जो रेडियस निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे कैटायनिक रेडियस बेटा क्या बोलेंगे कैटायनिक रेडियस और इनके लिए जो एनायंस है इनके लिए जो रेडियस निकल के आएगा उसे हम क्या बोलेंगे एनाइनिक रेडियस क्या बोलेंगे एनाइनिक रेडियस है ना क्या बोलेंगे एनाइनिक रेडियस तो कैटाइनिक रेडियस और एनाइनिक रेडियस के रे लिए बेटा एक आसान सी बात याद रखना देखो क्या हो रहा है यहां पर यहां पर क्या हो रहा है एल्यूमिनियम से आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो एल्यूमिनियम में से आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव का क्या होगा कोई बता सकता है क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा अरे बोलिए भैया जेड इफेक्टिव क्या होगा जेड इफेक्टिव बोलो ना भैया हाँ अरे बहुत बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया Z इफेक्टिव बढ़ेगा जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा Z इफेक्टिव बढ़ेगा और Z इफेक्टिव का मतलब क्या बताया था एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं क्या जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा आया समझ में आया समझ में मजा आया पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा साइज कम हो जाएगा तो इनमें साइज का ऑर्डर बनाना है तो ऐसे बना देंगे क्या सिंपली और इसका ठीक उल्टा इधर नेगेटिव वाले पे लगा दो तो, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा इसको लिख देता हूं मैं यहां पर अगर पॉजिटिव बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा Z इफेक्टिव का मतलब एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को पास में खींच लेगा उससे एटम का साइज छोटा हो, हो जाएगा छोटा हो जाएगा ठीक है और ऐसे ही बेटा अगर हम बात करें एनाइनिक रेडियस की तो एनाइनिक रेडियस में क्या हो रहा है देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर सिग्मा बढ़ेगा सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज बढ़ेगा तो इधर साइज का ऑर्डर क्या ऐसे लगा सकते हैं अपन ऐसे लगा सकते हैं एकदम आसान है यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या बेटा देखो आइनिक रेडियस के केस में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ध्यान दो इधर कि साइज जो है साइज जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है आयंस पे तो उनका साइज क्या हो जाता है कम हो जाता है और नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ जाता है यानी कि साइज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बोल सकते हैं आसान है एकदम तो अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन अपने से पूछा गया ऑर्डर ऑफ साइज अगर यह क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ आई आई प्लस और आई माइनस इनकी साइज का ऑर्डर बताओ क्या हो जाएगा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपको ऐसे दिया गया एन थ्री माइनस ओ टू माइनस एफ माइनस आपको ऐसे दिया गया कैसे एन ए प्लस एम जी प्लस टू और एल प्लस थ्री फटाफट से साइज का ऑर्डर बना दो एकदम आसान है बच्चों एकदम आसान फटाफट से ऑर्डर बना दो सबसे पहले बहुत सही जवाब बिल्कुल सही जवाब आया तुम लोगों का इसमें देखें अगर तो पॉजिटिव चार्ज आता है तो साइज कम हो जाता है नेगेटिव चार्ज आता है तो साइज बढ़ जाता है और एक ही एटम के डिफरेंट आय हैं यानी कि आयनिक रेडियस को कंपेयर कर रहे हैं अपन आयनिक रेडियस के केस में हमने क्या देखा था आयनिक रेडियस के केस में सिंपली जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज सिंपल तो यहां पर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये छोटा और इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये बड़ा तो इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा न्यूट्रल एटम यानि कि क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि न्यूट्रल एटम और उसके एनायन में से एनायन का साइज बड़ा होगा और कैटायन का साइज उन दोनों से छोटा होगा ये इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेंगे ये वाला रिलेशन याद रख लो अब ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑर्डर आते जाएंगे खटाखट खड़। और अगर तुमने अभी तक ढंग से समझा है तो खटाखट खत्म भी हो जाएंगे अब देखो ये दोनों और ये दोनों देखो ध्यान से ध्यान से देखो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर गिवन है तो उसके लिए क्या करो जैसे जेड इफेक्टिव में किया था जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना कम जेड इफेक्टिव जितना कम जेड इफेक्टिव उतना बड़ा साइज मतलब आप जेड इफेक्टिव को भी कंपेयर कर सकते हो बेटा यहां पर ये यह जो आपने लिखा है ना आप इसी को अगर जेड इफेक्टिव से कंपेयर करो साइज को वैसे तो अपन आगे फैक्टर में भी लिखेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं ना अपन जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या है एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे साइज छोटा हो जाएगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज कम इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव तो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी सिंपली ऐसे ही लिख सकते हो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज तो इनके साइज का ऑर्डर ये आ जाएगा ऐसे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा ज तो इधर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा आसान है ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे छोटे छोटे आसान आसान बस आपको छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत है बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अभी तक तो सभी ने सही जवाब दिए हैं सभी ने है ना चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं

अगर एक पीरियड में अपन बात करें एक पीरियड में अगर, अगर अपन बात करें तो याद है हमने क्या देखा था फैक्टर क्या देखा था अगर एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो आप तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है अगर हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा बेटा साइज क्या हो जाएगा देखना जरा साइज डिक्रीज हो जाएगा क्या क्यों क्योंकि साइज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव अभी अभी अपन ने देखा इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव ये हमने देखा है ना तो बेटा आपसे अगर ऐसे पूछा जाए कि बताओ लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन अगर इनमें साइज का ऑर्डर बनाना है क्या ऑर्डर आ जाएगा जल्दी बताएंगे क्या ऑर्डर आ जाएगा जल्दी बताओ बेटा अब क्वेश्चंस भी आते जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस आते जाएंगे फटाफट जल्दी बताएंगे बेटा बहुत बढ़िया बहुत अच्छे अरे बहुत बढ़िया एक नंबर लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा तो बेटा ये आपने सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के साइज का ऑर्डर लिख लिया बस एक एलिमेंट कम है इसमें कौन सा एक एलिमेंट कम है कौन सा नियॉन नियोन का साइज कैसा आ जाएगा जल्दी से बताएंगे फ्लोरिन से छोटा क्या मैं ऐसा वाला ऑर्डर लगाऊं या फिर ऐसा वाला ऑर्डर लगाऊं? जल्दी बताओ नियोन फ्लोरिन से छोटा होगा या बड़ा जल्दी से बताएंगे क्या होगा अरे वाह यार सीरियसली यार मजा आ गया मजा ही आ गया नियोन का साइज न से बड़ा होगा क्यों बड़ा होगा यह भी बता दो अब जब इतना बता दिया है तो फिर इतना भी कर दो बेटा कि नियॉन का साइज बड़ा क्यों होगा वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बेटा क्यों क्योंकि हम इसका वेंडरवॉल रेडियस कंसीडर कर रहे हैं यह एक नोबल गैस है और नोबल गैस का वेंडरवॉल रेडियस कंसीडर किया जाता है इसीलिए का साइज इनसे बड़ा है अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है ये। है ना नियॉन इज लार्जेस्ट इन सेकेंड पीरियड और <coughs> बाकी जो अपना फ्लोरीन है ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा स्मॉलेस्ट इन सेकेंड पीरियड ठीक है समझ में आ गया भाई लिथियम से फ्लोरीन तक तो डिक्रीज हो रहा है ये तो सिंपली जेड इफेक्टिव की वजह से अब नियॉन में हम वेंडरवर्ल रेडियस कंसीडर करते हैं तो वो तो टाइप ऑफ रेडियस ही अलग हो गया इसलिए उसका बड़ा साइज होगा ठीक है तो एक पीरियड में हमेशा कौन सा फैक्टर काम करेगा बेटा अब यहां पर याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक पीरियड में हमेशा फैक्टर काम करता है जेड इफेक्टिव का तो जब भी आप एक पीरियड में साइज को कंपेयर करोगे या किसी भी प्रॉपर्टी को कंसीडर करोगे आप जेड इफेक्टिव देखोगे ठीक है ऐसे ग्रुप की बात करें अगर अपन ऐसे अगर एक ग्रुप की बात करें बेटा तो ग्रुप में क्या होगा ग्रुप में साइज का ऑर्डर तो इसके लिए आपको पहले यह पता होना चाहिए कि ग्रुप में कौन सा फैक्टर कंसीडर किया जाता है तो बेटा जनरली ना जेड इफेक्टिव जो है वो या तो कांस्टेंट होता है या फिर बहुत कम घटता या बढ़ता है तो हम यहां पर जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर कंसीडर नहीं कर सकते क्यों क्योंकि जेड इफेक्टिव में वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है ग्रुप में तो उसके अलावा कोई फैक्टर है जो ज्यादा चेंज होता हो हाँ बिल्कुल यहां पर हम नंबर ऑफ शेल्स को चेक करते हैं तो जब भी आप एक ग्रुप में साइज को चेक करोगे आप क्या देखोगे नंबर ऑफ सेल्स पहली चीज आप क्या देखोगे नंबर ऑफ शेल्स तो अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज क्या होगा बढ़ेगा ना अगर दो शेल हैं किसी एटम में और किसी एटम में चार शेल है तो चार शेल वाले का साइज बड़ा होगा यानी कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स इन एटम ये हम ऐसा बोल सकते हैं क्या साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स तो डाउन द दा ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे क्या डाउन द दा ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे क्या जैसे कि सपोज आपको ऐसे दे दिया आपको ऐसे दे दिया बताओ इनमें साइज का ऑर्डर क्या होगा? बता दोगे क्या इनमें साइज का ऑर्डर क्या होगा भाई ये एक ग्रुप के एलिमेंट हैं। एक ग्रुप के एलिमेंट है तो इनमें कौन सा फैक्टर चेक करना है नंबर ऑफ सेल्स वाला क्या डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगा तो इनमें साइज का ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा क्या लिख दू यहां पर नंबर ऑफ सेल्स हमने कंसीडर किए हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं इसलिए साइज क्या हो रहा है बढ़ रहा है साइज क्या हो रहा है बढ़ रहा है है ना इसलिए सीजियम को लार्जेस्ट एलिमेंट मेटल्स में माना जाता है है ना मेटल्स में बोल रहा हूं मैं वैसे तो नोबल गैसेस का लार्जेस्ट साइज होता है पर अपन मेटल नॉन मेटल में कंसिडर करें तो सीजियम को अपन लार्जेस्ट कंसिडर करके चलते हैं ठीक है ठीके? चलिए आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ही बेटा आपसे अल्कली अर्थ मेटल वालों का भी ऑर्डर पूछा जा सकता है तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा यही सेम ऑर्डर आ जाएगा क्या एकदम आसान है क्या इसका भी सेम ऑर्डर आ जाएगा है ना सेम ऑर्डर आ जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े सेम ऑर्डर आ जाएगा ठीक है ये तो हो गया एस ब्लॉक का बेटा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साइज का ऑर्डर अच्छा आपको अगर मैं कंबाइंड ऑर्डर बता दूं पूरा एस ब्लॉक का तो कैसा रहेगा सारे एलिमेंट्स का कंबाइंड ऑर्डर बता देता हूं मतलब इनमें से सबसे छोटा कौन और इनमें से सबसे बड़ा कौन और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वो भी बता देता हूं फटाफट से देखो अगर अपन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो ये है हमारे अल्कली मेटल ये लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम और सीजियम ऐसे अपने अल्कली अर्थ मेटल बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम और बेरियम ये हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट है ना इनका ऑर्डर अगर आपको बनाना है तो इनका ऑर्डर बनाने का तरीका क्या है देखो पहले सेकंड पीरियड एलिमेंट्स को देखो भाई ऊपर की तरफ साइज छोटा होगा जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे साइज बढ़ेगा साइज बढ़ेगा और साइज अगर बढ़ेगा तो लिथियम और बेरिलियम में से कौन बड़ा होगा बेटा लिथियम और बेरिलियम में से कौन बड़ा होगा लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है तो इन दोनों में से ये बड़ा होगा यानी कि बेरिलियम और लिथियम में से लिथियम बड़ा है फिर नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो लिथियम के बाद नंबर मैग्नीशियम का फिर इसका फिर इसका फिर यहां आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है कैल्शियम के बाद और एंड देन पोटेशियम रुबेडियम सीजियम बेटा ये सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट अपने एस ब्लॉक एलिमेंट इनके साइज का ऑर्डर आ गया यानी कि सबसे छोटा कौन हो गया बेरिलियम फिर उसके बाद कौन आया लिथियम फिर उसके बाद आया मैग्नीशियम फिर आया सोडियम फिर कैल्शियम फिर स्ट्रॉन्टियम, फिर बैरियम फिर उसके बाद पोटेशियम और फिर उसके बाद कौन आया रुबीडियम और फिर आया सीज़ियम। ये इनके साइज का ऑर्डर होता है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको नोट कर लो इसको नोट कर लो मतलब देखो आपको एक तो एन बना हुआ मिलेगा और एक एम बना हुआ मिलेगा थोड़ा अगर ऐसे टेढ़ा होके देखोगे तो है ना एक एम बना हुआ दिख रहा है और एक एन बना हुआ दिख रहा है है ना ये इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम में आ चुका है और इसके रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो पॉइंट दे रहा हूं मैं वो याद रखना क्या कि बेटा आपसे आइनिक रेडियस पूछा जाएगा एल आई प्लस और एम जी प्लस टू का मतलब वो डायगोनल रिलेशनशिप वाले बी प्लस टू और एल प्लस थ्री का इनके आयनिक रेडियस का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो मैं आपको बता रहा हूं इसको याद रख लेना ये एक्चुअली एक बार एम्स का जो पेपर होता था ना पहले उसमें पूछा गया था तो एम्स का क्वेश्चन है इसलिए रिपीट हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है है ना तो यहां पर याद रख लेना कि प्लस टू वाले छोटे होते हैं ये इन दोनों प्लस वन प्लस टू में से प्लस टू वाला छोटा प्लस टू प्लस थ्री में से भी प्लस टू वाला छोटा ये एक्सपेरिमेंटल डेटा बेस्ड है आपको याद रखना है यहां पर कोई फैक्टर आप लगाओगे आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको एज इट इज याद रख लेना प्लस टू वाले होते हैं यानी कि इन दोनों में से एम जी प्लस टू छोटा इन दोनों में से बीई प्लस टू छोटा बस सिंपल सी बात है इसको आपको याद रखना है ये रिमेंबर रखने वाला याद रखने वाला ऑर्डर है और ये क्योंकि पूछा जा चुका था एम्स में उसके बाद यह नीट में भी आ चुका है नीट में रिपीट हो चुका है एल आई प्लस और एमजी प्लस टू वाला ऑर्डर ठीक है इसलिए यह पी वाई क्यू भी रह चुका है नीट का यह पीवाई क्यू भी रह चुका है नीट का ठीक है याद रहेगा पक्का ठीक है चलो आगे बढ़ते ये तो हो गया बेटा एस ब्लॉक का बाकी इनके आइनिक रेडियस का ऑर्डर यही रहेगा इनके आइनिक रेडियस का ऑर्डर भी यही रहेगा मतलब एल आई प्लस और बी प्लस टू में पूछा जाए तो यही ऑर्डर आएगा एल आई प्लस और बी प्लस टू में पूछा जाए यही ऑर्डर आएगा बस आइनिक रेडियस में ये ऑर्डर डिफरेंट है इसको आप याद रख लेना इसको आप याद रख लेना है ना मतलब एल आई प्लस और एमजी प्लस टू में ये ऑर्डर नहीं आएगा ये ऑर्डर आएगा इसको याद रख लेना बाकी यही ऑर्डर इनके एटॉमिक रेडियस का भी होगा और आइनिक रेडियस का भी यही होगा ठीक है आगे बढ़े तो ये तो हो गया बेटा एस ब्लॉक वालों के साइज का ऑर्डर अब पी ब्लॉक वालों पर चलते हैं अब चलते हम पी ब्लॉक पर ऐसे सबके ऑर्डर लिख लेंगे बेटा अपन पी ब्लॉक में साइज का ऑर्डर तो अगर अपन ग्रुप 18 की बात करें है ना ऐसे ही सेवनटीन सिक्सटीन फिफ्टीन और 14 की बात करें इन सभी ग्रुप्स की अगर अपन बात करें इन सब के साइज का ऑर्डर लिखेंगे और आप ही मुझे लिखकर बताएंगे ठीक है यानी कि ऑर्गेनेसॉन भी लिख लो चाहो तो इनके साइज का ऑर्डर बताओ चलो फटाफट से साइज का ऑर्डर लिखो फटाफट से हम सारे ग्रुप्स के साइज के ऑर्डर लिखेंगे ग्रुप सेवनटीन का लिखो फटाफट से ग्रुप सेवनटीन कौन है एफ सी एल बी आर और आई एस्टेटी का भी लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर वो अपने से नहीं पूछा जाता ग्रुप सिक्सटीन का लिखेंगे या लिख लो यार एस्टीन भी लिख लो और इधर पोलोनियम भी लिख लो ग्रुप फिफ्टीन का लिख लेंगे और ऐसे ग्रुप फोर्टीन का भी लिख लेंगे बेटा चलो क्या आप इन सभी के ऑर्डर्स बता सकते हैं क्या इन सभी के ऑर्डर्स आप बता सकते हैं अरे एकदम आसान है बता सकते हैं देखो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज इनक्रीज होगा क्या होगा इनक्रीज होगा डाउन द ग्रुप जाने पर सबका साइज इंक्रीज होगा ये आपने पूरे पी ब्लॉक के ऑर्डर लगा लिए सभी में सभी में इंक्रीजिंग ऑर्डर है हाँ वही जो तुम सोच रहे हो ग्रुप थर्टीन ग्रुप थर्टीन इसीलिए तो इसको सबसे लास्ट में लिख रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है है ना इसीलिए ग्रुप थर्टीन बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम इनमें साइज का ऑर्डर बनाना है इनमें साइज का ऑर्डर बनाना है कितना टाइम लगेगा टाइम तो लगेगा बेटा टाइम तो लगेगा जो काम हम करने निकले हैं ना वो काम छोटा मोटा नहीं है तो टाइम तो लगेगा बस तुम लोग मेरे साथ बने रहो ठीक है और अगर ऐसा लग रहा है नहीं कंट्रोल हो रहा है तो जल्दी से जाके आ जाओ क्या दिक्कत है हाँ कोशिश करेंगे अपन कोशिश करेंगे देखो भैया ऑर्डर क्या आना चाहिए यहां पर ये आना चाहिए ना लेकिन ये ऑर्डर आ जाता तो मैं तुमको बताता ही नहीं अलग से है ना वैसे ही टाइम कम है ऊपर से ये ऑर्डर आ जाता तो मैं आपको बताता नहीं एक्चुअली यहां पर यह ऑर्डर हमें देखने को नहीं मिलता है एल्यूमिनियम और गैलियम में हमें यह ऑर्डर देखने को नहीं मिलता क्यों नहीं देखने को मिलता क्योंकि एक्चुअल ऑर्डर कुछ ऐसा है एल्यूमिनियम और गैलियम में एल्यूमिनियम बड़ा मिलता है गैलियम से एल्यूमिनियम बड़ा मिलता है गैलियम से थोड़ा सा ही बड़ा होता है पर बड़ा होता है यहां पर आपको एक एक्सेप्शनल ऑर्डर देखने को मिल रहा है और वो क्या है एल्यूमिनियम बड़ा है गैलियम से क्या कोई इसका रीजन बताएगा क्या कोई इसका रीजन बताएगा जल्दी से क्या इसका रीजन बता सकते हैं आप बिल्कुल 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 वाह बहुत बढ़िया बेटा ये इसका रीजन है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या रीजन है बेटा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या इसको हम स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन यहां पर गैलियम पर क्या लग गया ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या फिर स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन अब ये क्या होता है ट्रांजिशन या स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझते हो ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाना सिकुड़ जाना छोटा हो जाना ठीक है तो गैलियम की अगर अपन बात करें तो गैलियम जो है ना इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सिकुड़ जाता है क्यों हो जाता है क्यों हो जाता है क्यों हो, हो जाता है उसका रीजन समझते आओ उसका रीजन समझते हैं तो हम लिख रहे हैं बेटा स्कैंडाइड कॉन्ट्रेक्शन के बारे में वैसे सर्दियों का मौसम है तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब तुम लोग समझते ही होंगे कॉन्ट्रेक्शन ंडाइड कॉन्ट्रैक्शन स्कैंडाइड कॉन्ट्रेक्शन का मतलब क्या होता है स्कैंडाइड <coughs> कॉन्ट्रेक्शन का मतलब क्या होता है हाँ पुअर स्क्रीनिंग हंस कर रहो तुम लोग नालायकों पुअर स्क्रीनिंग हो जाने की वजह से ज्यादा डेक्टिव बढ़ जाता है और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है है ना हाँ, समझ गए तुम लोग देखो बेटा गैलियम में हमें स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है गैलियम का कॉन्फिगरेशन अगर लिखें 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1 ये गैलियम का कॉन्फिगरेशन होता है ठीक है तो गैलियम का अगर ये कौन... अरे यार पढ़ाने तो नालायक हो तुम लोग बीच-बीच में डिस्टर्ब मत करो गैलियम का अगर हम कॉन्फिग्रेशन देखें तो गैलियम के कॉन्फिग्रेशन में देखो बेटा थ्री के दस इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं क्या थ्री के दस इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं तो डी के इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग का ऑर्डर हमने लिखा था क्या डी के इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग का ऑर्डर हमने लिखा था क्या इधर देखो क्या था डी के इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग कैसी होती है होती है क्या डी के इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग पुअर होती है क्या और अगर डी के इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग पुअर है इसका मतलब उनका सिग्मा क्या है उनका सिग्मा क्या है बेटा सिग्मा कम है पुअर स्क्रीनिंग है मतलब सिग्मा कम है तो सिग्मा कम तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बढ़ जाएगा क्या Z इफेक्टिव ज्यादा तो Z इफेक्टिव का मतलब क्या है एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ रहा है Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा न्यूक्लियस खींच लेगा एटम सिकुड़ जाएगा छोटू सा हो जाएगा है ना <laughs> क्या हो जाएगा छोटू सा हो जाएगा तो बेटा यहां पर साइज डिक्रीज होगा साइज डिक्रीज होगा ठीक है एक मोटिवेशनल शायरी चलो ठीक है सुना देते हैं सुना देते हैं बहुत देर हो गई ना वैसे भी मैं जनरली वैसे लेक्चर में सुनाता नहीं हूं दो घंटे वाले लेक्चर में अभी तो तुमको चार घंटे से ज्यादा हो गए मुझको झेलते हुए तो एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी हो जाएगी तुम्हारे लिए और ये जो शायरी है ना ये बिल्कुल तुम्हारे दिल को जाके छुएगी क्यों क्योंकि नीट तक तुम्हें इस चीज को फॉलो करना है जो मैं कह रहा हूं क्या कि तुमने सुना होगा कि आज कमाएंगा तो कल बैठकर खाएंगा आज कमाएंगा तो कल बैठकर खाएंगा अरे अपनी मेहनत पे भरोसा रख प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा आ मेरी जान। <laughs> तो बेटा अगर जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा या जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा जेड इफेक्टिव अगर बढ़ जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा क्शन हो जाएगा ठीक है है ना बात सही कही है मैंने है ना दोनों बातें सही कही है कॉन्ट्रेक्शन वाली भी और वो दूसरी वाली भी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा बेटा तो साइज कम हो जाएगा है ना तो इसलिए गैलियम का साइज यहां पर छोटा हो गया तो बेटा स्कैंड्रेक्शन आपको सिर्फ गैलियम में देखने को मिलेगा कहा सिर्फ गैलियम में इस चीज को याद रखना स्कैंडाइड कॉन्ट्रेक्शन इज ऑब्जर्व ओनली इन गैलियम इस चीज को याद रखना ठीक है तो गैलियम और एल्यूमिनियम में आपको यह फर्क देखने को मिलेगा किसकी वजह से स्कैंड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से एक और कॉन्ट्रेक्शन हमें देखने को मिलता है कौन सा लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन जो हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साइज के ऑर्डर में देखने को मिलेगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साइज का ऑर्डर बना रहे ठीक है तो बेटा हमने स्कैंडियम यूट्रियम और लेंथनम इनकी साइज का ऑर्डर अगर बनाया तो इनका तो नॉर्मल ऑर्डर आएगा एकदम यही है ना इनकी साइज का ऑर्डर बनाया तो इनका तो एकदम नॉर्मल ऑर्डर आ जाएगा भाई डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज बढ़ेगा क्योंकि स्कैंडियम लेंथनम ये फोर्थ पीरियड ये फिफ्थ पीरियड या सिक्स पीरियड का एलिमेंट है नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं तो साइज भी बढ़ेगा नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर है ना लेकिन इसके ठीक अगले वाले ग्रुप में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता जैसे टाइटेनियम जिरकोनियम और हाफनियम में हमें साइज का ये ऑर्डर मिलना चाहिए लेकिन ये ऑर्डर हमें नहीं मिलता है क्यों नहीं मिलता है हमें एक्चुअली में ऑर्डर ये मिलता है टाइटेनियम जिरकोनियम और हाफनियम में ऐसा ऑर्डर मिलता है कैसा ऑर्डर मिलता है ऐसा वाला क्यों मिलता है भाई भाई जैसे यहां पर मिलना कौन ज्यादा चाहिए था गैलियम इधर गैलियम बड़ा मिलना चाहिए था लेकिन छोटा मिला एल्यूमिनियम से मतलब ऑर्डर ये आ जाएगा बोरोन गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम थैलियम ये ऑर्डर आ जाएगा गैलियम छोटा क्यों हो गया क्योंकि उस पर स्केंडाइड कॉन्ट्रैक्शन लग गया था स्केंडाइड कॉन्ट्रेक्शन क्या था थ्री की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ गया था गैलियम में उसकी वजह से उसका साइज छोटा हो गया बिल्कुल वैसा ही एक कॉन्ट्रैक्शन यहां हाफ नियम पर लग रहा है कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है जल्दी से बताएंगे कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बेटा गाना नहीं गाता बस मैं यार देखो तुमको हंसना है मैं वैसे ही हसा दूंगा मैं स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी बहुत कर लेता हूं तो मैं तुमको वैसे हसा दूंगा गाना गाऊंगा तो भी तुम लोग हंसोगे मेरी आवाज पे तो मैं वैसे ही हसा देता हूं ना क्यों जबरदस्ती मेरी बेजती करवाऊ है ना बिल्कुल सही यहां पर लग रहा है लेंथनाइड कॉन्ट्रेक्शन लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन तो बेटा लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन क्या है इसको समझने के लिए जब हमने हाफनियम का इधर ही लिख दू क्याशन लेंथ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इधर ही लिख दू क्या डेफिनेशन नहीं लिखूंगा इसकी क्योंकि डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे आपसे ये बस ऑर्डर पूछे जाएंगे तो मैं आपको समझा देता हूं वैसे ही तो बेटा हाफनियम का कॉन्फ़िगरेशन जब आपने लिखा तो हाफनियम के कॉन्फिग्रेशन में जिनॉन सिक्स एस टू फोर एफ फोर्टीन फाइव डी वन ये इसका कॉन्फिग्रेशन आया है ना ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आया और अब यहां पर जब हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हमने पाया कि यहां पर 5d देखो 5d डी भरा हुआ है तो 3d और 4d भी भरे हुए होंगे एक तो उनकी पुअर स्क्रीनिंग ऊपर से 4f की पुअर स्क्रीनिंग 4f में भी 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है में 4f में जीरो इलेक्ट्रॉन थे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था मतलब स्क्रीनिंग के इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है लेकिन इसके ठीक अगला जो एलिमेंट था उसमें अचानक तो पुअर स्क्रीनिंग वाले इलेक्ट्रॉन तो अगर प्रेजेंट है 4f के इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग कैसी होती है बेटा वेरी पुअर होती है क्या वेरी पुअर वेरी पुअर सिग्मा तो सिग्मा जितना कम होगा बेटा Z इफेक्टिव उतना ज्यादा बढ़ेगा क्या Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव का मतलब क्या होता है एक्चुअल अट्रैक्शन पार ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस उतना ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को साइज उतना ज्यादा छोटा होता जाएगा तो साइज क्या होगा साइज उतना डिक्रीज होता जाएगा ठीक है साइज उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। तो यहां पर फोर एफ की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से कॉन्ट्रेक्शन लग गया इसलिए साइज तो तो का ऑर्डर कैसा मिलता है बच्चों थ्री डी सीरीज का एलिमेंट है ये फोर डी सीरीज का एलिमेंट है और ये फाइव डी सीरीज का एलिमेंट है थ्री डी वालों से फोर डी वाले बड़े ही मिलेंगे नॉर्मल ऑर्डर नंबर ऑफ सेल ज्यादा तो साइज ज्यादा लेकिन उनसे बड़े फाइव डी वाले होने चाहिए थे लेकिन फाइव डी वालों पर क्या लग जाता है लेंथनाइट कॉन्ट्रेक्शन उसकी वजह से उनका साइज कॉन्ट्रैक्ट होके फोर डी वालों के बराबर आ जाता है तो डी ब्लॉक में साइज का ऑर्डर क्या आप ऐसे डायरेक्टली याद रख सकते हो थ्री डी से बड़े 4d और 4d और 5d वालों का साइज सिमिलर होगा आपसे डी ब्लॉक में कोई भी ऑर्डर पूछा जाए इसको याद रखना बस जो थर्ड ग्रुप है इसको मत भूल जाना इसमें कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं लगता लेंथनम पर इसका साइज बड़ा ही मिलेगा ठीक है हो गया क्या समझ में आ गया क्या ठीक है जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन है वैसे ही एक्टिनाइड कॉन्ट्रेक्शन भी होता है लेंथनम के बाद लगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टेनम के बाद लग जाएगा क्या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्शन पढ़े बेटा हमने स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन या इसको हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बेटा क्या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा जल्दी बताओ इनका ऑर्डर क्या होगा इसमें स्क्रीनिंग किसकी आ रही थी थ्री की पुअर स्क्रीनिंग आ रही थी है ना थ्री की पुअर स्क्रीनिंग आ रही थी इसमें 4F की स्क्रीनिंग आ रही थी और उसके साथ साथ फोर 4D के भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे और ऐसे इसमें फाइव की पुअर स्क्रीनिंग है फाइव की पुअर स्क्रीनिंग है और उसके साथ साथ 4f में भी इलेक्ट्रॉन है 3d में भी है 4d में भी है 5d में भी है इतने सारे पुअर स्क्रीनिंग वाले इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन लगेगा वो कहां पर लगेगा एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के केस में लगेगा तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रेक्शन सबसे पावरफुल होता है बेटा फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन और फिर स्कैंडाइड कॉन्ट्रेक्शन ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसको जरूर लिख लो नोट लगा के इसको जरूर नोट लगा के लिख लो ठीक है अगर चीजें स्टार्टिंग में एक बार ढंग से समझ ली ना तो फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आप एकदम आसानी से चीजों को रिलेट कर पाओगे एकदम आसानी से ठीक है डिनर ब्रेक आप लोग एक काम करो लिख तो ज्यादा तुम लोग वैसे भी रहे नहीं होंगे ले आओ खाना साथ में बैठे बैठे धीरे धीरे खाते रहो और पढ़ते जाओ ठीक है, है ना हाँ बेटा तुम लोग खा लो खालो, मेरा पेट तुम्हें देख के भर जाएगा हाँ? तुमने खा लिया मैंने खा लिया एक ही बात है तुम लोग खा लो खालो, ना लाए गो एक्टेनाइट कॉन्ट्रेक्शन सबसे पावरफुल फिर लेंथनाइट कॉन्ट्रेक्शन और फिर स्केंडाइट कॉन्ट्रेक्शन स्केंडाइट कॉन्ट्रेक्शन में सिर्फ थ्री की पुअर स्क्रीनिंग हमें मिलती है थ्री डी और फोर के इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग तो होती ही है फोर के इलेक्ट्रॉन्स की भी स्क्रीनिंग होती है सबसे ज्यादा पुअर यहां पर फोर की स्क्रीनिंग होती है

आगे बढ़े तो ये हो गया बेटा आपने डी ब्लॉक के साइज का ऑर्डर ठीक है अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ये साइज का आपको कुछ डेटा दिया हुआ है देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज हो रहा है ये डेटा दिया हुआ है आपकी एनसीआरटी नहीं है ना तो जनरली वो क्या करते हैं ऑर्डर ये वाले ही देते हैं क्योंकि उन्होंने एनसीआरटी में दिए हुए हैं ऐसे यहां पर देखो साइज डिक्रीज होती जा रही है है ना ऐसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज होता जा रहा है देखो यहां पर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है ठीक है इसको नोट करने की जरूरत नहीं है आप बना चुके हो एनसीआर में क्या दिया हुआ ऑफ द फॉलोइंग विल लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है बेटा नीट के है ना ये नीट का ही क्वेश्चन है तो आपको बताना है एम जी एम जी प्लस टू और एल ए एल प्लस थ्री इनमें साइज का ऑर्डर तो बेटा पहले तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था याद है कि जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं और जो कैटायंस होते हैं इनमें से कैटायंस छोटे होते हैं और न्यूट्रल एटम्स बड़े होते हैं ठीक है तो न्यूट्रल एटम है आपके पास एमजी और एल मुझे बताओ इन दोनों में से किसका साइज बड़ा होगा एमजी और एल में से किसका बड़ा होगा साइज किसका होगा लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एक ही पीरियड के एलिमेंट है देखो एक ही पीरियड के एलिमेंट है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा है? और एमजी प्लस टू और एल प्लस थ्री अब यहां पर ये दिए हुए बेटा कि इनका आयनिक रेडियस आप देख रहे हो तो आयनिक रेडियस में सबसे पहले ये जरूर देख लेना कहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है तो ये दोनों देखो एम जी में बारह थे दो गए दस Al में तेरह थे तीन गए दस ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में सिंपल जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज एल्युमिनियम प्लस थ्री सबसे छोटा हो जाएगा एल्यूमिनियम प्लस सबसे छोटा तो स्मॉलेट पूछा है तो कौन हो जाएगा एल प्लस लार्जेस्ट पूछा है तो कौन हो जाएगा एमजी तो देखो बेटा लार्जेस्ट इज एम जी एंड अच्छा ये तो सॉल्यूशन ही लिखा हुआ था यहां पे कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलता है है ना एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो उठा लिया अपन है ना ठीक है समझ में आया आसान है क्या अरे भैया आसान है ना एकदम आ जाओ इधर देखो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं द स्पीशीज आर्गन पोटेशियम कैल्शियम प्लस टू छोड़ो इसको होमवर्क में करना है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे हैं तो इनको अपन करेंगे यहीं पर डिस्कस वो वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना वो पी क्यू है वो आपने कर लिया होगा आपको मॉड्यूल में मिल गया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आईनिक करेक्टली रिप्रेजेंटेड कर लोगे क्या आइनिक रेडियस का ऑर्डर चलो फटाफट से आंसर दो जल्दी से जल्दी से आंसर देंगे बेटा जल्दी से अरे खाना वाना तो नहीं खाने लग गए तुम लोग ठीक है चलो खा लो यार खा लो भूख लग गई होगी तुम लोगों को इतनी देर से बैठ के पढ़ रहे हो तुम लोग सुबह भी क्लासेस करना फिर शाम को वन शॉट कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं बेटा देखो ध्यान से देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है देखो ओ टू माइनस एफ माइनस एन ए प्लस दस इलेक्ट्रॉन दस इलेक्ट्रॉन दस इलेक्ट्रॉन तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज तो यहां पर ऑर्डर उल्टा आएगा यह गलत दिया हुआ है आपने को क्या बताना है करेक्ट ऑर्डर बताना है ओ टू माइनस ओ टू माइनस होगा यहाँ पे है ना ओ टू लिखा हुआ है ना वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ओ टू माइनस होगा एफ माइनस एन ए प्लस ये ऑर्डर सही दिया हुआ है मतलब ये आंसर सही है इधर देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है बेटा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज कम होना चाहिए लेकिन इंक्रीजिंग दिया हुआ है ये भी गलत है और इधर न्यूट्रल कैटायन और एनायन एक ही एटम का न्यूट्रल कैटायन और एनायन दिया हुआ है तो कैटायन और न्यूट्रल में से कैटायन छोटा होता है ये आगे आएगा इसलिए ऑर्डर गलत है एकदम आसान है ये भी एक पी वाई क्यू ही है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आंसर हो जाएगा बी और आप सभी के आंसर बिल्कुल सही सही आ रहे हैं बहुत ही सबसे अच्छी बात यही है कि आपके आंसर सही आ रहे हैं बस यही चाहिए बस यही चाहिए फोड़ेंगे इस बार और देखो जेई मेन के भी क्वेश्चन उठा के लाया हूं मैं क्योंकि जेई में इनके भी क्या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो वो भी रिपीट हो सकते हैं हमारे नीट में चलो इसका आंसर दो फटाफट से अमंग द एलिमेंट्स कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई ये आपको आंसर देना भैया मुझे नहीं पता इसका आंसर ये आप दोगे आपको दिया है मैग्नीशियम और क्या दिया है कैल्शियम और क्या दिया है क्लोरीन और दिया है फास्फोरस मतलब तीन तो आपको थर्ड पीरियड एलिमेंट दिए हैं एक फोर्थ पीरियड एलिमेंट दिया है तो एक ही पीरियड के एलिमेंट्स में ऑर्डर लगा सकते हो और एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स में ऑर्डर लगा सकते हो मैग्नीशियम क्लोरीन और फास्फोरस क्लोरीन को बाद में लिखेंगे क्योंकि क्लोरीन बाद में आता है फॉस्फोरस और क्लोरीन तो एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है तो इन तीनों में ऑर्डर ये आ गया और एक ही ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होता है तो ये ऑर्डर आ गया तो कैल्शियम और मैग्नीशियम में से कैल्शियम बढ़ा फिर मैग्नीशियम फॉस्फोरस क्लोरीन में से मैग्नीशियम बढ़ा इन दोनों में से फॉस्फोरस बढ़ा तो क्लोरीन सबसे छोटा होना चाहिए और ऐसा हमें एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है आंसर जाएगा बी एकदम आसान एकदम मखन समझ में आ रहा है क्या मेरे भाई बोलो आ सबके आंसर आ रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नेक्स्ट तो ये हमारे साइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं है ना इतने तरीके के क्वेश्चंस आपसे साइज में पूछे जा सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर अपन बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की अगर अपन बात करें बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं देखो बेटा ये आरंभ बैच है है ना और ये इसलिए लेकर आया गया है कि आपका जो भी बैकलॉग अभी तक छूट गया है आपने बहुत पहले यह चैप्टर पढ़ा है पर भूल गए आप लोग तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से वापस याद दिला दी जाए ये काम अगर मैं एक घंटे या दो घंटे के अंदर कर दूंगा तो वो सारी चीजें आपको वापस से याद नहीं दिलाई जा सकेंगी इसलिए मैं डिटेल में हर एक चीज ले रहा हूं बिल्कुल बेसिक से तो प्लीज बेटा थोड़े से आप धैर्य बना के रखो आप यार बैठो आराम से सुनो चल लो फिर लो थोड़ा बहुत

तो डेफिनेशन इसकी एनसीईआरटी से ही कॉपी की गई है आयनाइजेशन एनर्जी का आसान भाषा में मतलब यह होता है किसी भी आइसोलेटेड गैसेज एटम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसमें जो एनर्जी आपको देनी है वो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी ठीक है किसी भी आइसोलेटेड गैसेज एटम से जो आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसमें जो एनर्जी आपको देनी है वो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी तो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ़ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स एनथेल्पी मतलब एक 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 इलेक्ट्रॉन का जब एटम एक एक तो उसका measure, ये है, या इसको के नाम से भी हम जानते हैं इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम सिंपल सी डेफिनेशन है ठीक है अब आइसोलेटेड गैसेज एटम का मतलब क्या होता है जैसे कि सपोज आपको कोई भी एक एटम लिखकर दिया हुआ है सोडियम है है ना तो ये आइसोलेटेड स्टेट में अगर ये अकेला सिंगल एटम है तो इसमें से जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी आपने दी है सपोज ये ई एनर्जी आपने दी है यहां पर तो ये जो एनर्जी है ये कहलाएगी क्या आयनाइजेशन एनर्जी ठीक है लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं बेटा सोडियम यहां पर मैंने सॉलिड लिख दिया अगर और फिर मैं आपको यह इक्वेशन लिख कर दे रहा हूं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और इस प्रोसेस में मैंने सपोज इवन एनर्जी दी है तो क्या यह इवन एनर्जी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है क्या ये ईवन एनर्जी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है क्या ये ईवन एनर्जी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है नहीं बेटा ऐसा नहीं बोल सकते ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहां पर सॉलिड लिखा हुआ है हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आइसोलेटेड गैसेस एटम मतलब अकेला सिंगल तुम्हारी तरह एकदम है ना तो एकदम आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब हम उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा आयनाइजेशन एनर्जी तो यहां पर ये यह सॉलिड लिखा हुआ है अगर मैं इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखूं तो पहले सॉलिड से इसको मैं कन्वर्ट करूंगा आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में और इस प्रोसेस में जो एनर्जी दूंगा वो कहलाएगी सब्लिमेशन एनर्जी और फिर आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तब ये कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी तब ये क्या कहलाएगी एनर्जी तो ये जो इवन एनर्जी है ना बेटा एनर्जी नहीं है जबकि ये इवन जब क्या है ये ई e क्या है यहां पर ये e क्या है यहां पर ई e है आइनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम लेकिन यहां पर हम इवन को एनर्जी नहीं बोल सकते यहां पर अपन क्या बोलते बेटा इसको एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी का सम है ये सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी का सम है है क्या है बेटा ये सम है तो बस ये जरूर देख लेना कि आइसोलेटेड गैसेज आइटम होना चाहिए ये ऐसे एस नहीं लिखा हुआ होना चाहिए इसका मतलब ये है कि ये सॉलिड स्टेट में है इसने दूसरे सोडियम आइटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको इसमें कन्वर्ट किया तो ये आइनाइजेशन एनर्जी नहीं है ठीक है शेर को नींद आ रही है बेटा अभी शेर को नींद भी आएगी सुसूपी भी आएगी सर भी दर्द करेगा घुटने भी जवाब दे जाएंगे बहुत कुछ होगा शेर के साथ आ चिंता मत करो ठीक है सिर्फ इंस्टाग्राम पे शेर वाले मीम शेयर कर देने से शेर शेयर नहीं हो जाता है ना शेर आज पीरियोडिक टेबल पढ़ रहा है और शेर आज पीरियोडिक टेबल खत्म करके ही उठेगा ठीक है शेर आज पीरियोडिक टेबल खत्म करके ही उठेगा ऐसे नहीं मानेगा शेर को जाना है 700 पार तो आज शेर नहीं रुकेगा आज शेर नहीं रुकेगा हाँ ठीक है तो ये होगी बेटा आयनाइजेशन एनर्जी अब बात करें अगर अपन आयनाइजेशन एनर्जी के रिगार्डिंग अपने को एनसीईआरटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयनाइजेशन एनथेल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव देखो बेटा ये बोला जा रहा है यहां पर कि जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो किसी आइसोलेटेड गैसेज एटम में से जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो एनर्जी दे रहे हो एनर्जी क्यों दे रहे हो क्योंकि एक एटम में इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट कर रखा अपनी तरफ तो ये ऐसे आसानी से तो इस एटम को छोड़ के जाएगा नहीं इसको आपको भगाना है यहां से इस इलेक्ट्रॉन को तो इस न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट कर रखा है तो क्या करें इसको आपको धक्का देना पड़ेगा मतलब थोड़ा इसको एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से इलेक्ट्रॉन को यहां से रवाना करने के लिए है ना तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने के लिए एक आइसोलेटेड गैसे आइटम से निकालने के लिए हमेशा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने वाला जो प्रोसेस है ऑलवेज कैसा होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा बेटा कैसा होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस इस बात को याद रखना लिख लो इसको किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस ठीक है फिर बोल रहा है द सेकेंड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथेल अच्छा बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज सेम वे सो ऑन मतलब ये पता है हमें क्या बोलना चाह रहा है? ये ये है कि सपोज आपके पास कोई एक एटम है एम इसमें से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहां पर जो आप आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे बच्चों वो कहलाएगी फर्स्ट आइनाइजेशन एनर्जी क्योंकि यहां आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो जब यहां से आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो क्या कहलाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन एंड सो so ऑन निकालते जाओगे तो ये हो जाएगी इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ आइनाइजेशन एनर्जी फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे सक्सेसिवली जब एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे ऐसे सक्सेसिवली जब एक एक करके इलेक्ट्रॉन हम निकालते जाएंगे तो क्या होगा एनर्जी देते जाएंगे आई ई वन आई टू आई थ्री ये सब क्या है ये कहलाती है आइनाइजेशन एनर्जीज क्या कहलाती है तो ये जो सक्सेसिव आइनाइजेशन एनर्जीज है ना ये एनसीआरटी में अपने को बोल रहा है कि जो सेकेंड वाली आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो फर्स्ट वाली से ज्यादा होगी क्यों क्योंकि भैया आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया सपोज यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे तो अब यहां पर कितने रह जाएंगे नौ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे ना पर प्रोटॉन अभी भी कितने हैं 10 हैं तो पहले 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे अब दस नौ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो अब इनका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ना बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा या फिर आसान भाषा में ऐसे देख लो ना यार पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव के बारे में क्या सिखाया था पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है Z इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी मुश्किल होता जाएगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी ना मेरे भाई एनर्जी ज्यादा लगेगी इसका मतलब सेकंड वाली जो आयनाइजेशन एनर्जी वो फर्स्ट वाली से हमेशा ज्यादा होगी थर्ड वाली सेकंड वाली से ज्यादा होगी तो ये जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हैं इसके लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं आईई वन और आईई टू में कौन ज्यादा होगी हमेशा आई ई टू ज्यादा होगी और आईई थ्री इनसे भी ज्यादा होगी यह ऐसे ही आगे चलता रहेगा सक्सेसिव आइनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज हाइयर सक्सेसिव आइनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज हाइयर है ना सक्सेसिव आईनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज ठीक है तो बेटा अगर आपसे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है एम जी एम जी प्लस एम जी प्लस टू इनमें क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होगा आपसे ये पूछा जा रहा है एन एन ए प्लस एन ए टू प्लस इनमें आइनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा क्या जाएगा आ जाएगा बेटा ये ऑर्डर आ जाएगा आपसे ये पूछा जा, जा रहा है ए एल प्लस ए एल प्लस थ्री ओ सॉरी एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम प्लस प्लस टू प्लस थ्री इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये आ जाएगा क्यों क्योंकि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज हाइयर एकदम आसान है ना आसान तो ये थी बेटा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज अभी बात करें अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जीज की फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जीज तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं देखो किसी भी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करने वाला सबसे पहला जो फैक्टर होता है हमारा वो ऑलवेज जेड इफेक्टिव होता है कौन सा होता है बेटा जेड इफेक्टिव और जेड इफेक्टिव का आपको पता ही है कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा जल्दी से बताओ जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइेशन एनर्जी क्या हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आइनाइजेशन एनर्जी भी अरे लिखो ना हाँ आइनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव सिंपल सी बात है बेटा आप आप रिलेट करके देखो जेड इफेक्टिव क्या है एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस ज्यादा ट्रैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ऐसे ही जो दूसरा फैक्टर होगा हमेशा वो होगा साइज और जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर हम कहां लगाते हैं हमेशा कहां पर लगाते हैं हमेशा पीरियड में और साइज वाला फैक्टर हमेशा हम कहां लगाएंगे बेटा ग्रुप में है ना तो साइज अगर बढ़ेगा साइज अगर बढ़ेगा साइज बढ़ेगा तो क्या होगा मुझे बताओ अगर इफेक्टिव सेम सेम है है मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक की अट्रैक्ट करने पावर तो इन दोनों एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें ज्यादा आसान होगा छोटू में या मोटू में ये छोटू एटम है ये मोटू एटम है अगर इनके न्यूक्लियस के अट्रैक्ट करने की पावर सेम है तो फिर कौन से इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव किया जा सकता है मोटू वाले में से किया जा सकता है क्या क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा है मतलब साइज ज्यादा है साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन इज़ीली रिमूव किया जा सकता है और अगर इलेक्ट्रॉन इज़ीली रिमूव कर लेंगे तो इसका मतलब एनर्जी क्या होगी कम होगी तो साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा याद रहेगा क्या ऐसे लिख दू आयनाइजेशन एनर्जी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऐसे लिख सकते हैं यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बोरोन कार्बन नाइट्रोजन या फिर एल्यूमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस इनमें एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव एक ही पीरियड के एलिमेंट है लेफ्ट टू राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा एक पीरियड में हमेशा कौन सा फैक्टर देखते हैं जेड इफेक्टिव वाला तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयोनाइेशन एनर्जी भी बढ़ेगी ये भी एक ही पीरियड के एलिमेंट है लेफ्ट टू राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी आसान एकदम है ना अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि बताओ लिथियम सोडियम पोटेशियम रोबीडियम सीजियम या फिर बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस इनमें साइज का ऑर्डर क्या रहेगा इनमें साइज का अरे ये तो एक ही पीरियड के लिख दिए साइज का ऑर्डर नहीं आइनाइजेशन एनर्जी का बेरिलियम मैग्नीशियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम इनमें आइनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा तो देख रहे हो क्या ध्यान से देखो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा एक ग्रुप में हमेशा कौन सा फैक्टर लगाते हैं साइज वाला तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा साइज बढ़ेगा तो आइनाइजेशन एनर्जी कम होता जाएगा आसान है आसान है क्या एकदम आसान है ना भैया बहुत सही बहुत सही ठीक है तो ये पढ़ लिए दो फैक्टर्स अगले दो फैक्टर्स भी देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है तीसरा फैक्टर है स्टेबल कॉन्फिग्रेशन बेटा अगर स्टेबल कॉन्फिग्रेशन आ गया तो जैसा कि आपको पता ही है स्टेबल कॉन्फिग्रेशन में जो फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से और हाफ फील्ड कॉन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे पार्शली फील्ड कॉन्फिग्रेशन से ये तो आपको पता ही होगा है ना ये क्या है ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बेटा ये इनकी टेबिलिटी का ऑर्डर है फुल्ली फील्ड मतलब जैसे कि फुल्ली फील्ड सब्शेल्स पी सिक्स डी टेन एफ फोर्टीन हाफ फील्ड मतलब पी थ्री डी फाइव एफ सेवन और फिल्ड मतलब इन फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड को छोड़ के जितने भी हैं सभी सभी फिल्ड। ठीक है जैसे कि p6 हो गया d10 हो गया f14 हो गया यहां पर p3 हो गया d5 हो गया f7 हो गया ठीक है तो ये फैक्टर हमें देखने को मिलता है कहा जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनमें कंपेयर कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी तो है तो ये दोनों एक ही पीरियड के तो जेड इफेक्टिव तो ऑक्सीजन में ज्यादा है बट स्टिल आइनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा मिलती है

पीथरी कॉन्फिग्रेशन की अगर अपन बात करें तो पीथरी कैसा है हाफ फील्ड है बेटा कैसा है हाफ फील्ड और यह है पी फोर कॉन्फिग्रेशन पार्शली फील्ड हाफ फील्ड है ज्यादा स्टेबल है इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो जब भी बच्चों पीथरी और पी फोर कॉन्फिग्रेशन आपको मिल जाए जब भी पीथरी और पी फोर कॉन्फिगुरेशन आपको मिल जाए तो याद रखना पीथरी वालों की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस सल्फर आर्सेनिक और इधर क्या आ जाएगा सेलिनियम तो आयनाइजेशन एनर्जी किन की ज्यादा हो जाएगी पिथरी वालों की ज्यादा हो जाएगी इसी ग्रुप तक याद रखना है आपको बस आर्सेनिक तक ठीक है वैसे तो ये दोनों में ही पूछा जाता है इससे आगे नहीं पूछा जाता ठीक है नेक्स्ट अगर अपन बात करें अगले फैक्टर की अगला फैक्टर है पेनिट्रेशन पार ऑफ न्यूक्लियस पेनीट्रेशन पार ऑफ सबसेल्स सॉरी पेनिट्रेशन पार ऑफ सब्शेल्स पैनिट्रेशन पार ऑफ सब्शेल्स का मतलब क्या होता है बेटा इसका मतलब होता है सिंपली क्लोजनेस फ्रॉम द न्यूक्लियस क्लोजनेस फ्रॉम द न्यूक्लियस मतलब कोई सबसेल न्यूक्लियस के कितना क्लोज है कोई सबशेल न्यूक्लियस के कितना क्लोज है अगर ये न्यूक्लियस है बेटा और हम बात कर रहे हैं किसकी फोर्थ शेल की तो फोर्थ शेल में सबसेल्स कौन कौन से होंगे सपोज ये फोर्थ शेल है तो बेटा इसमें सबशेल्स कौन कौन से होंगे 4s होगा 4p होगा 4d होगा और 4f होगा तो बेटा इनमें से सबसे ज्यादा पास कौन होगा कोई बता सकता है क्या मुझे फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ में सबसे ज्यादा पास कौन है सबसे ज्यादा पास कौन है एस है क्या एस एस न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होता है फिर पी फिर डी एंड देन सबसे ज्यादा दूर होता है एफ तो इनके पेनिट्रेशन पार का ऑर्डर क्या आ गया पेनिट्रेशन पार का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ पैनिट्रेशन पार ऑफ सबशेल्स क्या ऑर्डर होता है बेटा बता सकते हो क्या सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पार पेनिट्रेशन पार इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो इसका मतलब है क्लोजनेस फ्रॉम द न्यूक्लियस दूसरा मतलब क्या है कि जो सबशेल न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास है उसे पेनिट्रेट करना मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता है तो इनका ऑर्डर क्या आ जाएगा ऑर्डर एकदम आसान है एस सबसे ज्यादा फिर पी फिर डी और फिर एफ आसान है क्या मेरे भाई एकदम आसान है क्या ठीक है तो अगर आपको S में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्योंकि S ज़्यादा पास है न्यूक्लियस के इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा इसके कंपैरिजन में इसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मुश्किल होगा इसके कंपैरिजन में है ना तो ये हमने कब देखा जब हम बेरिलियम और बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कर रहे थे यहां पर क्योंकि 2s2 और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन है 2p1। इधर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है 2p से इधर निकालना है 2s से। एक ही शेल के हैं और 2s ज्यादा पास है इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा मिलेगा तो बेटा आप ऐसे भी याद रख सकते हो जब भी एनएस टू और एनपी वन को कंपेयर करना हो क्या करना हो एन एस टू और एन पी वन को कंपेयर करना हो तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है क्या याद रखोगे एन एस टू वालों की ज्यादा होती है क्योंकि S की पेनिट्रेशन पार ज्यादा है और दूसरी बात यह भी कि एन एस टू जो है यह फुल्ली फिल्ड सबसेल भी है पेनिट्रेशन पार भी इसी की ज्यादा है फुल्ली फिल्ड सबसेल भी है इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा तो बेटा एन एस टू और एनपी वन में से एन एस टू वालों की आईनाइजेशन एनर्जी ज्यादा मतलब बेरिलियम और बोरोन में से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से आइनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी ऐसे ही आप कैल्शियम और गैलियम में से भी देख लो कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी ठीक है ये ऑर्डर आ जाएगा तो इन सभी को मिला के क्या हम एक कंप्लीट ऑर्डर लिख सकते हैं इन सभी को मिला के क्या हम कंप्लीट एक ऑर्डर लिख सकते हैं कौन सा ऑर्डर देखना जरा सेकेंड पीरियड एलिमेंट का सेकेंड पीरियड एलिमेंट का आइनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन कौन से हैं लिथियम बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन इनकी आइनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर तो क्या देखा था हमने लेफ्ट टू राइट जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आइनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी मतलब ऐसा ऐसा ऑर्डर आना चाहिए ये ऑर्डर आना चाहिए ठीक है लेकिन अभी अभी हमने देखा यहां पर है एन एस टू और यहां पर है np1 वन कॉन्फिग्रेशन और यहां पर है p3 और p4 कॉन्फ़िगरेशन तो जैसा अभी अपन ने देखा बेटा ns2 और np1 कॉन्फ़िगरेशन में से ns2 और np1 कॉन्फिगरेशन में से ns2 वालों का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है इसका मतलब ये ऑर्डर ऐसा आएगा और ऐसे ही np3 और np4 वालों में से ऑर्डर ऐसा आएगा मतलब नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ठीक है तो इसको आगे कर दो इसको पीछे कर दो ऐसे ही इसको आगे कर दो और इसको पीछे कर दो मतलब करेक्ट ऑर्डर आएगा लिथियम बोरॉन बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन और नियॉन मतलब सेकंड पीरियड में से मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी आ रही है बेटा मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी आ रही है नियॉन की मैक्सिमम इन सेकंड पीरियड तो किसी भी पीरियड में उस पीरियड की नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और उसके अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी मिनिमम इन पीरियड हालांकि अगर आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में पूछी जाए पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी और मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी इन ओवरऑल सभी एलिमेंट्स में तो मैक्सिमम किसकी होगी बताओ जल्दी से मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी हा वेरी गुड वेरी गुड बेटा मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में होती है हीलियम की और मिनिमम होती है सीजियम की ठीक है तो अब मुझे आप इसी तरीके से थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखकर बताएंगे सेम ऑर्डर है थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का लिख लोगे क्या होमवर्क दे दूं है ना वही जैसे सेकंड का लिखा बिल्कुल वैसे थर्ड का लिखना है है ना होमवर्क है बेटा ये होमवर्क जरूर कर लेना है ना ये छोटी छोटी चीजें जब आप फॉलो करोगे बेटा आपको खुद को पता नहीं लगेगा कैसे सब्जेक्ट तैयार हो गया एकदम से है ना ये छोटे छोटे एफर्ट्स आपको बहुत आगे ले जाएंगे अगर आप करते हो तो ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स की अब बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स की एस ब्लॉक वालों की आयनाइजेशन एनर्जी तो अपन ने लिख ली एस ब्लॉक वालों की आयनाइजेशन एनर्जी तो अपन ने लिख ली है ठीक है अब अपन बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी की पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आइनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है बोरोन फैमिली कौनसी बोरोन फैमिली बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम ध्यान से देखना ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और ये ऑर्डर सबसे ज्यादा पूछा जाता है ध्यान से देखना ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो देखो बेटा बोरोन एलियम एल्यूमिनियम गैलियम याद है गैलियम पे क्या लग गया था स्कैंडाइड क्या लग गया था स्कैंडाइड सिमिलरली थैलियम पे हमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन का इफेक्ट देखने को मिलेगा हालांकि साइज में उतना नहीं देखने को मिलता है पर आयनाइजेशन एनर्जी में जरूर देखने को मिलता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन का इफेक्ट तो ऑर्डर तो क्या होना चाहिए डाउन द ग्रुप डिक्रीजिंग होना चाहिए मतलब ऐसा होना चाहिए था लेकिन इस पर स्केंडाइट कॉन्ट्रेक्शन लगने की वजह से इसकी आइनाइजेशन एनर्जी हमें ज्यादा मिलती है इस पर लेंथ एनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से हमें इसकी आइनाइजेशन एनर्जी ज्यादा मिलती है तो ओवरऑल ऑर्डर तो यह है पर इसको याद कैसे रखा जाए तो इसको याद रखने की बहुत आसान सी ट्रिक है इसको इसकी याद रखने की बहुत आसान सी ट्रिक है इसको बेटा आप ऐसे याद रख लो बीटल गैलिन कैसे याद रख सकते हो बीटल गैलिन ये इसका ऑर्डर है आयनाइजेशन एनर्जी का बोरोन फैमिली का बीटल गैलिन बोरोन फैमिली की आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर फटाफट से बीटल गैलिन अभी फिर आयनाइजेशन एनर्जी के बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक दूंगा फिर उसके बाद पांच मिनट का ब्रेक लेंगे एक आईनाइजेशन एनर्जी के बाद फिर उसके बाद वापस से शुरू करेंगे ठीक है चलो आइनाइजेशन एनर्जी खत्म होने वाला है एक छोटा सा ब्रेक दे, दे देंगे आपको फिर उसके बाद फिर से शुरू करेंगे ठीक है बीटल गैलिन कैसे याद करना है बीटल गैलिन है ना ऐसे ही बेटा कार्बन फैमिली का ऑर्डर लिखेंगे कार्बन फैमिली का कार्बन फैमिली का ऑर्डर यहां पर यहां पर लेड पे लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट मिलता है लेकिन जर्मेनियम पे कोई स्कैंड कॉन्ट्रेक्शन का इफेक्ट नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि स्कैंड कॉन्ट्रेक्शन सिर्फ और सिर्फ गैलियम पर लगता है और कहीं भी नहीं लगता है कहीं भी नहीं लगता है तो डाउन द ग्रुप साइज अपना ऐसा ऑर्डर आना चाहिए लेकिन इस पर लेंथनाइट कॉन्ट्रेक्शन लग जाने की वजह से इसका एनर्जी टिन से ज्यादा हमें मिलता है बाकी सभी में बाकी सभी में नॉर्मल ऑर्डर हैं। बाकी सभी में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आइनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा यह ऑर्डर होगा एकदम नॉर्मल बेटा तो आपको क्या याद रखना बेटा बोरोन फैमिली में बोरोन फैमिली में ऑर्डर था बीटल गैलिन आइनाइजेशन एनर्जी का बोरोन फैमिली में था बीटल गैलिन और कार्बन फैमिली में बस लेड पे लेंथनाइट कंट्रेक्शन की वजह से आइनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया बाकी जगह नॉर्मल ऑर्डर्स हैं ठीक है बाकी जगह नॉर्मल ऑर्डर्स होंगे आगे बढ़े क्या आगे बढ़े क्या देखो जरा कुछ एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आया हमारे पास द फर्स्ट आयनाइजेशन एनथेल्पी वैल्यू ऑफ़ द थर्ड पीरियड एलिमेंट सोडियम मैग्नीशियम सिलिकन आर रेस्पेक्टिवली अपने को बोल रहा है सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकन ये बोल रहा है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज क्या हैं आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है फोर नाइनटी सिक्स कितने किलो जूल पर मोल में दे रखी है मैग्नीशियम की दे रखी है 737 और किसकी दे रखी है सिलिकन की दे रखी है 786 एटी सिक्स पर मोल ठीक है यह अपने को बोल रहा है क्वेश्चन में प्रिडिक्ट वेदर द फर्स्ट आइनाशन एनर्जी की वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम विल बी मोर क्लोज टू फाइव और सेवन ये पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी यह 575 मतलब इसके आसपास होगी या फिर 760 इसके आसपास होगी मतलब सोडियम के आसपास या सिलिकॉन के आसपास तो इनमें ऑर्डर बना सकते हो क्या सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बना सकते हो क्या बना सकते हो क्या सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकन जा था ऑर्डर याद करो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है लेकिन यहां पर ns2 कॉन्फिगरेशन है यहां पर np1 मैग्नीशियम का कॉन्फिगरेशन क्या है 3s2 और इसका क्या है 3p1 तो इसकी मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाएगी एल्यूमिनियम की कम रहेगी बाकी तो ऑर्डर ऐसा रहेगा ठीक है तो सोडियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन ये ऑर्डर आएगा तो एल्युमिनियम कहां पर है सोडियम के पास है तो आइनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी सोडियम के लगभग पास ही होगी इट विल बी मोर क्लोज टू 575 मतलब इसके आसपास वैल्यू हमें मिलेगी है ना इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा अरे भैया रुकेंगे नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे नहीं थकेंगे नहीं ग्रुप 13 के साइज का ऑर्डर ग्रुप 13 के साइज का ऑर्डर वही है ना बेटा कहां गया थैलियम का ज्यादा ही होता है अब यार साइज पे कहाँ वापस लेकर जा रहे हो तुम लोग वैसे भी समय नहीं है अभी है ना चलो ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से इसका आंसर दो जल्दी से। सेलिमेंट्स एनर्जी का ऑर्डर बैरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कर लोगे हाँ अरे आइनाइजेशन एनर्जी खत्म करके फिर ब्रेक लेंगे हाँ आइनाइजेशन एनर्जी को खत्म करके फिर ब्रेक लेंगे चलो बताओ फटाफट से बैरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट आईनाइजेशन एनर्जी पूछी है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से तो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन और फिर बेरिलियम बोरोन में से बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरोन की कम होती है ये आ गया ऑर्डर तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन बेरिलियम बोरोन फर्स्ट ऑर्डर ही सही आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आसान है आगे बढ़े आईई के इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स तो देख ही लिए हमने है ना इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स तो हम देख ही चुके हैं आई के एक काम करते हैं एक काम करते हैं तुम ये वाला क्वेश्चन करो पहले ये वाला क्वेश्चन करो ये भी कर लोगे खैर ये तो मैंने करवा ही दिया है छोड़ो इसको आ, ये क्या है अगेन अमंग्स द एलिमेंट फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन विच वन एनर्जी है ये वाला क्वेश्चन करो बेटा इसका आंसर दो है ना ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं बहुत जैसे कि 2009 में आया था ऐसा क्वेश्चन नीट में आपको देखने को मिलेगा चलेगा बेटा अभी तो चलेगा टेंशन नॉट क्वेश्चन करो फटाफट तुम लोग आपको क्या क्या दिया हुआ है देखो जरा ध्यान से ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए ना इनके एलिमेंट लिख लिया करो ये दिया हुआ है आपको सिलिकन ये फोर एस टू फोर पी थ्री और ये थ्री एस टू थ्री पी थ्री फोर एस टू फोर थ्री कौन है अपना आर्सेनिक थ्री एस टू थ्री थ्री कौन है फॉस्फोरस और थ्री एस टू थ्री पी ये क्या दिया हुआ है इसको वन ले, ले लेते हैं सिलिकन फॉस्फोरस या क्या करें हाँ वन ही ले, ले, ले लेते हैं चलो इसको वन लिख लो थ्री एस टू थ्री पी वन तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम ठीक है अब आपको इनमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बतानी है किसकी हाइएस्ट होगी ठीक है तो आपको देखो ये ये और ये ये तीन तो थर्ड पीरियड एलिमेंट दिए हुए हैं मतलब सिलिकन और एल्यूमिनियम और फास्फोरस ये तो दिए हुए हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट और आर्सेनिक दिया हुआ है इनके साथ

थर्ड पीरियड एलिमेंट है ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट है ठीक है अब कई बार आपसे क्वेश्चन बच्चों ऐसे पूछे जाएंगे कि सेकेंड आइनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ किसका सेकेंड आइनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर तो कैसे बताएंगे आपसे बोला जाएगा जैसे आपसे पूछा गया बेटा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सेकेंड आइनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में आपने क्या देखा था इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या था इसका 2p3 कॉन्फ़िगरेशन था और इसका 2p4 कॉन्फ़िगरेशन था लेकिन अब आपसे क्या पूछ रहा है सेकंड सेकंड आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी एनर्जी कब देखते हैं जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं इसका मतलब पहला तो हम निकाल चुके हैं पहला तो हम निकाल चुके हैं और पहला अगर हम निकाल चुके हैं पहला अगर हम निकाल चुके हैं तो इसका मतलब इन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया एक एक पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दो इलेक्ट्रॉन तो निकाल दो अब दूसरा निकालने वाले हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये 2p3 से क्या बन गया 2p2 बन गया इधर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये 2p4 से क्या बन गया 2p3 बन गया तो अब बेटा ये बन गया हाफ फिल्ड ये हाफ फिल्ड हो गया तो अब Z इफेक्टिव भी इसी में ज्यादा है और हाफ फील्ड भी यही है तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन से है ना तो क्या कर दो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाओ इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाओ तो पहले क्या कर लो इनका कॉन्फिग्रेशन लिख लो ये क्या था 2s2 2p1 ये क्या था 2s2 2p1 ये क्या था 2s2 2p2 ये था 2p3 ये था 2p4 और ये था 2p5 अब इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है सेकेंड आयोनाइेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2p से जाएगा तो ये टू बचेगा बस टू पी जीरो हो गया ये क्या बचेगा टू पी वन ये क्या हो जाएगा टू पी टू हो जाएगा टू पी थ्री ये हो जाएगा टू पी फोर क्या हो जाएगा टू पी फोर ठीक है तो बेटा यहां पर आप देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा देखो एनएस टू एनपी वन जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एन एन एनर्जी बढ़ेगा पर एन एस टू एनपी वन वालों में से एन एस टू वालों की ज्यादा और पी थ्री और पी फोर वालों में से पी थ्री की ज्यादा बाकी जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग लगा दो तो इन दोनों में से इसकी आईनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इसको पीछे ले आओ इसको आगे ले जाओ ऐसे इसको पीछे ले आओ इसको आगे ले जाओ तो सबसे पहले कौन आ जाएगा बेटा कार्बन फिर उसके बाद कौन आ जाएगा बोरॉन फिर उसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन फिर आ जाएगा फ्लोरीन फिर आ जाएगा ऑक्सीजन आसान है ठीक है? है ना तो बेटा अगर आपसे ये बोला जाए कि क्रोमियम और मैग्नीज़ आप इसमें आई ई वन और आई ई टू का ऑर्डर बताओ बता दोगे क्या आई ई वन और आई ई टू का क्रोमियम और मैग्नीज़ में सिमिलरली कॉपर और जिंक में भी आपको आई ई वन और आई टू का ऑर्डर बताना है बता दोगे क्या बता दोगे क्या देखो इधर अरे नालायक इधर देखो ये है फोर एस वन थ्री डी फाइव ये इसका कॉन्फिग्रेशन होता है और ये क्या है फोर एस टू थ्री डी फाइव ऐसे ही ये क्या है फोर एस वन थ्री डी टेन और ये है फोर एस टू थ्री डी टेन है ना अब कॉन्फिग्रेशन लिख लिए तो आइनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी लगा देंगे देखो यहां पर दोनों जगह फोरेस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालना है इधर फोरेस्ट टू है और जेड इफेक्टिव भी इसी में ज्यादा है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो इसका ज्यादा हो जाएगा ठीक है ऐसे यहां पर फॉरेस्ट वन और इधर फोरेस्ट टू दोनों जगह फोरेस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालना है सेम जेड इफेक्टिव भी उधर ही ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इसी की ज्यादा होगी ठीक है ऐसे ही नेक्स्ट आईई टू की अगर अपन बात करें तो आई टू में अपने को क्या देखना बेटा IE2 में अपने को क्या देखना है एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो फोर तो एस खाली कर दो इधर से ये बचेगा थ्री डी फाइव और इधर क्या बचेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर फोर एस वन थ्री डी फाइव क्या बचेगा कंपेयर करनी है तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो फोर तो एस तो खाली हो गया बचा क्या थ्री डी टेन और इधर क्या बचा फोर एस वन थ्री डी टेन तो बेटा यहां पर आपको हाफ फिल्ड और वो भी थ्री से इलेक्ट्रॉन निकालना है इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना है पेनिट्रेशन भी भी इसी ज़्यादा ज़्यादा है भी है हाफ फिल्ड यही इसकी हो जाएगी और ऐसे ही यहां पर अगर अपन देखें तो इधर फुल्ली फिल्ड और वो भी थ्री डी पेनीट्रेशन पावर भी इसी की ज्यादा स्टेबल भी यही सबसे ज्यादा तो यहां पर आइनाइजेशन एनर्जी कॉपर की ज्यादा हो जाएगी समझ में आया क्या समझ में आया क्या मेरे भाई ठीक है ठीक है। भाई जो लोग बने हुए हैं, उनकी हिम्मत को दाद दी जाती है क्योंकि कईयों ने तो हथियार डाल दिए हैं अभी तक अपन अभी नहीं डालेंगे अपन अभी और आगे पढ़ेंगे टेंशन नॉट हाँ मैं तुमको ब्रेक देता हूं अभी ये अपना आयनाइजेशन एनर्जी है आयनाइजेशन एनर्जी में एप्लीकेशन और बच रही है एप्लीकेशन और देख लो फिर उसके बाद आपको ब्रेक दे देता हूं है ना एप्लीकेशन फटाफट से हो जाएंगी बस अभी दस मिनट में है ना तो एप्लीकेशन ऑफ आइनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहला है मेटेलिक नेचर एप्लीकेशन ऑफ आइनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहला है मेटेलिक नेचर बेटा मेटेलिक नेचर की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को मेटेलिक नेचर बोला जाता है और और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को नेचर बोला जाता है और अगर किसी भी एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी किसी भी एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो यहां क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी अगर आइनाइजेशन एनर्जी कम तो मेटालिक नेचर ज्यादा तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप आपसे अगर मेटालिक नेचर का ऑर्डर पूछा जाए तो मेटालिक नेचर क्या होगा बेटा डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा क्योंकि डाउन द दा ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा तो मेटालिक नेचर तो बढ़ेगा ना मेरे भाई अरे समझ में आया क्या मेटालिक नेचर बढ़ेगा ठीक है सिंपल है, है ना ऐसे ही रिड्यूसिंग नेचर की बात करें अगर अपन तो रिड्यूसिंग नेचर भी रिड्यूसिंग नेचर भी आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि भाई आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी दिए जाएंगे जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा एलिमेंट उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा रिड्यूसिंग नेचर भी किस पर डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पर किस पर डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पर हाँ, लेकिन सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है, और भी फैक्टर्स होते हैं वो अब आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग में आगे समझाऊंगा ठीक है तो अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो नेक्स्ट तीसरी एप्लीकेशन है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तीसरी एप्लीकेशन क्या है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस <laughs> इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हैं अपन आइनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से कैसे सपोज कोई भी एक एलिमेंट दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि इसकी सक्सेसिव आइनाइजेशन एनर्जी इसकी जो वैल्यूज हैं वो ये हैं जैसे कि सपोज पहली जो है वो है फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर उसके बाद आ जाती है एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर उसके बाद दे दी जाती है सीधे सेवेंटी टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर उसके बाद एट्टी फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर उसके बाद सीधे वन ये है ना ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज तो यहां से आप क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्या आप यहां से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा कैसे देखो जैसे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही वो कैसा बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही वो कैसा बन जाएगा नियॉन के जैसा तो अब मैं एक और इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें से निकालना चाहूं तो अब इसने कैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया नियॉन के जैसा इसका मतलब अब ये स्टेबल हो गया और अगर ये स्टेबल हो गया अगर ये स्टेबल हो गया तो इसका मतलब अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा तो अब जब इसको मैं एन ए प्लस से एन ए टू प्लस में कन्वर्ट करूंगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्यों क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया तो मुझे इसकी मुझे इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में बहुत बड़ा गैप मिलेगा ऐसे मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला

फर्स्ट और सेकंड में उतना गैप नहीं मिलेगा सेकंड और थर्ड में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस मिलेगा क्यों क्योंकि तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है क्योंकि ये स्टेबल हो गया ऐसा ही आप यहां से देखकर पता लगा सकते हो क्या कि जैसे पहला इलेक्ट्रॉन देने में निकालने में इतनी एनर्जी दी दूसरा निकालने में इतनी एनर्जी दी तीसरा निकालने, निकालने में अचानक से ज्यादा एनर्जी नहीं दे रहे क्या अपन यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है तीन का यहां पर अचानक से डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं आ गया फिर इसके बाद भी देखो सेवेंटी और एटी में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है तो आपको बच्चों एक सडन लार्ज जंप देखने को मिल रहा है सडन लार्ज जंप देखने को मिल रहा है आइनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज में है ना आईनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज में सडन लार्ज जंप देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया होगा इसका मतलब इसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे दो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे दो इलेक्ट्रॉन तो जब भी आपको सडन लार्ज जंप मिल जाए वहां पर रुक जाओ उससे पहले देख लो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले दो इलेक्ट्रॉन निकाले इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जा जाएंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो आ जाएंगे कितने आ जाएंगे बेटा दो आ जाएंगे तो आपसे अगर ऐसे पूछा जाए कि इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस टू हो जाएगी ना क्योंकि प्लस टू में ये नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है प्लस टू में नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है इसलिए ये प्लस टू में ज्यादा स्टेबल होगा ठीक है ऐसे ही <coughs> ऐसे ही ऐसे ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड क्या हो जाएगा इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके हेलाइड का फॉर्मूला या हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा ऑक्साइड का फॉर्मूला अरे भाई इसकी वैलेंसी कितनी है दो है तो ऑक्साइड का फॉर्मूला इसका ए हो जाएगा ए क्या हो जाएगा ए ऐसे ही नाइट्राइड की बात करें तो ए टू एन थ्री या फिर गलत लिखा है ए थ्री एन टू क्या होगा ए थ्री एन टू कैसे निकालते फॉर्मूला अरे ऐसे निकालते हैं देखो ए जो एलिमेंट है ना उसकी वैलेंसी लिख लो इसके नीचे और नाइट्रोजन की वैलेंसी लिख लो इसके नीचे ऐसे क्रिस क्रॉस कर दो बस है ना ऑक्सीजन के साथ निकालना ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्मुला बनाएगा इसकी वैलेंसी लिख लो तो ए टू ओ टू आ जाएगा क्या आ जाएगा ए टू ओ टू सिंप्लीफाई कर दो क्या बन जाएगा ए क्या बन जाएगा AO. ऐसे ही नाइट्राइड का फॉर्मुला क्या गया? आ गया ए थ्री एन टू आ गया ऐसे ही हेलाइट का फॉर्मुला क्या आ जाएगा वैलेंसी दो है तो दो हेलाइट जुड़ जाएंगे ए एक्स टू आ जाएगा हाइड्राइड का फॉर्मुला क्या आ जाएगा ए एच टू आ जाएगा क्या जाएगा एच टू तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बाकी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं ठीक है ठीक है ऐसे एक लास्ट एप्लीकेशन और बच रही है फिर उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे है ना यह है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे देखो इसमें आपको क्या करना है इसमें कुछ नहीं बस आइनाइजेशन एनर्जीज का डिफरेंस लेना होता है अपने को ठीक है जैसे कि आप डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ले लो ठीक है यह वैल्यू आपको कुछ ना कुछ मिलेगी ये वैल्यू ये वैल्यू अगर लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका मतलब यह होता है कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी और अगर आइनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी ज्यादा स्टेबल होगी कैसे जैसे कि सपोज आपको यह पूछा जा रहा है बेटा कि Mg जी प्लस टू और Mg जी प्लस थ्री इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है तो ये तो आप देखकर ही बता दोगे कि एमजी प्लस टू ज्यादा स्टेबल है है ना आप देखकर ही बता दोगे एमजी प्लस टू ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये नोबल गैस अचीव कर लेता है लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ए एक एलिमेंट है ए इसकी प्लस टू और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में से ज्यादा स्टेबल कौन है यह पूछा जा रहा है तो यह कैसे पता लगाओगे ये कैसे पता लगाओगे तो देखो बेटा जब ए को ए प्लस में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये होगी फर्स्ट आइनाइजेशन एनर्जी प्लस टू में कन्वर्ट करोगे तो ये होगी इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी प्लस थ्री में कन्वर्ट करोगे तो ये होगी इसकी थर्ड आइनाइजेशन एनर्जी आपको बेटा कंपेयर क्या करना है कि ए प्लस टू और ए प्लस थ्री में से कौन ज्यादा स्टेबल है ये आपको पता लगाना है तो आप क्या कर लो इसकी और इसकी आइनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस ले लो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस ले लो आप आईई थ्री माइनस आई ई टू कर लो आई टू और आई थ्री का डिफरेंस निकाल लो ये डिफरेंस अगर आपको 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम मिलता है तो हाइयर वाली यानी कि प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल और अगर ये डिफरेंस 16 से ज्यादा मिलता है तो आपको लोअर वाली ज्यादा स्टेबल मिलेगी जैसे कि सपोज आई टू की वैल्यू आपको दे दी आई ई वन पंद्रह ले लेते हैं ये 18 ले लेते हैं और ये ले लेते हैं अपन कितनी वही पिछला वाले ले लेते हैं सेवेंटी ले लेते हैं है? तो आई तो टू और आई थ्री का डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको आई टू और आई थ्री का डिफरेंस कितना मिल रहा है सोलह से ज्यादा मिल रहा है सोलह से ज्यादा अगर मिलेगा तो उसका मतलब कौन सी वाली लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ए प्लस टू ज्यादा हो जाएगी तो यहां पर डिफरेंस कितना मिल रहा है 72 टू में से एटीन को माइनस करो कितना आ जाएगा सेवेंटी टू में से एटीन माइनस करो तो ये आ जाएगा कितना फिफ्टी कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा यानी कि 16 से तो ज्यादा ही मिल रहा है तो 16 से ज्यादा अगर मिलेगा तो इसका मतलब ये डिफरेंस आपको 16 से ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी यानी कि ए प्लस टू ज्यादा स्टेबल होगा प्लस थ्री से और यही वैल्यू अगर मुझे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम मिलती यही वैल्यू अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम मिलती तो ए प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल हो जाता ए प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल हो जाता ठीक है आसान है है ना तो ये था हमारा आयनाइजेशन एनर्जी और उसकी एप्लीकेशंस आइनाइजेशन एनर्जी और उसकी एप्लीकेशंस ठीक है ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तुम लोग करो है ना फिर उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं अपन ये क्वेश्चन करो मैं ब्रेक ले रहे हैं अपन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे पांच मिनट का है ना और तब तक आपको ये क्वेश्चन करके रखना है आप इस क्वेश्चन को करके रखो आपको थर्ड आइनाइजेशन एनर्जी बतानी है क्या बताना है आ, अच्छा सेकंड और थर्ड के बीच में ज्यादा डिफरेंस कहां मिलेगा ये आपको बताना है फटाफट से ये क्वेश्चन करो फिर उसके बाद वापस से मिलते हैं अगले टॉपिक पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे पूरी रात पढ़ेंगे आज पूरी रात टेंशन नॉट अरे नीट तक 700 तक जाना है ऐसे ही थोड़ी पहुंच जाएंगे फटाफट फड़ से क्वेश्चन करो पांच मिनट का ब्रेक ले रहे हैं बच्चों जल्दी से इसको करो फिर मिलते हैं हेलो 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 क्या मेरी आवाज आ रही है क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को आंसर क्या आया भैया अरे जिंदा हो या निकल लिए आ जाओ आ जाओ फटाफट फड़ से आ जाओ सभी लोग देखो आधी जनता ने तो बच्चों हथियार डाल दिए हैं लेकिन आप इतनी हिम्मत करके अगर अभी तक रुके हुए हो इसका मतलब वो जुनून वो जज्बा आप में है और आपका ये जुनून और जज्बा ही हमें ताकत देता है आगे बढ़ने की तो बच्चों बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग बस इसी तरीके से करते रहो मजा आ जाएगा इस बार सीरियसली चलिए तो क्या आंसर निकल गया बताएंगे आपके जज्बे को सलाम चलो तो आपके जज्बे को देखते हुए एक मोटिवेशनल शायरी सुना देते हैं आपको बहुत देर हो गई है ना पढ़ते पढ़ते क्यों ना एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए क्या बोलते हो अरे भैया कितने लोग चाहते हैं कि मोटिवेशनल शायरी हो जाए हाथ खड़ा करेंगे पढ़ते पढ़ते। पहले तो मैं आंसर बता देता हूं फिर उसके बाद तुम्हें एक मोटिवेशनल शायरी सुनाता हूं है ना सीरियसली वेरी गुड बहुत बढ़िया बस यही जज्बा चाहिए बस यही जज्बा चाहिए बच्चों किसी भी कीमत पे नहीं रुकेंगे बस अभी सुनाते तो देखो अपने को ये बोला बेटा कि सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में लार्जेस्ट गैप मिलना चाहिए तो अभी अभी अपन ने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी याद है दो इलेक्ट्रॉन निकालते ही उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया था तो उसकी सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में हाइएस्ट डिफरेंस मिला था अपने को हाँ, लोग आ रहे हैं भैया पलट के वापिस आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ तो यहां पर देखो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल के नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अचीव कर रहा है तो इसकी फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस मिलेगा ये थ्री और थ्री ये क्या है थ्री एस टू थ्री पी वन होगा कॉन्फिग्रेशन गलत लिखा हुआ है ओहो थ्री एस वन थ्री पी वन नहीं थ्री एस टू वन तो अभी इसके वैलेंस वेंशल में तीन इलेक्ट्रॉन है तीन इलेक्ट्रॉन देकर यह नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करेगा तो इसकी थर्ड और फोर्थ आइनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस मिलेगा यह चार इलेक्ट्रॉन देकर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करेगा तो इसकी चौथी और पांचवी आइनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस मिलेगा यह दो इलेक्ट्रॉन देगा और फिर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरा जब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे हाइएस्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा यानी आंसर आएगा डी बहुत बहुत बढ़िया बच्चों आप में से लगभग सभी का आंसर डी आया वेरी गुड वेरी गुड तो यह पहली लाइन खासकर तुम लोगों के लिए डेडिकेटेड मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा हौसला नहीं हारेंगे हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा चल रहे थे जो मेरे साथ कहा है वो लोग अभी बिल्कुल इसी सिचुएशन पे ये शायरी सूट कर रही है चल रहे थे साथ चल रहे थे जो मेरे साथ कहा हैं वो लोग सो गए भैया आराम करने लग गए खाना वाना खा पी के सो गए लेकिन तुम अभी भी डटे हुए हो बहुत बढ़िया चल रहे थे मेरे साथ जो लोग साथ कहां है वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा मैं चल रहे थे मेरे साथ कहां है वो लोग जो ये कहते थे रास्ते में बिखर जाऊंगा दरबदर होने से पहले कभी सोचा भी ना था घर मुझे रास ना आया तो किधर जाऊंगा याद रखे मुझे दुनिया तेरी तस्वीर के साथ अभी माहौल थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपन याद रखे मुझे दुनिया तेरी तस्वीर के साथ रंग ऐसे तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा रंग ऐसे तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा और लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर चला जाऊंगा जिधर रोशनी जाएगी मैं उधर चला जाऊंगा और एक आखिरी लाइन है रास आई ना मोहब्बत मुझे वरना साकी ये तुम्हारे लिए नहीं है ये मेरे लिए है रास आई ना मोहब्बत मोहब्बत मुझे वरना साकी मैंने सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा हर दिल में उतर जाऊंगा चलो आगे बढ़ते हैं वापस से उसी जोश के साथ नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी भी बोलते हैं बच्चों आसान सा टॉपिक है ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा एफिनिटी का मतलब क्या होता है एकदम आसान एफिनिटी का मतलब क्या होता है चाहत एफिनिटी का आसान भाषा में मतलब क्या होता है है चाहत थीके? चाहत ठीक मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जितनी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को पाने की जितनी चाहत होगी उसे ही क्या बोला जाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अरे वो शायरी मेरी नहीं थी वो तो टीप के थे अपन कहीं से ये तो किसी अच्छे शायर ने लिखी थी अपन शायरी वारी थोड़ी लिखते हैं ठीक है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है और इसका जो मेजर है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल कहलाता है मतलब किसी भी आइसोलेटेड गैसेज एटम में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाएगा आसान भाषा में ठीक है वेन इलेक्ट्रॉन इज ये एनसीआरटी की डेफिनेशन है बेटा वेन इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू न्यूट्रल चेंज मतलब उसमें जो एनर्जी चेंज आएगा Accompanying the the process is defined as electron Electron electron. gain enthalpy. Electron gain enthalpy. enthalpy provides a measure of ease with which an an atom adds an electron. मतलब अगर आपके पास कोई एक एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये एनायन बन जाएगा इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोला जाएगा क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या ये जो चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी क्या कहलाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी ठीक है ठीक है तो ये भी वही आइसोलेटेड गैसेज एटम होना चाहिए बेटा यहां पर जी लिखा हुआ होना चाहिए इधर एस या एल कुछ नहीं सिर्फ जी चलेगा ठीक है आइसोलेटेड गैसेज एटम अब लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी के, के केस में तो किसी भी एटम से एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन निकालो एनर्जी देनी पड़ेगी यहां ऐसा नहीं है यहां अगर कोई ऐसा एटम आ गया जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है जैसे कि नोबल गैस है अगर अगर यहां पे अगर मैं चेंज की बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी को डेल्टा एच ई से रिप्रेजेंट किया जाता है तो यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो बेटा ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो जाएगा या एक्सोथर्मिक हो जाएगा जल्दी से बताएंगे बेटा एंडो या एक्सो ये प्रोसेस कैसा रहेगा अरे बताओ ना अरे भैया जल्दी बताओ ना कैसा होगा एंडो या एक्सो हा एक्सोथर्मिक होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी एंथेल्पी की जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी नेगेटिव बेटा ये तो आपको याद ही होगा कि एंथेलबी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है केमिस्ट्री में और अगर एंथेलबी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है है ना यहीं पे अगर मैं कोई नोबल गैस ले आता यहीं पे अगर मैं कोई नोबल गैस ले आता तो क्या नोबल गैस इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है नहीं रखता है तो इसमें अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा तो यहां पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी तो नियॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए प्रोसेस कैसा होगा एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे हा एंडोथर्मिक होगा डेल्टा एच पॉजिटिव मिलेगा प्रोसेस कैसा हो जाएगा एंडोथर्मिक हो जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिलेट करने के लिए यहां पर एक टर्म दी हुई है मतलब एक इक्वेशन दे रखी है, डेल्टा एच ईजी जी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये जो लिखा है ये टर्म क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस फाइव बाई टू आर टी और जो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड है वो एप्सल्यूट जीरो पे डिफाइंड है किस पर डिफाइंड है जीरो पर यानी कि टी का वैल्यू अगर मैं जीरो रख दूं, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी क्या ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्या तो यहां से मुझे क्या टर्म मिलेगी मुझे ये टर्म मिलेगी क्या इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी इज इक्वस टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी यानी कि सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी इज इक्वस टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन में सिर्फ इतना सा है, कि अगर है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी मतलब डेल्टा एच इजी इक्वल टू माइनस ऑफ जो लिखा है ना ये जो लिखा है ना ये क्या है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके रिप्रेजेंट करते हैं अपन क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके रिप्रेजेंट करते हैं कड़क चाय एकदम कड़क मजा आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शेर थक गया पर शेर की आखिरी सांस भी निकल जाएगी ना तब तक शेर नहीं रुकेगा ठीक है बेटा यूनिवर्सल गैस है ना अरे नालायकों भूल गए क्या तुम लोग आर डिफाइन तो तो कर रहे हैं तो टी का वैल्यू जीरो, जीरो, तो ये जीरो ये रिप्रेजेंट किया है ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल तो एप्सोल्यूट जीरो पे डेल्टा एच ईजी टू माइनस ऑफ ई ये रिलेशन हमने यहां से निकाला है ठीक है सच में तुम्हारे जज्बे को सलाम है मुझे इतना झेल लिया तुम लोगों ने और अभी भी झेलने की ताकत रखते हो तो सच में सलाम है तुम्हारे जज्बे को आ जाओ उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं मतलब सीरियसली आज मेरे घर वाले ना तुम लोगों ने मेरी इज्जत थोड़ी सी बढ़ा दी है आज मेरे घर वालों को यह एहसास होगा कि अरे नहीं भैया <laughs> माहौल है थोड़ा मुझे झेला जा सकता है ये तुम लोगों ने आज प्रूव कर दिया है ठीक है चलो तो बेटा सबसे पहला फैक्टर हमेशा क्या रहेगा जेड इफेक्टिव तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जेड इफेक्टिव पर कैसे डिपेंड करेगा इफेक्टिव पर कैसे डिपेंड करेगा अरे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना और आसान हो जाएगा क्या क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा बढ़ेगा दूसरा फैक्टर हमेशा कौन सा होता है साइज साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पर साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना तो साइज बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ठीक है यानी कि एक पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा और अगर डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहीं पर आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहीं पर आती है कि अगर आप सेकंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट को कंपेयर करो यहां पर एक्सेप्शन देखने को मिलता है और यही आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्वेश्चन यहीं से आएगा पीरियड पीरियड एलिमेंट एलिमेंट मतलब फ्लोरीन और और थर्ड क्लोरीन इनमें अगर आप कंपेयर करो तो साइज किसका ज्यादा है साइज किसका ज्यादा है क्लोरीन का ज्यादा है स्टिल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा मिलती है बेटा क्लोरीन की ज्यादा मिलती है किसकी ज्यादा मिलती है <laughs> मजा आ गया हाँ। किसकी ज्यादा होगी क्लोरीन की क्यों होगा ऐसा देखो ऐसा होता है बेटा जो फ्लोरीन है वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तो जब इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इसका ऑर्बिटल कंपैरेटिवली छोटा है है ना तो उसमें जो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है वो डेंस है जबकि क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बढ़ जाने की वजह से ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम है मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में रिपल्शन थोड़ा कम है उसके केस में तो जब हम सेकेंड और थर्ड पीरियड वालों को कंपेयर करते हैं तो सेकेंड पीरियड वालों का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल होने की वजह से ऑर्बिटल छोटे होते हैं छोटे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एड करोगे तो यहां पर जगह कम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज्यादा मिलेगा और यहां पर ऐड करवाना इलेक्ट्रॉन को कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगा तो साइज में आपको क्या याद रखना है साइज बढ़ता है तो ये डिक्रीज होता है मतलब डाउन द ग्रुप तो ये डिक्रीज होगा लेकिन सेकंड और थर्ड पीरियड में ई का ऑर्डर क्या रहेगा बेटा सेकंड और थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड वालों का ई ज्यादा रहेगा यानी कि आपको फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपेयर करना है ऑक्सीजन और सल्फर में कंपेयर करना है नाइट्रोजन और फास्फोरस में कंपेयर करना है कार्बन और सिलिकन में कंपेयर करना है और कार्बन और सिलिकन के बाद बोरोन और एल्यूमिनियम ले लो आप उसमें भी यही ऑर्डर मिलता है आपको क्या ऑर्डर आ जाएगा बेटा ये थर्ड पीरियड वाले हैं इनका ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको देखने को मिलेगा इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा देखने को मिलेगा सेकंड पीरियड वालों से ये इनका ईए का ऑर्डर होगा ये इनका ई का ऑर्डर होगा बाकी डाउन द ग्रुप आप जाओगे बाकी डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजिंग मिलेगा मतलब आपने सी एल बी आर और आई यहां पर कंपेयर किया तो यहां पर सिंपल साइज वाला फैक्टर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा लेकिन एफ और सी एल में से सीएल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है तो इसका कंप्लीट ऑर्डर बेटा आपको मिलता है सी एल एफ बी आर आई ऐसा वाला ऐसे ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर सेलिनियम टेल्यूरियम में आप कंपेयर करोगे डाउन द दा ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का ज्यादा देखने को मिलेगा ऐसा क्यों हुआ क्योंकि थर्ड पीरियड वालों का साइज बड़ा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इनमें कम इनका साइज छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहां ज्यादा देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको ऑर्डर कुछ ऐसा देखने को मिलता है बेटा ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है ना उसमें ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आता है ये आपको याद रखना है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा ठीक है ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़े नेक्स्ट तीसरा फैक्टर तीसरा फैक्टर वही स्टेबल कॉन्फिग्रेशन अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया अगर स्टेबल कॉन्फिगुरेशन आ गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी जैसे कि फॉर एक्साम्पल मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करूं तो ये स्टेबल कॉन्फिगुरेशन है क्या है ना ये स्टेबल नॉन्फिग्रेशन है हाफ फील्ड है तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा हो जाएगा बेटा ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा ऐसी नोबल गैसेस के मैं बात करूं तो नोबल गैसेस में भी क्या हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम मिलेगा बिल्कुल मिलेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें कम मिलेगा ऐसे ही अगर मैं बेरिलियम और बोरॉन को कंपेयर करूं तो ये एन एस टू कॉन्फिग्रेशन है क्या और ये एन पी वन कॉन्फिग्रेशन है क्या एन टू फुल्ली फिल्ड सबशेल है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगी बेटा कम हो जाएगी स्टेबल कॉन्फिग्रेशन आ गया तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी तो मैं आपको सीधे सीधे वो एलिमेंट याद करवा देता हूं जिनमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं देखो बेटा ऐसे याद रखना नाइट्रोजन ठीक है नाइट्रोजन या पहले ऐसे लिख लो नोबल गैसेस नोबल गैसेस सेकंडे के एलिमेंट्स सेकेंड एलिमेंट्स मतलब अपने अल्कली अर्थ मेटल भाई अल्कली मेटल को फर्स्ट एलिमेंट और अल्कली अर्थ मेटल को सेकेंड ए के एलिमेंट बोलते हैं अपन है ना जैसे कि बेरिलियम है मैग्नीशियम है ना ये वाले अपने और नाइट्रोजन हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी वन मतलब इनमें पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तो जैसे नियॉन के लिए अपन ने लिखा था वैसे अगर मैं नाइट्रोजन के लिए लिखूं नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसको एन नेगेटिव बना रहा हूं तो ये प्रोसेस कैसा मिलेगा बेटा ये कैसा मिलेगा देखो क्या लिखा अभी अपन ने नाइट्रोजन सेकेंडे वाले और नोबल गैसेज इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इसका मतलब यह प्रोसेस कैसा होगा बेटा एंडोथर्मिक होगा कैसा होगा एंडोथर्मिक होगा है ना ठीक है तो बस आप यह जरूर याद रखना बेटा यह इंपॉर्टेंट नोट है कौन सा ये वाला कि नोबल गैसेस कैसेसैकेंडे वाले और नाइट्रोजन इनमें एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बाकी सभी में एनर्जी रिलीज होती है बाकी सभी में एनर्जी रिलीज होती है ठीक है देन फोर्थ फैक्टर है पेनिट्रेशन पार फोर्थ फैक्टर है पेनिट्रेशन पार पेनिट्रेशन पार तो आपने को पता ही है क्लोजनेस फ्रॉम द न्यूक्लियस है ना जैसे कि इसको अपन सीधे एग्जाम्पल के साथ लेंगे अगर बेटा आपको लिथियम और बोरॉन में कंपेयर करनी है लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2S1. का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है to to 2P1. अब अगर आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वो कहां ऐड होगा 2s में यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वो कहां ऐड होगा 2p में न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन है न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन है s है तो ज्यादा अट्रैक्शन इस केस में होगा मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान हो जाएगा लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरोन से ज्यादा होगी लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज्यादा हो जाएगी बच्चों बोरोन से तो ये थे हमारे फैक्टर्स है ना ऐसे आप इसके नीचे वाला भी ले लो सोडियम ले लो और इधर एल्यूमिनियम ले लो तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी सोडियम की ठीक है तो अब अगर अपन बात करें सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर की क्या ऑर्डर हो जाएगा बेटा क्या ऑर्डर हो जाएगा लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं अपन ठीक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो देखो इनमें से नाइट्रोजन हुआ नियॉन हुआ और बेरिलियम हुआ इन तीनों में तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है इन तीनों में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब क्या हो गया इन तीनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाकियों से तो कम है बाकियों में तो रिलीज हो रही है एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो है एटलीस्ट इन तीनों में तो देनी पड़ रही है उल्टा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है इसका मतलब इन तीनों की टेंडेंसी सबसे कम है और इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा स्टेबल है नियॉन क्योंकि वो नोबल गैस है तो सबसे कम किसकी हो जाएगी नियॉन की और इन दोनों में से Z इफेक्टिव क्योंकि उसमें ज्यादा है तो कंपेरिटिवली इन दोनों में से उसमें ऐड करना आसान है तो बेरिलियम और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की ज्यादा इन तीनों के लिए तो हमने डेल्टा एच ई जी वन कैसा मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है कैसा मिल रहा है बेटा पॉजिटिव मिल रहा है लेकिन अब बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो लिथियम और बोरॉन में देखो लिथियम और बोरॉन में से किसकी ज्यादा होती है बेटा लिथियम की तो क्या आ जाएगा पहले बोरॉन आ जाएगा फिर लिथियम आ जाएगा फिर उसके बाद बचा कौन कार्बन ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो इनको सिंपली जेड इफेक्टिव के ऑर्डर में लिख दो तो कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन। किसी भी पीरियड में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बेटा वो होती है उस पीरियड के हेलोजन की उस पीरियड के हेलोजन की और अगर आपसे ऐसे पूछा जाए ओवरऑल पीरियड में ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? किस है बेटा ये होती है हमारे क्लोरीन की क्योंकि फ्लोरीन से भी ज्यादा है. है ना ये किसकी हो जाएगी किसकी हो जाएगी क्लोरीन की ठीक है तो ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की है ना जो एग्जाम में पूछा जाता है क्या जैसे कि सपोज आपने ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है ना या इसको ऐसे लिखते हैं अपन पहले कोई भी एक एलिमेंट ले लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा के एम नेगेटिव बना दो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी क्या इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया इसको टू नेगेटिव बनाया तो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी क्या फिर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराया फिर ये थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी क्या है ना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये डेल्टा एच ई जी वन है ये डेल्टा एच ई जी टू है एंथेल्पी की टर्म में बात करेंगे तो डेल्टा एच ई जी लिखेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी और एनर्जी के टर्म में अपन ई लिखते हैं ठीक है तो बेटा डेल्टा एच ई जीवन मतलब इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कराने पर रिलीज होने वाली एनर्जी या दी जाने वाली एनर्जी ठीक है तो डेल्टा एच ई वन अभी अपन ने देखा किसी के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है और किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकती है ये मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव लेकिन जो डेल्टा एच ईजी टू है अब जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया तो अब इस एलिमेंट पर कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव और अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए लाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे एक दूसरे को और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है इस पर भी नेगेटिव चार्ज है तो अब ये मना कर देगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला है नहीं लेना आप मुझे पहले से नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा ये अगर रिपेल करेगा तो अब इलेक्ट्रॉन ऐड कराना आसान होगा या मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना मुश्किल हो जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी तो कोई सा भी एटम हो बच्चों दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए उसमें आपको ऑलवेज एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब डेल्टा एच ई टू कैसा मिलेगा ऑलवेज पॉजिटिव ऐसे ही डेल्टा एच ई थ्री जब ये पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव मिलेगा है ना और ये जो डेल्टा एच ई है ना इसकी वैल्यू भी आपको डेल्टा एच ई से ज्यादा ही मिलेगी एक बात याद रखना दी जाने वाली एनर्जी आपको हमेशा ज्यादा मिलेगी रिलीज होने वाली एनर्जी से तो डेल्टा एच ईजी वन और डेल्टा एच ईजी टू का जो सम आएगा डेल्टा एच ईजी वन और डेल्टा एच ईजी टू अगर इनका हम सम निकालें तो ये हमेशा कैसा मिलेगा अपने को पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो मिलेगा ये हमेशा कैसा मिलेगा पॉजिटिव देखो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं ऑक्सीजन है ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया ओ नेगेटिव बना इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है ना मतलब इसका जो डेल्टा है चीजी वन है माइनस लगा हुआ मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हो गई और जब ओ नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसको ओ टू नेगेटिव बनाएंगे तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथल मिल रही है ना वो प्लस का 740 फोर्टी जूल पर मोल मिल रही है प्लस का मतलब इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ओ पर पहले से नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिवली चार्ज है तो जब इस पर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा तो एनर्जी देकर ऐड करवाना पड़ेगा तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या मिल रही है 740 तो बेटा देखो यहां पर इनको दोनों प्रोसेस को कंबाइन कर दो तो दोनों प्रोसेस को कंबाइन कर दूंगा तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं मैंने O में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसको O2 नेगेटिव बनाया तो इसमें जो टोटल एंथेल चेंज आया उसमें क्या कर देंगे इन दोनों का सम कर देंगे क्या? इन दोनों दोनों का का सम सम कर कर देंगे देंगे क्या तो ये कितना आ आ जाएगा जाएगा सम कर देने पर प्लस का 600 आ जाएगा? तो यही तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एच ईजी और डेल्टा एच ईजी का सम ऑलवेज क्या आता है पॉजिटिव आता है मतलब किसी भी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर हमेशा एनर्जी देनी ही पड़ेगी किसी भी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर हमेशा एनर्जी देनी ही पड़ेगी इसको याद रखो मतलब आपसे अगर यह पूछा जाए कि सल्फर में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहा हूं, O2 S2 बना रहा हूं। ये प्रोसेस बताओ नाइट्रोजन में तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करके N3 थ्री नेगेटिव बना रहा हूं यह प्रोसेस कैसा होगा एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा जल्दी से बताएंगे कैसा होगा बेटा कैसा होगा ये प्रोसेस बताओ कैसा होगा देखो सल्फर में दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं ना क्या बोला था मैंने एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी में भी ऐड करवाओ प्रोसेस ऑलवेज एंडोथर्मिक। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी में भी ऐड करवाओ प्रोसेस ऑलवेज एंडोथर्मिक। ठीक है आसान है है ना बहुत बढ़िया बेटा देखो आप एनसीआरटी में अपने को ना कुछ वैल्यूज दे रखी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की और ये ऑर्डर हम लिख चुके हैं यहां पर तो देखो नॉर्मल ऑर्डर है एकदम डाउन द ग्रुप डिक्रीजिंग है ये हमने ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली इन दोनों का ऑर्डर लिखा एक जो इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे इस ऑर्डर को जरूर आप कॉपी में नोट करेंगे इसको कॉपी में जरूर नोट कर लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे मिनिमम होती है हमारे नोबल गैसेस में ठीक है ठीक है सर आप कहां से हो मैं कोटा से और कोटा से ही क्लास ली जा रही है आपको बोल रहा है देखो इधर आओ क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी एंड लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी ये भी एग्जाम में आ चुका है आपकी एनसी का भी आ चुका है आपको तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बता सकते हो क्या सल्फर, में से सल्फर की ज्यादा सल्फर क्लोरीन में से क्लोरीन की ज्यादा और क्लोरीन और फ्लोरीन में से भी क्लोरीन की ज्यादा तो मैक्सिमम किसकी आ गई क्लोरीन की मैक्सिमम तो बता देंगे सर लेकिन अब मिनिमम किसकी बताएं मिनिमम किसकी होगी है ना नेगेटिव पूछ रहा है मतलब मिनिमम ये पूछ रहा है तो इनमें से मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है मैक्सिमम तो क्लोरीन की आ गई मिनिमम किसकी आ जाएगी तो इसके लिए बेटा एक चीज याद रखना हेलोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन फैमिली से और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन फैमिली से अच्छा नाइट्रोजन फैमिली क्योंकि पीथरी कॉन्फिग्रेशन रखती है नाइट्रोजन फैमिली क्योंकि पीथरी कॉन्फिग्रेशन रखती है तो जो कार्बन फैमिली वाले हैं ना बेटा कार्बन फैमिली वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन फैमिली से ज्यादा होती है मतलब आप इसको यहां ले आओ और इनको यहां ले आओ सबसे कम नाइट्रोजन फैमिली फिर कार्बन फैमिली फिर ऑक्सीजन फैमिली देन हेलोजन ठीक है ये ऑर्डर चलता है तो मिनिमम किसकी हो जाएगी देखकर ही बता दो ये पीथ्री कॉन्फिगुरेशन है इसलिए स्टेबल है और सबसे कम वैसे भी नाइट्रोजन फैमिली वालों की होती है तो ये नाइट्रोजन फैमिली का मतलब मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी किसकी हो जाएगी फास्फोरस की हो जाएगी ठीक है ठीक है आगे बढ़े और ये कहां से आया बीच में एक इंपॉर्टेंट लाइन आई है बच्चों पी ब्लॉक के रिगार्डिंग Uh, हां जैसे पी ब्लॉक और एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है ना हमारे इनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एलिमेंट्स। या फिर मेन ग्रुप तो अपने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स सभी को मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोला जाता है इसको याद रखना ठीक है ये याद रखने वाला पॉइंट है क्वेश्चन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन देखो इस टाइप के क्वेश्चन है है ना ये अपने से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेरिलियम और बोरोन में से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज क्या है अब वैल्यूज तो अपने को कैलकुलेट करना कभी सिखाया नहीं गया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा देखो बेरिलियम और बोरोन इनमें से आइनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है ये बताओ जल्दी बताओ इनमें से आइनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है किसकी ज्यादा होती है बेरिलियम की ज्यादा होती है ना अरे तुमने तो आंसर ही दे दिया वेरी गुड बेरिलियम की ज्यादा होती है तो बेटा आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें फर्स्ट वाले की वैल्यू बड़ी और सेकंड वाले की वैल्यू छोटी हो बस वैल्यू अपने को यहां से कैलकुलेट नहीं करनी है बस देख के पता लगाना है फर्स्ट वैल्यू बड़ी सेकंड वैल्यू छोटी आंसर डी बहुत बढ़िया दिल जीत लिया तुम लोगों ने एक बार फिर से बस अब मैं मैं खुश हूं तुमसे तुम चाहो तो अब मेरी जायदाद अपने नाम करवा लो तुमने दिल प्रसन्न कर दिया मेरा एकदम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन बेटा चलो इसका ऑर्डर बताओ ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताएंगे जल्दी से तो अभी अभी क्या बताया था मैंने कि हेलोजन फैमिली की ऑक्सीजन फैमिली से ज्यादा होती है है ना तो इन दोनों की इन दोनों से ज्यादा होगी अब इन दोनों में से किसकी ज्यादा है इसकी ज्यादा है इन दोनों में से किसकी ज्यादा है इसकी ज्यादा है तो सबसे ज्यादा कौन आ गया क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर सल्फर फिर ऑक्सीजन आसान है है ना क्या आ जाएगा ओ एस एफ सी एल सी वेरी गुड वेरी गुड बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ एक बहुत बड़ा सा एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैंने आपको अभी करवा दिया है नोट्स में है ना ये अभी अभी किया अपन ने ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन ठीक है इसको ट्राई कर लेना ये हो जाएगा बेटा मैंने करवा दिया है ना इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं इसको आसान क्वेश्चन है और वैल्यू भी इससे मिलती जुलती ली थी अपन ने क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर अरेंजमेंट अरेन्जमेंट वेरिएशन प्रॉपर्टी ये तो मिक्स वाला क्वेश्चन है शायद है ना हाँ देखो ऐसा मिक्स वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा मिक्स वाला तो अब कैसे करें इसको कैसे करें इसको देखो आपने को मेटालिक रेडियस का ऑर्डर पूछा है डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा क्या डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा यह ऑर्डर अपने को कौन सा बताना है डस नॉट अग्री मतलब इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है ठीक तो है यह ऑर्डर तो करेक्ट है इंक्रीजिंग आइनिक साइज साइज का ऑर्डर देखो सारे है, सारे, Na और F सारे है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज तो ये भी करेक्ट ऑर्डर है फिर इधर देखो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इंक्रीजिंग फर्स्ट आइनाइजेशन एनर्जी अरे यार ये तो क्वेश्चन तुम लोग ऐसे ही कर लोगे ऐसे ही लोगे अरे भैया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है नाइट्रोजन की ज्यादा होती है मतलब इनकरेक्ट ऑर्डर यही होगा है ना और इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी का ऑर्डर दिया हुआ है एफ सी एल बी आर आई ओ हो ये भी तो इनकरेक्ट ही है आंसर बेटा सी भी होगा और डी भी होगा इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी देखो बेटा एफ की ज्यादा दे रखी है एफ की ज्यादा दे रखी है तो बेटा आंसर सी बी है और डी बी है इस क्वेश्चन के केस में आंसर सी भी होगा और डी भी होगा ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट मेन का एक है इसको करके बता दो इसको करके बता दो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा सीरियसली बहुत बढ़िया सी डी मोए मोए हाँ <laughs> जिन्होंने सिर्फ सी आंसर दिया जिन्होंने सिर्फ डी आंसर दिया मोए मोए हो गया उनके साथ आंसर जाएगा सी एंड डी बोथ चलो बेटा इसका आंसर दो फटाफट से इसका आंसर दो देखो ऐसा है अभी मैं तुमको छोड़ भी देता अगर ग्यारह बजे तुम क्या करते रील्स देखते आधे पौन घंटे फोन चलाते एक दो बजे तक वैसे ही जागते तुम लोग इससे अच्छा पढ़ाई कर लो ना बेटा रिवाइज हो रहा है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना क्या आंसर आ जाएगा अपने को क्या बोला एनए प्लस क्या बोल रहा है वट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉनिक प्लस इफ आई वन ऑफ एन ए ये तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं है बेटा ये तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं है चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो ये तो क्वेश्चन ही अधूरा है अब ये तो मेरे साथ मोए मोए हो गया ये टॉपिक पढ़ाता हूं इसके बाद वो क्वेश्चन तुमको समझ में आ जाएगा वो क्वेश्चन ही अधूरा है देखो देखो सुनो मेरी बात बेटा एकदम ध्यान से सुनना क्योंकि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करवाऊंगा मजा आ जाएगा वो क्वेश्चन करके ध्यान दो सभी लोग एफ से मैंने एफ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला या एफ में एक इलेक्ट्रॉन एड कर दिया एफ नेगेटिव बना दिया तो इस प्रोसेस में सपोज ई एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या आप देख पा रहे हो कि मैं एफ में एक इलेक्ट्रॉन एड कर रहा हूं पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं और इस प्रोसेस में ई एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या मैं ई को इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकता हूं ये ई क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफ हो जाएगा अरे इतना समझ में आ गया क्या सभी को इतना समझ में आ गया क्या अब देखो इस प्रोसेस को उल्टा कर दो इस प्रोसेस को उल्टा कर दो यानी कि F नेगेटिव से वापस F की तरफ आओ यहां से यहां गए थे तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ यहां से यहां आओगे तो उतना एनर्जी वापस देना पड़ेगा और अगर ये एनर्जी वापस देना पड़ रहा है ये ई एनर्जी वापस देना पड़ रहा है तो जो

अरे बताओ ना यार हा आयनाइजेशन एनर्जी तो बेटा एफ नेगेटिव में से आप ई एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो क्या ये ई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ नेगेटिव हो जाएगा यहां से यहां जा रहे थे तो वो इस एफ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था लेकिन जब इस प्रोसेस में उल्टा आ रहा हूं तो वो उसका एनर्जी बन जाएगा जितना एनर्जी यहां से यहां से जाने में रिलीज हुआ था उतना ही देना पड़ रहा है वापस यहां से आने में तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वही इसकी आईनाइजेशन एनर्जी है यानी कि मैं इसको इक्वल कर सकता हूं इसको एक एक ही चीज बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ नेगेटिव ऐसा बोल सकते हैं क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या ठीक है तो ये रिलेशन आपको याद रखना है क्या कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके एनायन की आइनाइजेशन एनर्जी होती है मतलब अगर किसी एनायन में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेक कर लो तो बेटा आप मुझे यह बताओ इसी के पैरल में एक और प्रोसेस लिख रहा हूं इसी के पैरल एक और प्रोसेस लिख रहा हूं है ना सीएल को सीएल नेगेटिव बनाया तो इसमें सपोज ई टू एनर्जी रिलीज हुई इसको बोल देते अपन E1, इसको बोल देते ई वन ई वन ई वन ई वन है ना और इसको बोल रहा हूं मैं ई टू टू क्या है ई टू सी एल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या ई टू सी एल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है अच्छा जब इतनी एनर्जी रिलीज हो गई यहां से यहां आने में तो यहां से यहां जाऊंगा तो वापस इतनी एनर्जी देनी पड़ जाएगी वापस से इतनी एनर्जी देनी पड़ जाएगी मतलब E2 एनर्जी ही देनी पड़ेगी तो ये E2 जो है ये क्या है बेटा क्या ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl है और यही E2 आइनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस है क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या ऐसा बोल सकते हैं तो मुझे एक बात बताओ क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सी एल इज इक्वल टू आइनाइजेशन एनर्जी ऑफ सी एल माइनस होगा आइनाइजेशन एनर्जी ऑफ सी एल माइनस होगा अब मुझे एक बात बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है सीएल की ज्यादा होती है या एफ की ज्यादा होती है क्या हमने अभी अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सी एल की ज्यादा होती है अरे इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है सबसे मैक्सिमम ही पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है सीएल की होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीएल की ज्यादा होती है और हम यह बोल रहे हैं सीएल की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वही उसके एनायन की आइनाइजेशन एनर्जी है यानी कि अगर मैं आपसे आइनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पूछूं आइनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी एल माइनस की या एफ माइनस की तो आपको जब भी एनायंस की आइनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है तो उनके एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा उसकी आईनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी क्या तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सी की ज्यादा है तो आइनाइजेशन एनर्जी सी माइनस की ज्यादा होगी आईनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी सीएल माइनस की अच्छा मैं आपसे यह पूछता मैं आपसे बेटा यह पूछता कि F और Cl में आइनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ क्या होगा F और Cl में आइनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा जल्दी बताओ आइनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी F की या Cl की जल्दी बताओ आइनाइजेशन एनर्जी Cl माइनस और F माइनस नहीं F और Cl में अरे नालायकों भूल गए एनर्जी अभी पढ़ा था डाउन द ग्रुप नॉर्मल ऑर्डर एफ की आईनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि एफ माइनस और सीएल माइनस में से आईनाइेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है तो यहां पर सीएल माइनस की आईनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है क्यों क्योंकि सीएल से सीएल माइनस आने में एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई थी तो सीएल माइनस से सीएल जाने में एनर्जी ज्यादा देनी भी पड़ेगी इन कंपैरिज़न टू एफ तो जब आपको सीएल माइनस और एफ माइनस को कंपेयर करना है तो आप इनकी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देख लो और अगर सिर्फ एफ और सीएल एटम दिए हैं तब आप नॉर्मल आइनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगा दो और आयनाइजेशन एनर्जी में जो एनायंस होंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी ना न्यूट्रल वालों से क्योंकि इनमें इफेक्टिव कम रहेगा इनके कंपैरिजन में तो इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों से कम रहेगी तो इन दोनों का ऑर्डर क्या आ रहा है देखो F और Cl फिर इनके बाद इन दोनों को रख दो फिर कौन आ जाएगा सीएल माइनस और एफ माइनस इतना खतरनाक ऑर्डर सीख लिया तुम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी का एफ सी F-Cl- एम एफ माइनस माइनस एनर्जी का ऑर्डर एफ माइनस F माइनस एफ और Cl. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल अगर दू चलो बताओ ओ एस और ओ माइनस और एस माइनस इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ ठीक है तो कैसे कंपेयर करें पहले ओ और एस इसमें आइनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है ठीक है तो कैसे बताएंगे O और एस में तो नॉर्मल ऑर्डर है ऑक्सीजन और सल्फर में तो ऑक्सीजन की ही ज्यादा होगी हमें पता है एकदम नॉर्मल ऑर्डर है लेकिन ओ नेगेटिव एस नेगेटिव जब भी एनायन दिख जाए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना हो तो हम इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी तो ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करने के लिए हम ओ और एस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखेंगे तो ओ और s में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है o और s में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है थर्ड पीरियड एलिमेंट की ज्यादा होती है s की ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी s नेगेटिव की ज्यादा होगी तो o s s नेगेटिव o नेगेटिव ये इनकी आयन बहुत खतरनाक ऑर्डर है ये ये आसानी से किसी को समझ में आता नहीं है ये तुम तो में से भी कईयों को नहीं समझ में आया होगा इसको जाके आराम से देखना

नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अभी तक तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया है बहुत अच्छा दिया है। तुम लोगों ने सोचा था क्या पीरियोडिक टेबल ये तो यही खत्म हो जाए, घंटे दो घंटे की बात है सर से दो चार बातें करेंगे इतने में सब खत्म हो जाएगा मोए मोए हो गया तुम्हारा <laughs> है ना जिसको नींद आ रही है बच्चों वो सो जाओ जिसको भूख लग रही है वो खाना खा लो और बाकी के सभी आ जाओ फिर से भिड़ते शेर नहीं सोएगा आज जब तक पीरियडिक टेबल खत्म नहीं कर लेगा शेर टस से मस नहीं होगा आ जाओ फटाफट फड़। वेरी गुड बहुत बढ़िया बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी क्या होती है electronegativity it is just a tendency of a covalently bonded atom of a covalently bonded atom to attract shared pair of electron shared pair of electron अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो सभी एक, एक एटम की प्रॉपर्टी थी जो अकेला था आइसोलेटेड था अब जो हम पढ़ रहे हैं बेटा अब जो हम पढ़ रहे हैं ये एक एक बॉन्डेड बॉन्डेड एटम एटम की एटम की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है है फॉर इसको समझने के लिए आप ऐसे देखो कि सपोज दो एटम्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़े हैं आपको यह मालूम है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है शेयरिंग से बनता है शेयरिंग से बनता है मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों देंगे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिया अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसका भी है और इसका भी है तो ये ए एटम का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है ये बी एटम का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये जो, जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है इस पेर है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ए जो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है वो कहलाती है इस ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी जो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है वो कहलाती है बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा इसको काय से रिप्रेजेंट किया जाता है काय सिंबल ऐसा होता है एक्स के जैसा दिखता है इसको बोलते हैं काय ए और इसको बोलते हैं B, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी अब इनमें से जिसकी खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तो यहां पर जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ भागेंगे जो ज्यादा खींच रहा होगा तो सपोज ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन ए की तरफ भागेंगे तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बी पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ भागेंगे बी पर 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 आ जाएगा, पर आ जाएगा जाएगा नेगेटिव ए पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड तोड़ने कहलाती तरफेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहलाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना इट इज जस्ट अ टेंडेंसी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है और ना ही एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है ना देनी पड़ती क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस ही नहीं हो रहा यह तो बस अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है जैसे कि तुम्हारी टेंडेंसी है क्या यह सोचने की कि मैं नीट में सेलेक्ट हो जाऊंगा डॉक्टर बन जाऊंगा यह तो तुम्हारी टेंडेंसी है लेकिन

टेबल रिवाइज कर रहे हो पिछले पांच छह घंटे से तो इसका मतलब आप एफर्ट लगा रहे हो एफर्ट लगा रहे हो इसका मतलब पल तो मिलेगा ना मेरे भाई सिलेक्शन तो लेकर ही जाएंगे आ मेरी जान घबराना नहीं है डरना नहीं है लगे रहना है कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में करके दिखाएंगे ठीक है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड नहीं करती है इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक याद रखना बेटा इस लाइन को है ना वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करती है याद रखना आईई करती है ईए करती है, IE करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं करती है ठीक है नेक्स्ट अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो शॉर्ट में बता रहा हूं पहला है, है ना अब तुम लोग भी थोड़े थोड़े थक गए होंगे थोड़े नहीं काफी थक गए होंगे तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें तुमको फटाफट फटाफट से बता देता हूं टेंशन नॉट ज्यादा थकान नहीं होगी सुबह तक सब क्लियर हो जाएगा है ना मुलीकन स्केल, मुलीकन स्केल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी होती है बेटा ये होती है आइनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी जो होती है मुलिकन स्केल के अकॉर्डिंग वो क्या होती है आईई और ई का एवरेज यानी कि मूलिकन स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिपेंड करती है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी पर और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी पर डिपेंड करती है ठीक है फैजू नो सर सारा पढ़ाओ देखा ये है जज्बा बहुत बढ़िया अरे सारा ही पढ़ाऊंगा मैं टेंशन मत लो तुम लोग ठीक है आज चाहे पूरी रात ढल जाए रात ढल जाए रात ढल जाए या तो तुम ठिकाने लग जाओ या फिर हम ठिकाने लग जाए तब तक पढ़ेंगे जब तक या तो तुम या मैं हम दोनों में से कोई एक ढेर ना हो जाए ठीक है देखते हैं आज कौन ढेर होता है पहले तो बेटा मुलिकन स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई और ई का एवरेज होती है नेक्स्ट है पॉलिंग स्केल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए है ना और तीसरा है ऑलरेड रॉशो ऑलरेड रॉशो स्केल हमारे सिलेबस में नहीं है सिर्फ उसका नाम दिया हुआ है है ना तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो हैं और पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी बेटा बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है कैसे करता है अभी समझने का टाइम हमारे पास नहीं है आज चैप्टर को ठिकाने लगा देंगे है ना या तो तुम ठिकाने लग जाओगे या मैं अभी अभी बेहोश हो जाऊंगा थोड़ी देर में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा अभी क्योंकि मेरे अंदर अभी इतनी एनर्जी है कि अगले 24 घंटे भी मैं इसी एनर्जी से पढ़ा सकता हूँ ठीक है तो बस या तो तुम या फिर मैं या फिर इस चैप्टर को ही ठिकाने लगा देंगे आज ठीक है आ जाओ फटाफट से बिल्कुल जोश के साथ एक बार कमेंट सेक्शन में आग लगाओ फटाफट से उस आग की जरूरत है हमें जो बच्चे थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं उनको आग दिखाओ थोड़ी अपने अंदर की और आग लगा दो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी से हा वेरी गुड वेरी गुड, गुड। बहुत बढ़िया तो बेटा पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड है कैसे रिलेटेड है यह या आपको याद रखने की जरूरत नहीं है पॉलिंग अंकल ने जितने भी कंसेप्ट बहुत खतरनाक कंसेप्ट दिए हैं हम एक कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में बहुत खतरनाक कंसेप्ट है बहुत मजेदार है ना तो इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज हमें दी है ना वही वैल्यूज हमें याद रखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या क्या वैल्यूज इन्होंने दी है ये वैल्यूज हमें दी है इन्होंने ये वैल्यूज दी है बेटा ये वैल्यूज आपको याद रखनी है और ये याद कैसे रखनी है बहुत आसान है बहुत आसान देखो सबसे सब पहली बात तो ये याद रखो कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वन सेकेंड पीरियड के ये सारे एलिमेंट्स हैं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव करके इंक्रीज होती है इसमें से कई वैल्यूज तो आपको याद होंगी पहले से ही है ना पहले से याद होंगी तो देखो लिथियम की होती है वन उसके बाद पॉइंट फाइव से बढ़ाते जाओ बेरिलियम की वन पॉइंट फाइव बोरोन की टू कार्बन की टू पॉइंट फाइव नाइट्रोजन की थ्री ऑक्सीजन की थ्री पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव से बढ़ाते जाओ थर्ड पीरियड वालों में पॉइंट थ्री से बढ़ाते जाओ सोडियम की वैल्यू होती है पॉइंट नाइन मैग्नीशियम की 1.2 फिर 1.5 फिर 1. फिर ऐसे पॉइंट थ्री से बढ़ाते जाओ बस फास्फोरस की होती है 2.1 इसके बाद पॉइंट फोर से इसके बाद पॉइंट फोर से और इसके बाद पॉइंट फाइव से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है इतना ध्यान रखना यानी कि सल्फर की टू पॉइंट फाइव और क्लोरिन की थ्री होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया है ना बहुत बढ़िया ऐसे ही अगर अपन बात करें डाउन द ग्रुप की तो देखो ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है बेटा ये सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है ये आपको जरूर याद होनी चाहिए एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से कि बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी है ना सिंपली फ्लोरीन की चार क्लोरीन की तीन ब्रोमीन की टू आयोडीन की टू पॉइंट की टू टू याद करनी पड़ेगी बेटा कोई ट्रिक नहीं है कोई जुगाड़ नहीं है इनको याद करने का प्लीज इनको याद कर लेना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये पार्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है अल्कली मेटल्स की वैल्यूज वैसे वो नहीं पूछता है है ना आज तक तो नहीं पूछिए <coughs> आगे भी नहीं पूछेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली नॉन मेटल्स की पूछी जाती है ज्यादातर नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन जिनपे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है पहले दो फैक्टर तो वही हैं जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव है ना और एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी भाई Z इफेक्टिव बढ़ता है ना एक पीरियड में एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो बढ़ेगी ना मेरे भाई देखो जरा इधर एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है ऐसे इधर देखो विदाउट एनी एक्सेप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है ऐसे अगर अपन साइज की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज का क्या रिलेशन हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाएगा क्या मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर डाउन द ग्रुप जाने पर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज़ बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है अभी अभी हमने देखा देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप जा रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है अरे बेटा अगर तुमने ये लेक्चर अटेंड कर लिया ना सीरियसली नीट के क्वेश्चन तुमसे अटेम्प्ट हो जाएंगे सारे के सारे जो भी पीरियोडिक टेबल के आएंगे मैं कह रहा हूं ना विश्वास तो करो ऐसी थोड़ी इतने हमें छह घंटे से ज्यादा हो गए साढ़े छह घंटे में हो गए मेहनत करते हुए तो हम बेवकूफ थोड़ी ना है मैं सीरियसली यही जुगाड़ लेकर आया हूं आपके लिए कि बस आपने अगर ये लेक्चर भी देख लिया क्वेश्चन भन्नाट तरीके से खत्म ठीक है नेक्स्ट तीसरा बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी यानी कि ऐसे बोल सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ऐसा बोल सकते हैं मतलब मैं आपसे अगर यह पूछू कि बेटा बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एल प्लस ए एल प्लस टू और एल प्लस थ्री इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रो अच्छा, न्ञ हो जाएगी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी बता दोगे क्या बता दोगे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आसान है आसान है है ना नेक्स्ट फैक्टर देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर परसेंटेज एस कैरेक्टर बेटा ऐसे तुम लोगों ने कुछ ना कुछ सुनाया क्या कभी एस पी एस पी टू एस पी थ्री ऐसा कुछ सुनाया क्या कभी जीवन में सुनाया क्या तो फिर तो ये भी सुना होगा कि इनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया अरे अभी भी एनर्जी बरकरार है तुम्हारे अंदर फिफ्टी परसेंट एस कैरेक्टर एस पी टू में कितना थर्टी थ्री कैरेक्टर और एस पी थ्री में कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट एस कैरेक्टर तो बेटा यहाँ पर एक चीज याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रपोशनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के ये हाइब्रिडाइजेशन में समझेंगे हम ऐसा क्यों होता है? है ना या ऐसे देख लो कि एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल और एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार के होते हैं तो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल छोटा होता है तो यहां न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एस पी टू के कंपैरिजन में भाई जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज उतना ही छोटा होता है इसलिए यहां पर न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है दैट मींस यहां पर एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बेटा आपसे अगर ऐसे पूछा जाए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा क्या यह कार्बन sp हाइब्रिडाइज है क्या यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और क्या यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा फिर इसकी मतलब sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है टू पॉइंट फाइव इसकी होती है टू पॉइंट एट और इसकी थ्री पॉइंट टू फाइव हो जाती है sp पी कार्बन की ये तो आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा है ना सर तानिया मुझे छेड़ रही है अब तो रहा है तू नालायक रात में साढ़े ग्यारह बजे लड़कियों से छिड़ रहा है क्या यार क्या डॉक्टर बनेगा रे तू रात में साढ़े ग्यारह बजे लड़कियां तुझे छेड़ देती है वहां हॉस्टल में क्या करेगा तू वहां लड़के छेड़ेंगे रात में साढ़े ग्यारह बजे ठीक है ठीक <laughs> है, नालायक पढ़ाई कर ले और हमारी स्लाइड्स का शतक पूरा हो गया है हमने सौ स्लाइड्स पढ़ दी हैं पूरे चैप्टर में स्लाइड्स का शतक पूरा तो एक सल्यूट आप सभी को अभी तक यह सब झेलने के लिए ठीक है एक लास्ट फैक्टर और बच रहा है बेटा एक लास्ट फैक्टर और बच रहा है वो भी देख लो टर्मिनल एटम्स टर्मिनल एटम्स पर भी डिपेंड करता है बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने वाली है जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इस मॉलिक्यूल में और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इस मॉलिक्यूल में सी एच फोर और सी एच फोर दोनों में कार्बन एसपी थ्री हाइब्रिटाइज है बट स्टिल यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है क्यों नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहां पर देखो टर्मिनल एटम जो लगे हुए हैं ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लगे हुए हैं और यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगे हुए हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है टू पॉइंट फाइव फ्लोरिन की कितनी होती है फोर हाइड्रोजन की कितनी होती है टू पॉइंट वन तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है फ्लोरीन तो फ्लोरिन यहां के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा का। उससे कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव और फ्लोरीन पर कैसा आएगा नेगेटिव अरे भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो को अपनी तरफ खींचेगा ना खींचेगा तो इस पर पार्शल और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे ये फ्लोरिन भी खींचेगा तो इस पर पार्शल पॉजिटिव इस पर पार्शल पॉजिटिव इस पर पार्शल और इस पर पार्शल पॉजिटिव तो देखो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा और अभी अभी अपन ने देखा था कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कि अगर बढ़ जाएगी तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल एटम्स पर डिपेंड करती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल एटम्स ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी ठीक है अब बात करेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ की। हमारा लास्ट टॉपिक है ये है ना मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का अरे इसके बाद तो अभी हिस्ट्री भी बची है अगर तुम चाहो तो हिस्ट्री भी जरूर पढ़ेंगे और चाहो क्या बिल्कुल पढ़ेंगे मतलब आज अपन बारह बजे तक या तो क्लास में अपन कभी बात किया करते थे कि ऐसा करेंगे आप बारह बजे से चार बजे तक क्लास लगाएंगे या एक क्लास ऐसी रखेंगे जो रात ही रात में चलेगी और फिर सुबह अपन पढ़ के सो जाएंगे आज वो सपना साकार हो गया अपना है ना <laughs> आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिकविटी बेटा सबसे पहली एप्लीकेशन है नॉन मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो बेटा नॉन मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन लेने की हां हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे बिल्कुल टेंशन नॉट पूरी पढ़ाएंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा मतलब क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बेटा एक पीरियड में एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है इसलिए क्या अपन ऐसा बोलेंगे नॉन मेटालिक नेचर भी नॉन मेटालिक नेचर भी बढ़ेगा नॉन मेटालिक नेचर भी बढ़ेगा बहुत आसान बॉन्ड पोलैरिटी बॉन्ड टी सेकेंड एप्लीकेशन बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब क्या होता है बेटा अपन ने अभी स्टार्टिंग में देखा था अगर एक एटम ए और एक एटम बी ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अगर जुड़े हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़े हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ए भी इसको खींचेगा और यह बी भी इसको खींचेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी यह उसकी तरफ खींचा चला जाएगा तो सपोज ए की इलेक्ट्रो ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ए अपनी तरफ खींचेगा उससे इस पर नेगेटिव और इस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा पार्शल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ये जो पार्शल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है ना इसी को बोलते हैं पोलैरिटी क्या बोलते हैं पोलैरिटी खाना शेर आज खाना नहीं खाएगा शेर आज पीरियोडिक टेबल पढ़ाएगा ठीक है शेर आज खाना नहीं खाएगा आज सिर्फ पीरियोडिक टेबल पढ़ा जाएगा तो बेटा इस पर पोलैरिटी डेवलप हो गई पोलैरिटी डेवलप होना तो ये पोलैरिटी किसकी वजह से डेवलप हुई इस ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है इसलिए जितनी ज्यादा डिफरेंस होगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतने ज्यादा ये चार्जेस डेवलप होंगे तो पोलैरिटी के लिए सिंपली अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या पोलैरिटी के लिए पोलैरिटी के लिए हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि पोलैरिटी का ऑर्डर बताओ बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर बताओ बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर एच एफ में एच सी एल में एच बी आर में और एच आई में क्या ऑर्डर आ जाएगा चलो जल्दी से बताओ बॉन्ड पोलैरिटी का क्या ऑर्डर आ जाएगा अब यार बेटा इतना रुक गए तो अब पढ़ ही लो ना यार अच्छे से क्या बार बार कब खत्म होगा कब खत्म होगा हो जाएगा हो हो जब होना होगा तुम लोग बस प्रोसेस का मजा लो तुम लोग बस पढ़ो मैंने कहा ना प्रोसेस का मजा लो सब अपने आप हो जाएगा ऐसे देखते देखते सिलेक्शन भी हो जाएगा ठीक है चलो सबसे ज्यादा अपने को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है 1.9 का आ रहा है इधर 2.1 और इधर 3.0 इधर 0.9 का आ रहा है इधर 2.1 और 2.8 इधर 0.7 का आ रहा है इधर 2.1 और 2.5 इधर 0.4 का आ रहा है डिफरेंस यहाँ पर ज्यादा पोलैरिटी यहाँ पर ज्यादा ठीक है तो बॉन्ड पोलैरिटी से ही बॉन्ड एनर्जी भी हम मेजर कर सकते हैं हम इसको रिलेट कर सकते हैं बॉन्ड एनर्जी से जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी भी होगी तो यहां पर आप बॉन्ड एनर्जी का भी सेम ऑर्डर बना सकते हो ठीक है बॉन्ड एनर्जी का यह ऑर्डर आप बना सकते हो ठीक है हो गया लिख लिया नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हमने देख लिया बच्चों नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमने देख लिया बॉन्ड अब हम आगे बढ़ रहे हैं बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ वैसे ये किसी काम की एप्लीकेशन नहीं है यह किसी काम की एप्लीकेशन नहीं है मतलब इसमें अपन एक नॉर्मल सा फॉर्मूला पढ़ते हैं स्टीवनसन एंड शुमाकर फॉर्मूला स्टीवनसन चलो ये नहीं समझाता मैं तुमको क्योंकि ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टीवनसन एंड फार्मूला एक फार्मूला है बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने का है ना ये फॉर्मूला चाहो तो लिख लो है ना ये होता है कोवोलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवलेंट रेडियस ऑफ बी माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ए और बी का मतलब कोई भी दो एटम ए और बी अगर ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ को इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की जरूरत पड़ती है ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है हमारे एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझ रहे हैं है ना नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अब देखो इसकी एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेटा एप्लीकेशन में चलो एक और है आई यू पी एस सी नेमिंग रिप्रेजेंटेशन यह भी एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए है ना मेन एप्लीकेशन तो इसके बाद आ रही है आई यूपीएससी नेमिंग और रिप्रेजेंट आई के अकॉर्डिंग आई के अकॉर्डिंग देखो जैसे कि मैंने लिखा एच टू ओ वैसे अगर H के जगह फ्लोरीन लगा दूं तो मैं इसको F2O नहीं लिखता आप इसको कभी भी F2O लिखा हुआ नहीं पाओगे आप इसको हमेशा ऐसा लिखा हुआ पाओगे ओ एफ टू ऐसा क्यों किया जाता है क्योंकि आई यूपीएस ऐसा बोलता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी ज्यादा है उसको आप बाद में लिखोगे क्यों क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना उस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो आईयूपीएसी जनरली ये रूल फॉलो करती है कि पहले कैटायन फिर एनायन को लिखा जाएगा तो यहां पर एच पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ओ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये तो ऑक्साइड है ये तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है लेकिन ये फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं है ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पे प्लस टू चार्ज है और फ्लोरीन पे माइनस वन चार्ज है वो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है और ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है ऐसा डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे चैप्टर का सबसे सबसे लास्ट और पार्ट आ रहा है इस चैप्टर का तो जिसने अभी तक ये पूरा लेक्चर अटेंड किया है उसको अब फल मिल जाएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का बच्चों सबसे लास्ट में आता है और वो है एनसीआर कॉर्नर है ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन है अपने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पूछी हुई है है ना तो फॉस्फरस की 2.1 होती है इसकी 0.9 होती है इसकी 1.2 होती है और इसकी कितनी होती है बेरिलियम की 1.5 और सिलिकन की 1.8 होती है इनको ऑर्डर के अकॉर्डिंग जमा देना ठीक है ये तुम लोग कर लोगे एनसीआर एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, क्योंकि यहां से सबसे है में. इस से, तो इसके लिए बहुत आसान सी एक ट्रिक है इसके लिए एक बहुत आसान सा जुगाड़ है क्या है सुनो मेरी बात पहले में आपको देखो जो हाइड्रोक्साइड के लिए वैलिड है ना वही ऑक्साइड के लिए भी वैलिड है तो मैं सिर्फ हाइड्रोक्साइड के लिए बताऊंगा हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ओ एच ग्रुप लगा हुआ है वो कहलाएगा एक हाइड्रोक्साइड अब ये हाइड्रोक्साइड एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है तो ये जो जिनॉन है ये कोई एक जिनॉन क्या ये एक्स जो है ये कोई एक एलिमेंट है कोई भी मेटल नॉन मेटल कोई भी हो सकता है ये उसका हाइड्रोक्साइड है मतलब उसमें एक ओएच ग्रुप लगा हुआ है अगर ये एच प्लस देगा तो ये एसिड और ओएच OH माइनस देगा तो बेस क्या ये लेक्चर क्लास इलेवन के लिए पढ़ सकते हैं बिल्कुल बेटा क्लास इलेवन वाले इससे पढ़ के अपना पीरियोडिक टेबल कंप्लीट तैयार कर सकते हैं एकदम चकाचक नीट के लिए ठीक है तो बेटा यहां पर हम देख रहे हैं कि एक ओ OH लगा हुआ है ये एक हाइड्रोक्साइड है, है ना अब ये आप लोगों को पता होगा कि जो जैसा होता है वो वैसा ही पसंद करता है जैसा बोलते हैं ना जो जैसा होता है उसको वैसी संगति पसंद आती है तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा पोलर मीडियम में वो जल्दी ब्रेक होगा जो ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा वो पोलर मीडियम में जल्दी ब्रेक होगा तो बेटा ओ और एच में अगर अपन कंपेयर करें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो इस बॉन्ड की पोलैरिटी देखो और इस बॉन्ड की पोलैरिटी देखो सपोज ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड है मतलब अगर ये NaOH है है ना ये एन है तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का अपन निकाल के देख रहे हैं ठीक है

ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी कि ऑक्सीजन की तरफ यानी कि ऐसे टूटेगा एन ए प्लस और ओ एच माइनस इस कंपाउंड ने ओ एच माइनस हाइड्रोक्साइड आयन दिया इसका मतलब ये कैसा हो गया बेस हो गया तो ये तो अपने को पता ही है ना कि एनएच कैसा होता है बेस होता है ऐसे ही अगर Cl का हाइड्रोक्साइड है तो अब यहां पर इसकी थ्री होती है इसकी थ्री पॉइंट फाइव होती है इसकी टू पॉइंट वन होती है अब डिफरेंस कहां पर ज्यादा है इधर पॉइंट फाइव का डिफरेंस है इधर पॉइंट वन पॉइंट फोर का डिफरेंस है तो डिफरेंस यहां ज्यादा है इसका मतलब इसको तोड़ने पर यह वाला इसको पानी में डालने पर यह वाला बॉन्ड टूटेगा क्योंकि यह ज्यादा पोलर है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पर ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन की तरफ भागेंगे इलेक्ट्रॉन और यहां से क्या निकल जाएगा ये H+ प्लस के निकल जाएगा इस कंपाउंड ने H+ प्लस दिया इसका मतलब ये क्या है एसिड है और ये ClO- नेगेटिव के फॉर्म में टूटेगा ClO- नेगेटिव और H+ प्लस तो इस कंपाउंड ने H+ प्लस दिया मतलब ये एसिड है ठीक है तो अगर कोई मेटल का हाइड्रोक्साइड है और मेटल जनरली लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं यानी कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड है तो वो कैसा होगा बेसिक होगा और अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो वो कैसा होगा एसिडिक होगा तो आपने ये लाइन सुनी है क्या नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे बेटा बेसिक होंगे जितना ज्यादा मेटालिक नेचर उतना ज्यादा बेसिक नेचर जितना ज्यादा नॉन मेटालिक नेचर उतना ज्यादा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा एसिडिक नेचर. नेचर एक कह रहा है सर मुझे तो दोबारा भूख लग गई आपको भूख नहीं लग रही क्या अभी तक <laughs> कोई बात नहीं बेटा दोबारा खा लो तो यही यही ऑर्डर ऑक्साइड्स के लिए भी वैलिड है नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेटा बेसिक होते हैं जनरली ऐसा हमें देखने को मिलता है ठीक है तो बेटा देखो आपसे ऐसे बोला जाए है ना अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है जहां से क्वेश्चन आता है सभी लोग ध्यान देंगे सभी लोग ध्यान देंगे आपको बताना है इनके बेसिक नेचर का ऑर्डर इनके बेसिक नेचर का ऑर्डर ऐसे ही आपको बताना है इधर इनके बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या बता सकते हो इनके बेसिक नेचर का ऑर्डर ऐसे ही आपको बताना है इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताना है और बेटा इनके बेसिक नेचर का ऑर्डर बताना है तो हमने क्या सीखा है सिंपल नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेसिक जितना सॉरी एसिडिक जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक नेचर उतना ज्यादा एसिडिक नेचर तो देखो जरा एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं क्या एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं लेफ्ट टू राइट जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा नॉन कैरेक्टर कैरेक्टर बढ़ेगा क्या? नॉन बढ़ेगा? तो कौन सा नेचर बढ़ेगा एसिडिक बढ़ेगा क्या बेसिक बढ़ेगा एसिडिक नेचर बढ़ेगा क्या मेरे भाई एसिडिक नेचर बढ़ेगा क्या तो इनका एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये आ जाएगा ऐसे ही अपने को एक ग्रुप के एलिमेंट दिए हुए बच्चों डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो कौन सा नेचर बढ़ता है मेटालिक नेचर बढ़ता है है क्या अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो मेटालिक नेचर बढ़ता है तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक नेचर इनक्रीजेज मेटालिक नेचर इनक्रीजेज तो बेसिक नेचर भी इंक्रीजिंग आ जाएगा अगर एसिडिक नेचर पूछा जाए तो रिवर्स ऑर्डर लगा दो है ना डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा ठीक है यही यही पॉइंट हाइड्रोक्साइड्स के लिए भी वैलिड है यही पॉइंट हाइड्रोक्साइड्स के लिए भी वैलिड है यानी कि मैं आपसे बेसिक नेचर का ऑर्डर पूछूं NaOH KOH RbOH एंड सीज़ियम हाइड्रोक्साइड इनके बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या रहेगा बेटा इनके बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो ठीक है और ऐसे ही एसिडिक नेचर का ऑर्डर बता दो क्या रहेगा इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या रहेगा देखो किनके इनके इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या रहेगा जल्दी से बताओ बेटा जल्दी से बेसिक नेचर अब बेसिक नेचर के लिए अपने को क्या देखना है जहां मेटालिक नेचर बढ़ेगा वहां बेसिक नेचर बढ़ेगा हाइड्रोक्साइड दे हाइड्रोक्साइडे एक ही ग्रुप के हाइड्रोक्साइड दे हाइड्रोक्साइडे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा है ना क्योंकि मेटालिक नेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी ऐसे ही अगर अपन देखें तो ये अपने को नॉन मेटल के हेलोजन के हाइड्रोक्साइड दे रखें मतलब अब अपने को एसिडिक नेचर चाहिए तो नॉन मेटालिक नेचर ज्यादा होना चाहिए डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक नेचर बढ़ता है डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक नेचर बढ़ता है तो नॉन मेटालिक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा नॉन मेटालिक कम होगा तो एसिडिक नेचर भी कम होगा तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर डिक्रीजिंग है तो इनका एसिडिक नेचर भी मतलब एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो नॉन मेटालिक नेचर भी डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर भी डिक्रीज होगा एसिडिक मैं आपको एसिडिक और बेसिक नेचर वाली दो स्लाइड ऐड करके दूंगा जिसमें सारे एसिडिक बेसिक नेचर लगे हुए होंगे सारे है ना मतलब खत्म होने वाला है बस ये अपना खत्म होने वाला है चलो बताओ फटाफट से एच ओ सी एल एस सी एल ओ टू एस सी एल ओ थ्री और एस सी एल ओ फोर बताओ बेटा यहां पर क्या ऑर्डर आ जाएगा एसिडिक नेचर का क्या ऑर्डर आ जाएगा एसिडिक नेचर का जल्दी बताओ इंक्रीजिंग आ जाएगा क्या बात कर रहे हो इंक्रीजिंग आ जाएगा कैसे पता चला भाई यहां पर तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर कर दिया था यहां पर किस बेसिस पर कर दे? किस बेसिस पर लगा दिया तुम लोगों ने सीएल पर क्या है सीएल ही तो है फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे आ जाएगा जल्दी से बताओ हाँ वेरी गुड ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है एक नंबर एक नंबर बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया तुम्हें देख ना दिल प्रसन्न हो गया आज सीरियसली बहुत मतलब मैं गदगद हो गया मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया आज है ना मतलब तुम सभी को मेरी तुम यार तुम सेलेक्ट हो जाओ जल्दी से और एक बार जल्दी से मिलने आओ है ना कंधों पे उठा लिया जाएगा तुम लोगों को तो बेटा एच ओ सी एल यहां पर जब आपको सेम एलिमेंट मिल जाए ना जब आपको कंपेयर करना हो एसिडिक बेसिक नेचर तो या तो डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे डिफरेंट एलिमेंट मिले तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कर दो सेम एलिमेंट मिले तो फिर क्या कर दो चार्ज के बेस पे कर दो क्योंकि एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है तो फिर कैसे पता लगाए तो चार्ज के बेसिस पे देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो कौन सा नेचर बढ़ेगा मेटालिक नेचर बढ़ेगा क्या अरे नहीं नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा ना मेरे भाई नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर तो बढ़ेगा ना हाँ, मेरी जान समझ में आ गया क्या समझ में आ गया समझ में आ गया नेक्स्ट तो ये था हमारा एसिडिक बेसिक नेचर है ना अब कई एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना मैं आपको डायरेक्टली याद करवा देता हूं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बेटा है ना देखो न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रखने हैं है ना एन टू ओ एनओ और सीओ ये ना एसिडिक है ना बेसिक है इनको डायरेक्टली याद रखो ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं एन टू ओ एनओ ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं एक H2O पर बहुत बहस चलती है कि ये न्यूट्रल है या नहीं तो H2O भी न्यूट्रल होता है आप उसको काउंट करते हो न्यूट्रल ऑक्साइड में है ना पर क्योंकि हम H2O के बेसिस पे ही एसिडिक और बेसिक नेचर डिफाइन करते हैं इसलिए हम उसको यहां पर नहीं लेते हैं ऐसी बेटा ऑक्साइड्स ये भी आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए ये भी आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए तो इसको याद करने की एक ट्रिक है और बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑक्साइड्स में यही है है ना क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में डायरेक्टली डायरेक्टली पूछे जाते हैं ठीक है तो कैसे याद रखने कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके सभी ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं कुछ ऐसे हैं जिनके कुछ पर्टिकुलर ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं ठीक है तो इसको ऐसे याद करते हैं अवन पंजाबी अली गाना सुने कार में और बोले और बोले ऐसे वाह कैसे याद किया इसको पंजाबी पंजाबी अली गाना सुने कार में और बोले ऐसे वाह या चलो पूरे याद करवा देते हैं देखो पूरे पूरे लिखवा देता हूं अब जब तुम यार इतना इतनी मेहनत कर रहे हो इतना रुके हो तो फिर तुमको चीज भी क्लासिक वाली देते ना देखो ये जो सभी ऑक्साइड्स है ना इनके सभी ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं ये सभी एलिमेंट्स के सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं इनके कुछ पर्टिकुलर ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं और कुछ हमारे पास ऐसे हैं Sb2O3 As2O3 एंड V2O5 ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं तो इनको ऐसे याद करो देखो इनके सारे ऑक्साइड्स मतलब जैसे PbO हुआ PbO2 हुआ कोई सा भी ऑक्साइड दिख जाए उसको एम्फोटेरिक बोल दो पीबी थ्री ओ फोर कैसा होगा एम्फोटेरिक होगा जिंक बारह बज गए क्या अरे वाह बारह बजे तक टिके हुए तुम लोग यार जेड एन ओ बी ओ एल टू ओ थ्री जी ए टू ओ थ्री और एस एन ओ एंड एस एन ओ टू है ना क्रोमियम में बेटा क्रोमियम के इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नीज़ की इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब प्लस थ्री और प्लस फोर वाले ऑक्साइड ही एम्फोटेरिक होते हैं सभी नहीं होते कौन कौन से खासकर Cr2O3 टू ओ थ्री सी आर थ्री चलो छोड़ो वो अपने है ही नहीं एनसीईआरटी में क्यों लिखे उसको ऐसे एम एन की बात करें तो बेटा एम एन ओ टू एम एन टू ओ थ्री एम एन थ्री ओ एट ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं ऐसे ही एस बी टू ओ थ्री ए एस टू ओ थ्री वी टू ओ फाइव ये भी ऑक्साइड हैं। पंजाबी अली गाना सुने कार में सब बोले ऐसे वाह सब बोले ऐसे वाह थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच पागल लड़की वाह नाम भी कैसे रखते हो तुम लोग यार पागल लड़की पागल लड़की बोल रही है हैप्पी बर्थडे सर थैंक यू सो मच अरे नाम तो सही रख लो ना लाए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलो तो ये अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट भी खत्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं आपको है ना इसमें दो स्लाइड्स ऐड कर दूंगा जिसमें एसिडिक बेसिक नेचर के सारे ऑर्डर लिखे हुए हैं सारे के सारे ऑर्डर ठीक है तो टेंशन मत लेना आप जब भी इनको रिवाइज करोगे एक भी ऑर्डर नहीं छूटेगा एसिडिक और बेसिक नेचर का ठीक है जिसमें वो एक्सेप्शनल ऑर्डर भी लिखा हुआ होगा ये वाला एच थ्री पी ओ फोर एच थ्री थ्री एच थ्री टू ये वाला एक्सेप्शनल ऑर्डर इसमें एसिडिक नेचर का ये ऑर्डर रहता है याद रखना भूल मत जाना है ना मैं एक स्लाइड ऐड कर दूंगा जिसमें ये सारे एसिड्स के एसिडिक नेचर और ये सब लिखे हुए होंगे है ना ये इनके एसिडिक नेचर और रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर होता है ये इनके एसिडिक नेचर और रिड्यूसिंग होता है तो बच्चों पीरियोडिक टेबल हमारा पूरा हो चुका है रात के बज रहे बारह तारीख पांच से 6 हो चुकी है और आप अभी भी लगे हुए हो हेड्स ऑफ टू यू मानना पड़ेगा आप सभी को मानना पड़ेगा सीरियसली यह हमने पीरियोडिक टेबल हमारा कंप्लीट किया अब हमने जो पढ़ा है ना कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन अपने से बन जाएगा हमने सारे कंसेप्ट एकदम बेसिक से पढ़े हैं हमने क्वेश्चन भी देख लिए हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की तो जिसको हिस्ट्री पढ़नी है वो रुके बाकी के लोग सो सकते हैं हिस्ट्री पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा थोड़ा सा टाइम लगता है है ना कोशिश करेंगे आधे घंटे से भी कम टाइम में हम इसको कंप्लीट कर दें जेंसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी कि हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल ठीक है सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सभी का डेडिकेशन देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है आज मैं नहीं बता सकता कैसे मैं मेरी भावनाओं को व्यक्त करूं तुम्हारे लिए मानना पड़ेगा बच्चों चलो आ जाओ फटाफट फ़ड़ से जें कंप्लीट करते हैं ब्रेक ब्रेक तो नहीं चाहिए ना वैसे इसको पढ़ना ब्रेक के ही समान है आपको कुछ करना नहीं है आपके दिमाग पर मतलब आपके घुटनों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा इसको पढ़ते हुए टेंशन नॉट ठीक है इसको आराम से कर लेंगे अपन इसको आराम से कर लेंगे है ना या चलो ठीक है दो मिनट का ब्रेक ले लो बारह पांच हो रहे हैं बारह सात से चालू करते हैं ठीक है दो मिनट का ब्रेक ले लो तब तक मैं भी कॉफी है या चाय है कुछ तो है ये मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं कि ये क्या है तब तक तुम लोग दो मिनट का ब्रेक ले लो हम्म दिखने में तो चाय लग रही है पर है ये कॉफी चलो हमारा मूड चेंज हो गया है क्योंकि कॉफी बहुत ही गंदी है तो हम अब दो मिनट की जगह एक ही मिनट का ब्रेक लेंगे बहुत ही गंदी कॉफी है अच्छी <laughs> हाँ तो आ जाओ जें ऑफ पीरियोडिक टेबल तो बेटा देखो इसमें अपन हिस्ट्री की बात करेंगे तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अपनी पीरियोडिक टेबल है इसको बनने में लगभग लगभग 200 से ज्यादा साल का टाइम लग गया सन 1800 से पहले की बात है जब से लोग इसको एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में जमाने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में है ना मजा आ रहा है बिल्कुल, अरे मजा आ रहा है या नहीं नालाय को सबसे ज्यादा जो तो डिमांड थी वो थी पीरियोडिक टेबल के वन शॉट के आ गया पीरियोडिक टेबल का वन शॉट मजा आ गया है ना सोच रहे थे कि आज सारे दुख दर्द पीड़ाएं दूर हो जाएंगी पता चला आज ही सबसे ज्यादा दुख-दर्द और पीड़ाएं मिल रही हैं शरीर को मोए <laughs> आ जाओ बच्चों दिन अगर तुमने आज पूरे डेडिकेशन के साथ ये लेक्चर अटेंड किया है तो बेटा पीरियोडिक टेबल तुमको पूरा वापस से रिवाइज हो गया होगा और ये तुमको फायदा देगा सीरियसली सीरियसली तुम्हें फायदा देगा तो बेटा बात कर रहे हैं हम हिस्ट्री की तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कोशिश कर रहे थे लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे थे जिन्होंने ठीक ठाक क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें से एक थे दोबराइनर। दोबराइनर। इन्होंने क्या किया एलिमेंट्स को उठाया उनकी स्टडी की और तीन -तीन डिवाइड किया जिसको हम बोलते हैं ट्राइड ट्राइड क्या है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स ट्राइड क्या है बेटा ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स इन्होंने तीन ऐसे एलिमेंट लिए हर कोई हर कोई तीन एलिमेंट का ग्रुप नहीं बना लिया ये जो तीन एलिमेंट थे ना ये कुछ इस तरीके से इन्होंने उठाए कि इनमें से पहले और आखिरी का जो एटॉमिक वेट है वो बीच वाले के के एटॉमिक वेट मतलब बीच वाले का जो एटॉमिक वेट है वो पहले और आखिरी के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर हो कैसे जैसे कि अगर अपन बात करें विद एग्जाम्पल बात करते हैं अपन जैसे डोबराइनर ने अपने को बोला कि ये लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ट्राइड है इसका क्या मतलब हुआ कि इसका अटोमिक वेट और इसका अटोमिक वेट इन दोनों का मैं एवरेज कर दूं तो मुझे इसका अटोमिक वेट मिल जाएगा तो करके देखो जरा सेवन प्लस थर्टी टू कितना हो जाएगा ये फोर्टी सिक्स बाय टू यानी कि ट्वेंटी थ्री आ जाएगा तो अकॉर्डिंग टू डोबराइनर लिथियम सोडियम पोटेशियम आर कॉल्ड अ ट्रायड और ये जो ट्रायड है इसमें इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो होती है वो सिमिलर होती है ऐसा डोबराइनर ने बताया तो ऐसे कुछ ट्राइड इन्होंने हमें दिए जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्टोनडियम बैरियम सीएल बी आर आई ये तो अपने को सिर्फ एनसीआरटी में दिए हुए हैं इसके अलावा भी कई सारे हैं पर टेंशन नॉट बच्चों अपने से एग्जाम में आज तक इनमें से कोई भी नहीं पूछा गया इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है टेंशन नॉट ठीक है तो देखो कैल्सियम स्टॉन्टियम बेरियम में भी ऑलमोस्ट इक्वल है ठीक है तो ट्राइड रूल क्या था बेटा ट्राइड रूल क्या था ट्राइड रूल क्या था मैं ट्राइड रूल लिख देता हूं यहां पे ट्राइड रूल क्या था ट्राइड रूल था एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स शॉर्ट में लिखा है ना भाई मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है वो बाकी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर होगा ठीक है तो ये था डॉबरीना ट्राइड है ना अच्छा ये जो बात चल रही ना ये चल रही है सन अट्ठारह सन सत्रह तब की तो उस टाइम पे उस टाइम पे एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक वेट पर बात चलती थी तो अभी हम जो भी चीजें पढ़ेंगे ना सभी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर अभी डिस्कवरी नहीं हुआ है न्यूलैंड एक अंग्रेजी साइंटिस्ट थे मतलब इंग्लैंड के रहने वाले थे न्यूलैंड इंग्लिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने इन्होंने जब एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को जमाया तो इन्होंने पाया कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये प्रॉपर्टीज अपनी रिपीट करते हैं जैसे कि इन्होंने जमाया जैसे लिथियम बेरिलियम ऐसे है ना

जैसे कि संगीत के सात सुर के बाद हमेशा जो आठवां सुर आता है वो वापस से वही होता है जो पहला सुर होता है सारे गा मा पाधा नी और फिर उसके बाद आठवां सुर वापस से सात आता है।, है ना तो ऐसे ही इन्होंने देखा कि हर सातवें के बाद जो आठवां एलिमेंट आ रहा है वो पहले की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इनको लगा कि ये तो मजा आ गया अपने को एक ट्रेंड मिल गया इनको जमाने का तो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ न्यूलैंड ने एक ऑक्टेव लॉ दिया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जब हम एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं तो हर एट्थ एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की जैसी प्रॉपर्टी शो करता है इसको बोला जाएगा न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ

जैसे ग्रेविटी के जो लॉ है कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिसके पास मास है वो ग्रेविटी के लॉ फॉलो करेगा अब ये कैसा लॉ हुआ कि भाई किस तक एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर बीस तक के एलिमेंट है कैल्शियम तक के एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं उसके बाद वाले फॉलो नहीं कर रहे इनको बोला लो ने आप घर जाओ आराम करो संगीत सीखो सारे गामा पादनी सा करो साइड हो ठीक है इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैं अच्छा मैंडलीव से पहले ना एक और साइंटिस्ट थे है ना पर उनको उनको ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती है उनके क्लासिफिकेशन को उतना ज्यादा नहीं कंसिडर किया जाता है ये थे लोथर मेयर और इन्होंने गलती क्या की थी इनकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग थी तो इन्होंने कर्व बना के दे दिया उस कर्व में एलिमेंट्स को जमा दिया इन्होंने जो कर्व दिया था वो दिया था एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में इन्होंने एटॉमिक वेट और अटोमिक वॉल्यूम के बीच में बेटा एक कर्व बना के हमें दिया और वो कर्व जो हमें मिला वो कुछ इस तरीके का मिला ठीक है इस कर्व में हमें कुछ रिपीटेड पैटर्न्स मिले मैं फटाफट से आपको बता देता हूं क्या क्या रिपीटेड पैटर्न्स मिल रहे थे इसमें जैसे कि ये जितनी भी टॉप की पोजीशंस है ना यहां पर हमें मिल रहे थे अल्कली मेटल्स जैसे कि ये ये लिथियम हो गया सोडियम पोटेशियम सीजियम ये सब हमें मिला ठीक है तो जितनी भी टॉप पोजिशन है सब पर कौन मिल रहा है अपने को अल्कली मेटल्स ठीक है जितनी भी डिसेंडिंग पोजिशन है जितनी भी डिसेंडिंग पोजिशन हैं, इन पर मिल रहे थे अपने को अल्कली मेटल्स क्या मिल रहे थे earth metals. जैसे ये berylium, ये मैग्नीशियम कैल्शियम और जितनी भी असेंडिंग पोजिशन है वहां पर कौन मिल रहे थे अपने को हेलोजन कौन मिल रहे थे Halogens. जैसे कि एफ सी एल बी आर आई तो बेटा असेंडिंग पोजिशन पर कौन थे असेंडिंग पोजिशन पर थे हेलोजन है ना बस यही याद रखना होता है इसके बारे में डिसेंडिंग पोजिशन पर कौन थे डिसेंडिंग पोजिशन पर थे अपने अल्कली अर्थ मेटल्स यानी कि सेकेंड ए के एलिमेंट्स अल्कली अर्थ मेटल्स और टॉप पोजिशन पर कौन थे टॉप पोजिशन पर हमारे अल्कली मेटल्स हमारे अल्कली मेटल्स बाकी सभी मेटलॉइड्स बाकी सभी मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो थे बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व में है ना यहां पर इतने ही क्वेश्चन बनते हैं कि मैंडली अपने लोथर मेयर ने जो कर्व दिया था वो किस किस के बीच में दिया था वो दिया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ठीक है और टॉप पोजिशन पे कौन है अल्कली मेटल असेंडिंग पर कौन है हेलोजन डिसेंडिंग पर कौन है अल्कली अर्थ मेटल बस इतना याद रखना है फिर नेक्स्ट आए हमारे बहुत तगड़े साइंटिस्ट जिनका नाम था मेंडलीव मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी मेंडलीव ने क्या किया मेंडलीव ने एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक वेट के सबसे तगड़ा जो क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था मेंडलीव ने और हमारी आज की जो पीरियोडिक टेबल है बच्चों वो भी Mandeliev की पीरियोडिक टेबल पर ही बेस्ड है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है तो मेंडलीव ने एक लॉ दिया वो कहलाया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ मेंडलिव पीरियोडिक लॉ मैंडलीव ने क्या किया मैंडलीव ने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को जमाया और उसने पाया कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। जिसको इन्होंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया क्या इन्होंने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर क्या होगा अटोमिक वेट क्योंकि बेटा अभी अटोमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था मैंडलीव के टाइम तक भी अटोमिक वेट को ही

एटॉमिक वेट पर बेस्ड है ठीक है जब एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज एक पीरियड के बाद एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होंगी इसे बोला जाएगा मेडलिव पीरियडिक लॉ तो इन्होंने जमाया ने एलिमेंट्स को जमाया पर वो पीरियॉडिक टेबल हमारे काम की नहीं है हमारी एनसीआरटी में दी हुई है वो हमारे काम की नहीं है लेकिन हाँ इन्होंने कुछ बढ़िया बातें हमें बताई थी इन्होंने कुछ अच्छी बातें हमें बताई थी जैसे कि इन्होंने हर एक ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया था पता है इनके अकॉर्डिंग की पीरियोडिक टेबल में की पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने थे स्टार्टिंग में आठ थे स्टार्टिंग में आठ ग्रुप थे आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस नोबल गैसेस डिस्कवर होने के बाद नाइन्थ ग्रुप ऐड हुआ था वाज एडेड और मेंडलीव ने उसका नाम रखा था जीरो ग्रुप एंड वाज नेम्ड जीरो ग्रुप इसका नाम क्या रखा गया था बेटा

मतलब आज हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एक साथ इतना लंबा लेक्चर लेकर पीरियोडिक टेबल का पूरा आप सभी लोगों ने बहुत बहुत साहस दिखाया है आज सीरियसली अगला चैप्टर बता दूं इससे भी लंबा होने वाला है क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग है समझे क्या <laughs> चिंता मत करो वो भी इतना ही रहेगा पर हाँ बारह तो उसमें भी बजेंगे पहले ही कह रहा हूं मैं बारह बजेंगे मतलब टाइम बारह जरूर बजेगा ठीक है ये हो गया फिर मैडलिव की पीरियोडिक टेबल में पीरियड uh, कितने थे पीरियड यही थे सात पीरियड में कन्वर्ट किया था बाद में इनको क्या बोला गया था सीरीज बोला गया था बेटा सीरीज मैंडलीव ने पहले पीरियड्स को क्या बोला था सीरीज और बारह सीरीज थी बारह सीरीज को सात पीरियड में कन्वर्ट किया गया ठीक है फिर उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर किए डिस्कवरी ऑफ नहीं नहीं कुछ ऐसे एलिमेंट्स की नेमिंग दी जो तब डिस्कवर भी नहीं हुए थे मतलब मेडलीव को जादूगर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता था जादूगर क्यों क्योंकि इसने उन एलिमेंट्स के बारे में भी बता दिया था जो डिस्कवरी नहीं हुए थे undiscovered एलिमेंट्स तो ये जो undiscovered एलिमेंट्स है ना जैसे कि गैलियम है बेटा ये गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था है ना तो मेंडलीव ने बोल दिया कि भैया ये एक ऐसा एलिमेंट है जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है इसको मैं बोलता हूं इसका नाम मैं देता हूं इका एल्युमिनियम इसका नाम है इका एल्यूमिनियम मतलब इका एल्यूमिनियम करके एक एलिमेंट है जो डिस्कवर होगा इन फ्यूचर उसकी प्रॉपर्टीज़ ये 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 होंगी हाँ पहले ही बता दिया था गैलियम तब डिस्कवर भी नहीं हुआ था यहां पर जगह खाली छोड़ दी और ऐसा बोला कि इका एल्यूमिनियम करके इका एक संस्कृत से रिलेटेड वर्ड है और इका का मतलब होता है सिमिलर या पहले आने वाला तो ऐसा एलिमेंट ऐसा एलिमेंट जो एल्यूमिनियम जिसके पहले आता है वो इका एल्यूमिनियम कहलाएगा उसकी प्रॉपर्टीज सब ये ये सब होंगी हां संस्कृत वर्ड होता है इका सीरियसली ठीक है हां तो ये, ये 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 सीरियस सी बात सही बात है ये सारी नॉलेज जो आज हम ले रहे हैं जिनमें इंग्लिश साइंटिस्ट लोगों के या फिर रशियन या जर्मन साइंटिस्ट लोगों के नाम लगे हुए हैं जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी ये सब ये सारी चीज़ें ये ये सब ये पहले से मौजूद हैं और पहले के जो वो ऋषि मुनि रहा करते थे ना वो दे गए बेटा वो दे गए बाद में इन्होंने इन पर रिसर्च किया और अपने नाम से इनको पब्लिश करवाया ये सत्य है ठीक है पर अपने को उसमें नहीं पढ़ना वो सब झंझट की बातें हैं आप तो ये देखो कि जो इसने एलिमेंट्स दिए थे उनको याद कैसे करना है वो मैं आपको याद करा देता हूं आ जाओ देखो क्या दिया था ये एलिमेंट तब डिस्कवर नहीं हुए थे गंगा से जमुना तक ये वो एलिमेंट है जो तब डिस्कवर नहीं हुए थे कैसे याद किया इनको गंगा से जमुना तक ये कौन से एलिमेंट है जो तब डिस्कवर नहीं हुए थे ये तब डिस्कवर नहीं हुए थे तो मैंडलीव ने इनका नाम क्या रखा इसका नाम रखा था इक्का एल्यूमिनियम इसका नाम रखा था इका बोरोन इसका नाम रखा था इका सिलिकॉन और इसका नाम रखा था इका मैंगनीज है ना मतलब ये एल्यूमिनियम के नीचे आने वाला एल्यूमिनियम के बाद आने वाला एलिमेंट है तो एल्यूमिनियम के बेस पर इसका नाम रख दिया इसका बोरॉन के बेस पर इसका सिलिकॉन के बेस पर और इसका मैंगनीज के बेस पर तो आपको ये कैसे याद रखने बेटा आपको ये ऐसे याद रखना है देखो गंगा से गंगा से जमुना तक ये वो एलिमेंट है जो डिस्कवर नहीं हुए थे और कौन कौन से एलिमेंट्स के बेसिस पर इनके नाम दिए थे अलमारी मतलब एल्यूमिनियम भरी मांगे मतलब बच्चों देखो आज तो बोर्ड के भी सांसे फूल गई है बोर्ड भी हैंग होने लग गया है लेकिन शेर नहीं रुकेगा आज शेर नहीं रुकेगा आज शेर नहीं रुकेगा चाहे बोर्ड ठिकाने लग जाए ठीक है आ जाओ देखो बेटा ठीक है तो अलमारी भरी सी मांगे गंगा से जमुना तक और अलमारी भरी सी मांगे ऐसे ये एलिमेंट्स को आप याद कर सकते हो ये वो एलिमेंट्स हैं जो मेंडली ने डिस्कवर नहीं हुए थे फिर भी हमें इसके बारे में बता दिया ऐसे ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक वेट में ने करेक्शन करके दिया था करेक्शन इन अटोमिक वेट मतलब दुनिया को एटॉमिक वेट ही गलत पता थे जैसे कि बेरिलियम है बेरिलियम का अटोमिक वेट पहले थर्टीन पॉइंट फाइव कंसिडर किया जाता था जो कि गलत था बेरिलियम का अटोमिक वेट कितना होता है नाइन ये मेडलीव ने सही करके दिया था ये मेडलीव ने सही करके दिया था तो आपको तो सीधे सीधे ये याद रखना है कि कौन कौन से वो एलिमेंट थे जिनके अटोमिक वेट में मेडलीव ने करेक्शन किया और वो आप कैसे याद रख सकते हो वो आप ऐसे याद रख सकते हो कैसे याद रख सकते हो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक वेट में मैंडलीव ने करेक्शन दिया डीपीपी सारी सॉल्व हो जाएगी अगर आज का लेक्चर ढंग से अटेंड किया है तो पक्का डीपीपी सारी सॉल्व हो जाएगी ठीक है तो देखो इसको कैसे याद करना है यू बेवफा इंडियन पटाऊ कैसे याद करना है यू बेवफा इंडियन पटाऊ ये वो एलिमेंट्स थे जिन्होंने जिनों जिनमें करेक्शन किए थे जिनके एटॉमिक वेट में करेक्शन किए थे किसने मैंडलीव ने ठीक है ठीक <laughs> है शेर जाओ जल्दी से होकर आओ जल्दी से होकर आओ ठीक है बेटा मैं तो यही चाहता हूं तुम सभी के 160 प्लस ही आए अरे 160 प्लस क्या मैं तो 180 का जुगाड़ करवा रहा हूं तुम्हारे भगवान करे तुम सबके 180 आए केमिस्ट्री में इतिहास रच देंगे हम इतिहास समझे ठीक है चलो बेटा आगे बढ़ रहे हैं ये तो थी मेंडलीव की पीरियडिक टेबल अब बात करेंगे हम सबसे लास्ट टॉपिक हमारा आज का बस थोड़ी सी देर और, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ठीक है देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं मेडलिव की पीरियोडिक टेबल में भी कई सारी कमियां रह गई थी और उन कमियों को मतलब मुझे नहीं लगता इतने ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडलिव ने जैसे कि है ना हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में नहीं बताया आइसोटॉप्स की पोजीशन के बारे में नहीं बताया कुछ एनामलस पेयर्स थे कुछ एनामलस पेयर्स थे जैसे कि डीमेरिट्स की बात करें ना तो जैसे कि आर्गन है और पोटेशियम है

पूछा तो आज तक नहीं गया है ना और अब टाइम भी कम है साढ़े बारह ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, बस फटाफट से, इसको करते हैं। से ये, table, है ना? थोड़ी सी देर की बात और है, अभी तक तुम लोगों ने इतना झेला है दो पांच दस मिनट और झेल लो आज का टॉपिक खत्म करते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो गया मेंडलीव की टेबल अगले कई सालों तक चलती रही मतलब मैंडलीव ने बहुत तगड़ा क्लासिफिकेशन दिया था को इसलिए जादूगर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता था जादूगर है ना तो फिर जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो वापिस से एलिमेंट्स को जमाया गया यह देखा गया कि एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर से रिलेट करें तो क्या कैसे रिलेट किया जा सकता है तो एक साइंटिस्ट आए मोजले मोजले ने अटोमिक वेट और अटोमिक नंबर दोनों से रिलेट करके देखा और उन्होंने पाया कि अटोमिक नंबर से ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं और फिर उन्होंने अटोमिक नंबर से रिलेट करके जो काम मेंडलीव ने किया था उनके काम में से अटोमिक वेट हटाया और अटोमिक नंबर लगाया जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर अटोमिक नंबर यह लाइन सुनी सुनी सी लग रही है क्या अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखी थी क्या मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में मैंडलीव पीरियोडिक लॉ में हमने क्या लिखा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट इसने अटॉमिक वेट को हटाया और वहां पर अटोमिक नंबर लिख दिया और एक नया लॉ बना दिया जिसको बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो ये इसको कैसे पता चला कि एलिमेंट्स को हम एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर से रिलेट करें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जमाएं तो ज्यादा अच्छे तरीके से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मोजले ने जिसको हम मोजलेज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं मोजलेज एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड या मोजलेज एक्सपेरिमेंट बोल लो इसको मोजलेज एक्सपेरिमेंट मोजले ने क्या लिया मोजले ने मेटल्स मोजले ने हैवी मेटल्स और इन पर बंबार्डमेंट करवाया बीटा पार्टिकल्स का किनका बंबार्डमेंट करवाया बेटा बीटा पार्टिकल्स का बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं दीज आर हाई एनर्जी और तेज स्पीड से भागने वाले निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स इन पे बीटा पार्टिकल्स का बंबार्डमेंट करवाया तो इन्होंने देखा कि कुछ रेज इमिट हो रही है यहां इस मेटल से जिनको बोला जाता है एक्स रेज क्या बोलते बेटा इनको एक्स रेज अगर हैवी मेटल्स पर बीटा पार्टिकल्स का बंबार्डमेंट करवाएं तो एक्स रेज इमिट होती हैं तो इन्होंने क्या किया मोजले ने जो एक्सरे इमिट हो रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी को मेजर कर लिया सबकी फ्रीक्वेंसी नाप ली उन्होंने क्या किया सबकी फ्रीक्वेंसी नाप ली और उन्होंने दो कर्व बनाए इन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को इन्होंने जैसे कि ये जो फ्रीक्वेंसी मिली ना ये क्या है ये एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि भाई हाँ इस पर बीटा पार्टिकल का हुआ तो फ्रिक, अपनी हुई। तो अपनी एक्सरे एक्सरे हुई इस एक की फ्रीक्वेंसी को लिया मतलब अंडर ऑफ फ्रीक्वेंसी को लिया इसको एक बार एटॉमिक वेट से रिलेट किया और एक बार एटॉमिक नंबर से रिलेट किया एक बार एटॉमिक वेट से रिलेट किया और एक बार एटॉमिक नंबर से रिलेट किया तो इन्होंने पाया क्या कि एटॉमिक वेट से रिलेट कर रहे हैं तब तो ऐसा जिगजैक्स सा कर मिल रहा है है ना तब ऐसा जिग जैक सा कर मिल रहा है और जब एटॉमिक नंबर से रिलेट कर रहे हैं तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन कर मिल रहा है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मतलब अगर मैं अटोमिक वेट बढ़ा रहा हूं मेटल का तो ये जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है ना एक्सरे की ये भी बढ़ रही है पर इरेगुलर वे में बढ़ रही है तो अटोमिक वेट से तो ऐसे रिलेट हुआ लेकिन जब अटोमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने देखा जैसे जैसे अटोमिक नंबर बढ़ा रहे हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एक रेगुलर वे में इंक्रीज हो रही है तो यहां से उसको समझ में आ गया कि एलिमेंट को हम एटॉमिक वेट की बजाय एटॉमिक नंबर से रिलेट करें इसकी प्रॉपर्टीज को तो ज्यादा बेटर तरीके से रिलेट कर सकते हैं है ना यानी कि अंडर अंडरवुड ऑफ फ्रीक्वेंसी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ये रिलेशन उन्होंने निकाला एटॉमिक नंबर से रिलेट किया फिर उसके बाद उन्होंने मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल और मैंडलीव की पीरियोडिक लॉ में से एटॉमिक वेट टर्म को हटाया और एटॉमिक नंबर टर्म को जोड़ा और एक नई पीरियोडिक टेबल बना दी जिसका नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल को पूरा खोल के रख दिया उन्होंने पूरा खोल के रख दिया मतलब इसमें अठारह ग्रुप्स बना दिए उन्होंने मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने थे नौ नोबल गैसेस को ऐड करने के बाद और इन्होंने उन नौ ग्रुप्स को अलग अलग कर दिया उन्होंने नौ ग्रुप्स को अलग अलग कर दिया और टोटल ग्रुप और सात पीरियड बनाए ग्रुप और सात पीरियड बनाए जबकि मैंडलीव ने जो ग्रुप्स बनाए थे वो नौ ग्रुप्स बनाए थे वो नौ ग्रुप कैसे थे जैसे कि ये ग्रुप वन है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप वन था उसमें वो एलिमेंट थे जो वैलेंसी वन शो करते हैं जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम, रुबीडियम सीजियम ये सारे वन वैलेंसी शो करते हैं तो उन्होंने इस फर्स्ट ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया दो सब ग्रुप में वन ए और वन बी वन ए में रखा उन्होंने अल्कली मेटल्स को वन बी में रखा ट्रांजिशन मेटल्स को कौन से कॉपर सिल्वर गोल्ड ये फर्स्ट ग्रुप था मेनलीव की पीरियोडिक टेबल का ऐसे सेकंड ग्रुप में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, स्टॉन्टियम बेरियम और उधर सेकेंड बी में जिंक कैडमियम मर्क्यूरी ये एलिमेंट्स प्रेजेंट थे ये एलिमेंट्स प्रेजेंट थे ठीक है तो ये मालूम है ना इनको क्या बोलते हैं इनको कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ये लेस रिएक्टिव है और ये अपने अल्कली मेटल्स हैं ये कौन से हैं टिव हैं तो बाद में इसी चीज को लेकर बवाल हुआ था मैंडलीव को यही बोला गया था कि भाई आप तो कहते हो कि एक ग्रुप में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है फिर आपके जो सब हैं इसमें तो ये आप देखो ये बोल रहे हो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव है अलग अलग प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट है भाई आप कितने अच्छा काम कर लो रिश्तेदार तो उंगली करते ही है ना तो वैसे ही हुआ था मैं साथ भी अच्छा सोडियम को देखो सोडियम इन दोनों सब ग्रुप के बीच में क्या कर रहा है ब्रिज बनाने का काम कर रहा है इसलिए इसको क्या बोला गया ये एक ब्रिज एलिमेंट है तो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो थर्ड पीरियड एलिमेंट थे मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हमारे जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं यह ब्रिज एलिमेंट की तरह रिप्रेजेंट किए गए थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को बोला गया ब्रिज एलिमेंट क्या बोला गया ब्रिज एलिमेंट हमारा आज का लास्ट एनसीईआरटी टी कटआउट और हमारी आज की लास्ट स्लाइड <laughs> अरे थक तो नहीं गए ओ मेरा नालायकों थक तो नहीं गए एक लिख रहा है सर नेक्स्ट चैप्टर भी अभी से ही पढ़ा दो आज ही पढ़ा दो अरे तुम्हारे घुटनों में ना हार्ट अटैक आ जाएगा और पढ़ा दिया तो दि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट मतलब तब 94 naturally occurring element थे अब तो काफी ज़्यादा कर अपन ने like बेटा ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि यहां पर दिया हुआ पिच ब्लेंड पिच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम का ओर होता है यूरेनियम का एक ओर होता है तो आपसे है ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिच ब्लेंड किसका ओर है पिच ब्लेंड किसका ओर है तो क्या बोलेंगे किसका ओर है पिच ब्लेंड किसका ओर है को, किसका कंपाउंड है ये पिच ब्लेंड ये है यूरेनियम का किसका कंपाउंड है बेटा यूरेनियम का ठीक है इट इज स्टिम्युलेटेड रिन्यूड इंटरेस्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हैज कैरीड इन टू द प्रेजेंट विद द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट तो हमारा पीरियोडिक टेबल समाप्त हो चुका है हमने पूरा पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल टेबल रिवाइज कर लिया है समाप्त देखो जरा ये क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क के है ना यहाँ पर ये होमवर्क स्लाइड के बाद मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड करे हुए हैं ये तुम्हें बेटा होमवर्क में करने है ना और ये चीज भी देख लेना और ये क्वेश्चन भी देख लेना है ना ये इसलिए डाले हैं क्योंकि ये आपको मैं पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा ये चीजें अभी नहीं पढ़ाई जाती हैं तो वो एनसीईआरटी में दिए हुए पीरियोडिक टेबल की इसलिए यहां पर डाल दिए कि एक बार उनको देख लेना आप है ना पी ब्लॉक में ये कवर हो जाएगा शेर <laughs> अब राहत की सांस लेगा शेर अब घर जाके खाना खाएगा और शेर अब तो जाएगा एक लंबे समय के लिए लेकिन शेर फिर से वापस आएगा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएगा और ऐसे ही लंबे टाइम तक पढ़ाएगा तो बच्चों बहुत बहुत साहस दिखाया आप लोगों ने सीरियसली मतलब आप लोगों ने बहुत मेहनत की आज मुझे तो सिर्फ पढ़ाना था आप लोगों को तो पढ़ना था पढ़ना ज्यादा मुश्किल होता है पढ़ाने से मैं आपको बता दूं तो आप लोगों की मेहनत आज ज्यादा थी हमारी मेहनत तो क्या ही थी आप लोगों की मेहनत बहुत ज्यादा थी बस आप लोगों का ये जो प्यार है यही हमें एनर्जी देता है ये सब करने के लिए मजा आ गया सीरियसली मैं आज का लेक्चर कभी नहीं भूलूंगा वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर रहा ये मेरे जीवन का सिंसियरली लाइव बोल रहा हूं यूट्यूब पर मेरे जीवन का वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर था ये आप सभी लोगों के साथ इतना प्यार इतना लगाव आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए अभी तो देखो और जुड़ते जा रहे हैं अभी छब्बीस सौ सत्ताईस सौ पे आ गए थे अब फिर अट्ठाईस सौ हो गए है ना मतलब सोच रहे हो लगभग दस हजार ग्यारह हजार लोगों ने हथियार डाल दिए अभी तक लेकिन आप लोग अभी भी रुके हुए हो अभी भी झेल रहे हो इसका मतलब ये आप सभी का प्यार है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आया होगा आप सभी का रिवीजन और बैकलॉग वाला जो टास्क था वो कंप्लीट होगा ये लेक्चर आपकी हेल्प करेगा आई होप पीरियोडिक टेबल को कवर करने में नीट में जितनी चीजें आती हैं मेरी तरफ से मैंने एक भी नहीं छोड़ी है अगर दो एक कुछ छूटती भी है तो उसको आगे हम कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे कोशिश यही करूंगा कि सिर्फ ये लेक्चर देखकर ही आप नीट में पीरियोडिक टेबल के सारे क्वेश्चन सही कर दो यही कोशिश मेरी केमिकल बॉन्डिंग में भी रहेगी और आगे के चैप्टर्स में भी रहेगी बस आपका प्यार इसी तरीके से मिलता रहेगा तो ये लेक्चर इसी तरीके से आते रहेंगे ठीक है तो सभी लोग खाना खाओ जिन्होंने नहीं खाया है नींद निकालो जो झूल रहे हैं नींद में और उससे पहले थोड़ा टहल लेना इधर उधर है ना काफी देर से बैठे होंगे आप लोग थोड़ा सा टहल लेना थोड़ा फ्रेश हो लेना है ना खाना वाना खा लेना मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत बंदे मातरम आपको होमवर्क वाली स्लाइड में ऐड करके दे दूंगा है ना अरे मजा आया तो लाइक ठोक के जाना भैया ठीक है वैसे तो ठोक ही दिया होगा तुम लोगों ने